में नेट जे नेट ए पास करने की गारंटी में एक आधार पर दे सकता हूं यह मेरे नेट जे पास करने के सर्टिफिकेट यह मेरा पीएचडी का थीसिस मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं कि मैंने इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में कैसे पास किया और इसीलिए मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ऑल यूनिट कंप्लीट मैराथन सेशन लेकर आ गया हूं ध्यान रहे इस सेशन में हम एक यूनिट से दस यूनिट तक क्रम से लगातार पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन पेपर वर्क के टेन यूनिट तक मैं आप सभी को साथियों कंप्लीट करवाने वाला हूं नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर लोकिस वाली है आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बतला दू हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होती है तो साथियों ये मेरा जो खुद का अनुभव है चाहे मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव हो या फिर मेरा तीन बार जे क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस हो वो सारा अनुभव आज मैं आपको साथियों इस महा में साझा करने वाला हूं क्योंकि साथियों इस सेशन में हम लगातार सात से आठ घंटे पढ़ने वाले हैं तो आप लोग तैयार हो गाइस पढ़ने के लिए लगातार सात आठ घंटे तक मैं तैयार हूं आप भी तैयार रहना ध्यान रहे मैराथन का ये सेशन पहला नहीं है इससे पहले मैं पूरा डीआई आपको कंप्लीट करवा चुका हूं छह घंटे की मैराथन इसके अलावा मैथ पूरी, पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं दस घंटे की मैराथन लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करवा चुका हूं पांच घंटे की मैराथन ये साथियों सारी मैराथन की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ध्यान रहे वैसे मेरी रोज लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूं पेपर वन जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जितनी भी चीजें इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी तो साथियों इस महायज्ञ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट क्या है आप यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हो पच्चीस की कर रहे हो तेवीस की कर रहे हो जिस भी सन की आप तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट्स में लिख दीजिए यूजीसी नेट पेपर वन, एंड आपका सब्जेक्ट का नाम तो साथियों चलते हैं इस महायज्ञ की शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से आज मैं शुरू करने वाला हूं तो तैयार हो सबके सब, सब? गाइस तैयार हो सबके सब टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम करता अधिगम करता का मतलब क्या है सबसे पहले देखो क्या है आपको एक रणनीति अपनानी है इस एग्जाम को पास करने के लिए देखो एक बात समझो मेरी बात ध्यान से समझो मेरी तरफ देखो लुक एट मी इधर देखो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो क्या है कि जो हमारा जो सिलेबस है ना वो कई साल पुराना है right? अब होता क्या है कि एग्जाम ने इतने सालों में सारे क्वेश्चंस तो दे दिए हैं ऑलरेडी अब एग्जामिनर के सामने हमेशा एक समस्या रहती है कि नए क्वेश्चन लेकर आने की बट भाई सिलेबस एक कि, किसी चीज को कितना छानोगे आप छानने की अपनी लिमिट होती है तो क्या किया है एग्जामिनर? आजकल क्या करते हैं खासकर तेईस बाईस इक्कीस के जो मैं पेपर का मॉडल देख रहा हूं उसमें क्या हो रहा है कि एग्जामिनर सवाल में बदलाव नहीं कर रहा सवाल की भाषा में बदलाव कर रहा है सवाल की लैंग्वेज में बदलाव कर रहा है यानी ऐसे शब्द वहां पर डाल दे रहा है जो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो सवाल है ना यह बहुत ही मोस्ट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया और क्वेश्चन समझ लिया ना तो उत्तर आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आइए मेरी इस बात से सहमत है आप मेरी इस बात से सहमत है आप कि लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव किया है अगर सहमत है तो कॉमेंट्स करके बताओ जो बाद में देख रहे हैं वो भी और लाइक कर दो तो वीडियो को ठीक है कोई बात नहीं है मैं आप लोगों के कमेंट देख लूंगा अभी आप एक बार हम क्लास पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं कमेंट्स वगैरह तो हम लोग देखते रहेंगे चलिए निम्नलिखित में से अधिगम करता। अधिगम करता कौन है आप हो इस समय अधिगम करता अधिगम का मतलब क्या होता है किसी चीज को सीखना जानना या लर्न करना मैं थोड़ा जूम कर देता हूं थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको थोड़ा जूम कर देता हूं रुक जाओ अधिगम हाँ। अधिगमकर्ता का मतलब क्या हो अधिगम का मतलब क्या होता है किसी चीज को जानना लर्न करना सीखना लेकिन सीखने की बात अगर मैं करूं तो केवल स्कूल जाने से कॉलेज जाने से ही अधिगम प्राप्त नहीं होता अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको हर रूप में प्राप्त होती है जैसे मैंने मान लो इस दीवार में ऐसे हाथ मार दिया मैंने मान लो इस दीवार में ऐसे इस टेबल पर ऐसे हाथ मार दिया तो मेरे हाथ में क्या लगी चोट लगी तो चोट से क्या मुझे दर्द का आभास हुआ तो यह दर्द का आभास भी मुझे अधिगम करवाएगा मैं वापस इसमें दोबारा ऐसे चोट नहीं मारू हर एक चीज में चीज से अधिगम प्राप्त होता है और आप इस समय कौन हो अधिगम करता हो आप चीजों को सीख रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम करताओं को संवेगात्मक संवेग का मतलब क्या होता है भावना अच्छा एक काम करो आप पेन कॉपी निकालो मैं जितने भी कठिन शब्द आएंगे ना उनके आपको अर्थ लिखवाते चलूंगा जितने भी कठिन शब्द आएंगे उनके मैं अर्थ लिखवाते चलूंगा अब होता क्या है मार्केट में बहुत सारे टीचर अंग्रेजी के हैं आप जितना भी यूट्यूब खोलकर देख लो आपको अंग्रेजी के शिक्षक मिल जाएंगे अंग्रेजी में ही अच्छी किताबें मिलती हैं है ना खासकर तो क्या होता है अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों की सीटों को खा जाते हैं और वो ज्यादा बेहतर आंसर दे पाते हैं अब हिंदी मीडियम के बच्चों की दिक्कत यह है कि ना तो वो अंग्रेजी जानते और ना ही वो हिंदी के उन क्लिष्ट शब्दों को जान पाते हैं जो एग्जाम में आते हैं क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के शिक्षक हिंदी मीडियम हिंदी के उन क्लिष्ट शब्दों को समझाते नहीं है वो अंग्रेजी में सब जाते हैं और अंग्रेजी आप थोड़े दिन बाद में भूल जाते हो तो मैंने एक सोचा है कि मैं क्या करूंगा एक पेन कॉपी बनवाऊंगा आप लोगों से और पेन कॉपी में हर एक छोटे छोटे शब्दों को लिखवाऊंगा कैसा रहेगा आपको कैसा लगेगा ये ये चीज चलिए अधिगम करता का संवेगात का मतलब होता है भावना संवेगा संवेग का मतलब होता है भावना इमोशंस इमोशंस निम्नलिखित में, में से कौन सा अधिगम करताओं को भावना सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है संवेगात्म सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत क्या करता है अब अब आपको यहां यहां पर पर इनका लिंक लगाना है पहला ऑप्शन यहां पर पढ़िए पहला ऑप्शन है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना देखो मैं एक बात बताऊं कि जो आदमी इमोशनल होता है ना भावनात्मक रूप से होता है ना वो खुद के इमोशंस भी समझता है और दूसरों के इमोशन भी समझता है लेकिन जो व्यक्ति रूड होता है वो ना अपनी बात समझता है ना दूसरों की बात समझता है तो आप सहमत हो मेरी नजरों में क्या है साथियों यहां पर एक है साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन है अगर एक हमारा यहां पर सही है ध्यान से समझ लल्लन टॉप ट्रिक लगाओ अगर एक हमारा सही है तो जिस भी ऑप्शन में एक नंबर नहीं दिख रहा उनको काट दो इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक आ जाइए बताते जाता हूं देखो मैंने पढ़ा एक नंबर एक नंबर हमारा सही है तो जिस भी ऑप्शन में हमको एक नंबर नहीं आ रहा हमने काट दिया अब या तो हमारा ए सही है और या हमारा सी सही है आइए और चीजों को कर ले करके यहां पर देख लेते हैं स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना एक बात बताओ जो व्यक्ति इमोशनल है जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से सशक्त है क्या अपने आप को बलपूर्वक प्रेजेंट करेगा मैं आपसे कहता हूं तू या तो मेरी बात सुन ले नहीं मैं तेरा लाठी से मारूंगा नहीं ऐसे गवार आदमी नहीं है ऐसा इस तरह का आड़ू आदमी नहीं रहेगा समझदार विद्या ददाती विन्यां। विन्यां ददाती दाम। समझदार भावुक इमोशनल संवेगात्मक व्यक्ति हमेशा अपनी बात को बलपूर्वक नहीं रखेगा वो अपनी बात को तर्क के आधार पर रखेगा इसलिए साथियों पर दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है अब ऑप्शन देखिए नीचे इन दोनों को तो मैं पहले ही खारिज कर चुका हूं अब जिस ऑप्शन में आपको दो नंबर दिखाई दे रहा है उसको भी यहां पर काट दो और यहां पर भगवान की कृपा से ऑप्शन नंबर एक सही हो गया अब देखो कितने प्रेम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर सोचो आपने एक क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा होता तो क्या इस क्वेश्चन को आप इतने प्रेम से सही कर पाते आज के जमाने में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखो आज के जमाने में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन एक से ज्यादा आते हैं उन ऑप्शनों को काटने के लिए हमको सवाल को उत्तर के आधार पर करना होगा आज आप मेरी पहली क्लास में जुड़े हो धीरे धीरे देखते जाओ होता है क्या अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं अगली क्लास में रिसर्च पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको आ, क्या पढ़ाऊंगा मैथ पढ़ाऊंगा रीजनिंग पढ़ाऊंगा डीआई पढ़ाऊंगा और साथियों पर्यावरण पढ़ाऊंगा मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये ट्रिक आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि पेपर वन और पेपर टू दोनों सॉल्व कर पाओगे वेरी गुड साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो और आइए इस ट्रिक के आधार पर हम और क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बिल्कुल साथियों और दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का हम लोग यहां पर प्रयास करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एक थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करो पहले पढ़ो और फिर आंसर दो पहले पढ़ो और फिर यहां पर आंसर देने का प्रयास करो मैं थोड़ा साइड में देखो मैं आपकी मदद कर देता हूं पढ़ने में और फिर साथियों हम इस क्वेश्चन को करेंगे देखो नीचे दिए गए दो सेट में एक सेट एरा और एक सेट एरा नीचे दिए गए दो सेट में ब्लूम ब्लूम क्या है एक साथियों आ, विचारक थे क्या थे ब्लूम एक विचारक थे इसका सिद्धांत भी आएगा आगे मैं पढ़ाऊंगा ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम अधिगम का मतलब मैं समझा चुका हूं सीखना जानना समझना किसी चीज को लर्न करना यह अधिगम होता है नीचे दिए गए दो सेटों में ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं जबकि सेट वन और उनके उदाहरण संबंधित कार्य दिए गए हैं इन दोनों सेटों को हमको यहां पर सुमेलित करना है अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपके सामने आ जाए आई रिपीट ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन कोई सामने आ जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको करना क्या है आइए हमको यहां पर एक ऐसा देखो स्मृति स्तर हम नहीं जानते स्मृति स्तर का मतलब क्या होता है देखो एक कैसे सोल्व करेंगे पहले सोल्व करना सीख लो एक बार एक बार सीख लो फिर मैं आपसे करवाऊंगा क्या होता है मान लो ऐसे कोई सवाल आगे हम इनको जानते स्मृति स्तर का मतलब भी मैं नहीं जानता जैसे मैं अवबोध स्तर का मतलब भी मैं नहीं जानता मान लो मैं विश्लेषण का मतलब भी नहीं जानता मैं यहां पर चीजों को जान ही नहीं रहा हूं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग में कुछ है ही नहीं कुछ भी सब मैं भूल चुका हूं अब हमको क्या करना है आइए इस ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं जब मेरे सामने क्वेश्चन आया यार मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक आउट हो गया कि भाई मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है मैंने ये पढ़ा नहीं आ रहा ये पढ़ा नहीं आ रहा इनको पढ़ा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा अब इस समय क्या करेंगे हमको इन सभी लाइनों में से चार लाइन एरी चार लाइन एरी इनमें से कोई एक ऐसी पंक्ति ढूंढनी है जो हमसे आती हो जैसे सपोज करो नए विचार उत्पन्न करना भी मुझसे आता है जैसे इस नहीं आता। लेकिन मुझे सृजन का मतलब तो पता है ना सृजन का मतलब क्रिएट करना किसी चीज को क्रिएटिव करना उसका इनोवेशन करना है ना सृजन का मतलब उसको उत्पन्न करना पैदा करना सृजन का मतलब यही होता ना कोई काम का जैसे रोजगार सृजन करना ये रोजगार का मतलब रोजगार निकाल दिए जैसे कि अभी वर्तमान की जो सरकार है उसने रोजगार सृजन कर दिए यानी रोजगार पैदा करना तो क्या होता है कि हम पूरी चीज हमसे नहीं आती है लेकिन हमको एक पता है कि सृजन स्तर का मतलब हमको पता है कि सृजन का मतलब कुछ तो होता है अब आइए यहां पर मिलाना शुरू कर देते हैं सृजन को केवल हमको इतना पता लग गया कि हमसे ये शब्द आता है एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है गाइस इसी तरीके से एग्जाम में करना है अब हम यहां से मिलाना शुरू करेंगे इसको कि इसका मतलब क्या है इसका सृजन का मतलब क्या है इसको हम उसी तरीके से मिलाना शुरू करेंगे जैसे कि मान लो सृजन को मैंने डी से मिलाया सृजन स्तर का का मतलब सूचनाओं कई स्थानों भाग यानी मिला भी हमारा गलत है अब मैंने इसको इससे मिलाया तीन से सृजन स्तर सूचनाओं का अनुसरण यह भी हमारा गलत है लेकिन जब मैंने इससे मिलाया नए विचार उत्पन्न करना अब आपको साथियों मजा आ गया होगा कि सृजन स्तर का मतलब क्या है नए विचारों को उत्पन्न करना अब हमने क्या देख लिया कि इस डी का आंसर दो है तो डी के नीचे दो ढूंढो ये डी इसके नीचे दो ढूंढो ये चार है ये दो है एक ही आंसर सही हो सकता है ये डी है इसके नीचे एक चार है और ये एक आंसर दो हो सकता है अब या तो आंसर हमारा सी सही अब या आंसर हमारा डी सही आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है गाइज 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 आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तुरंत हमने दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल पाएंगे अब हम साथियों फिफ्टी फिफ्टी पर यहां पर आ गए हैं कौन पर आ गए फिफ्टी फिफ्टी पर साथियों हम लोग यहां पर आ गए लेकिन 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 एक बात यहां पर आपको समझनी है और सुननी है अब एक चीज आपने सोची दोबारा से जब हमने पढ़ाई करी जब हमने यहां पर दोबारा से पढ़ा स्मृति का मतलब होता है मेमोरी अरे यार मैं तो भूल ही गया था स्मृति का मतलब होता है मेमोरी स्मृति याददाश्त अगर हम इसको यहां पर मिलाएंगे याददाश्ती को मिलाएंगे सूचनाओं का अनुसरण करने से क्या मिलाएंगे साथियों पर क्या मिला देंगे याददाश्ती का मतलब मिला देंगे सूचनाओं का अनुसरण का मतलब याद करना तो यार एक में तीन सही तो जहां पर एक में तीन सही हो ये ए है ये ए है इसके नीचे तीन सही या तीन नहीं है और इसके नीचे तीन आंसर डी आ गया समझे केवल हमने दो चीज पढ़ी आंसर क्या आ गया हमारा हमारा आंसर डी आ गया हमने दो ही चीज पढ़ी है मैं फिर से मिटा देता हूं और फिर से समझाने का प्रयास करता हूं देखो मैंने केवल दो चीज पढ़ी है, इस इस का मतलब क्या होता है? सूचना का अनुसरण करना और सृजन स्तर इसका मतलब क्या होता है नए विचारों का उत्पन्न करना सिर्फ इन्हीं दो शब्दों के आधार पर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है बोले लल्लन टॉप ट्रिक्की जय हो मजा आया मजा आया देखो मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं मेरी इस क्लास में अगर आप इसलिए आए हो कि सर एक क्लास में सौ क्वेश्चन कराएंगे डेढ़ सौ क्वेश्चन कराएंगे जल्दी जल्दी ऑप्शन देंगे फटाफट -फट जल्दी जल्दी ऑप्शन दिया उत्तर बताओ ऑप्शन तो आप गलत हो जा सकते हो क्लास से मैं इस क्लास में क्यों हूं क्योंकि मेरा काम क्या है मेरा काम यह है कि बदलते परिवेश में जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस को बदल रहा है लैंग्वेज के स्तर पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि आज के समय में क्या पढ़ना है यह ज्यादा जरूरी नहीं है सारी दुनिया को पता है क्या पढ़ना है सबके पास सिलेबस रखा हुआ है लेकिन क्या छोड़ देना है इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपकी एग्जाम में आएगी या उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्या मेरी आप इस बात से सहमत हैं तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ एक प्यार भरा कमेंट जरूर करो बाद में देखने वाले लोग भी कर से भी कह रहा हूं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है ओके अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं समझ गए साथियों क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है साथियों ऐसे क्वेश्चन भी हमसे बहुत आते हैं लेकिन यहां पर जो लैंग्वेज देखो नैदानिक निष्पादन विद्वान अनुदेश, अनुदेश देशनोपरांत और साथियों विफलता इतने कठिन शब्द आते हैं और बच्चा कठिन शब्द देखकर घबरा जाता है मैंने कहा कि मैं आपको सारे कठिन शब्द लिखवा दूंगा आप बिल्कुल चिंता मत करें एग्जामिनर क्या कर रहा है एग्जामिनर ना गेम खेल रहा है हमारे साथ एग्जामिनर को पता है सिलेबस वही है लेकिन शब्द क्या दे दिया नैदानिक मूल्यांकन शब्द क्या दे दिया निष्पादन शब्द क्या दे दिया विद्वान शब्द क्या देता अनुदेशना तो प्रांत ऐसे ऐसे शब्द दे देता दे दे है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि हिंदी मीडियम का बच्चा समझ नहीं पाता हिंदी मीडियम के बच्चों की दिक्कत यह है कि ना तो वो हिंदी को समझ पाता है और ना ही वो अंग्रेजी को समझ पाता है और वो क्या करता है फिर राम आधार पर तुक्का मारता है और अपनी सीट भी अंग्रेजी मीडियम के बालक को देकर आ जाता है क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता अंग्रेजी मीडियम का लेकिन अंग्रेजी तो जानता है भाई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी नहीं जानेगा लेकिन अंग्रेजी तो जानता है और हिंदी मीडियम के साथ समस्या क्या है कि वो हिंदी भी नहीं जानते ढंग से अंग्रेजी तो पूछो ही मत अंग्रेजी का तो माशाला काम ही तगड़ा है मेरी बात से सहमत है आप तो मैं क्या कर रहा हूं चाहे मुझे तुम कह दो कि सर आप बायस हो रहे हो बिल्कुल कह दो मैं सहमत हूं मैं इस क्लास को टोटल हिंदी मीडियम के बच्चों को समर्पित होकर पढ़ा रहा हूं जिसमें एक एक शब्द हिंदी का मैं समझाता हुआ चलूंगा चाहे पहले ही आप गाली दे लो अंग्रेजी वाले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं करूंगा ऐसा चलिए अनु नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित क्या होता है उत्तर देना देखें आप आप लोग को, को उत्तर देने का प्रयास करना नेदान, नेदान, एक शब्द होता है निदान निदान का मतलब आपने देखा है कभी किसी समस्या का समाधान करना जैसे आप कह दो तो, अरे मैंने उस समस्या का निदान कर दिया भाई मुझे उस समस्या का निदान पता लग गया है मैं जाऊंगा तो उसको एक झटके में निदान करके आ जाओ मतलब ऐसा लगता है कि यार नै निदान का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी चीज का हल करना नैदानिक मूल्यांकन भी आपका वहीं से बना है इसका मतलब क्या हो गया अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्वान समस्याओं के कारणों को समाधान करना यहां पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या आंसर है साथियों बी आंसर मेरा यहां पर बिल्कुल करेक्ट है एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है जितने लोगों ने लाइक किया है वो सब लोग एग्जाम में पास होंगे और जिन्होंने नहीं किया होगा उनका भगवान धनी है बेटा सोच लो मैं देखने वाला हूं कितने लोगों ने लाइक किया है बस वीडियो जब जब तक मैं एक बार लैपटॉप चार्ज में लगा दूं मैं देख रहा हूं कि इतने सारे लोग देख रहे हैं कितने लोगों ने वीडियो लाइक किया मैं ये देखने वाला हूं अभी रुक जाओ गुरु दक्षिणा में अगर लाइक नहीं दिया तो भाई करण की तरह फिर फल नहीं मिलेगा फल नहीं मिलेगा एग्जाम के समय में मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने लाइक किया है अब अरे थारी भली हो जाए थारी ना बहुत कम लोगों ने लाइक किया रे चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा ध्यान से पढ़ो नीचे दी गई सूची में उन अनुदेशात्मक पक्ष मैं समझाने वाला हूं अनुदेशात्मक का मतलब क्या होता है उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना देखो मैंने आपसे क्या कहा अगर आप क्वेश्चन को ठीक समझ लोगे मेरी बात इधर देखो ए भाई हेलो इधर देखो पूरे दिन लग रहे हैं इधर भी कमेंट्स करने इधर देखो मेरे तरफ देखा ऐसा है सिलेबस हमारा आज से चार साल पांच साल पुराना है लगातार चार पांच साल से एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है सुनो मेरी बात से। अब उसको हमेशा हर साल नए क्वेश्चन बनाने हैं अब यार इतना छोटा सिलेबस है एक टॉपिक का तो उसमें नए क्वेश्चन कहां तक बनाएगा इतने ज्यादा और पेपर वन का तो ऐसा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बनते हैं तो क्या कलाबाजी होती है कि क्वेश्चन सरल रहता है बस लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है लैंग्वेज के स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है और वहीं आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं तो आइए यहां पर हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं दी गई सूची में अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना कक्षा में जो योजना बनाते कक्षा योजना की संरचना कक्षा योजना का संरचना संरचना का अंश है है हिस्सा दी गई सूची में विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए यानी कि आप उस अनुदेशात्मक पक्ष ने उस ऑर्डर को फॉलो करो जिस ऑर्डर में आपकी कक्षा योजना या कक्षा की संरचना बनाई जाती है देखो सबसे पहले आप क्या करोगे अटेंशन प्लेज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा इधर देखो मेरी तरफ लुक एट मी इधर देखो ए हेलो ए हरिपुरसैड लाल बुरसे अरे हां आपसे कह रहा हूं तो पहले क्या अटेंशन सबसे पहले कोई भी काम करने से क्लास में सबसे पहले क्या होता है छात्रों का ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए ये अटेंशन होना चाहिए ये सबसे मस्ट चीज है अगर हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है तो तुम कितनी योजना बना लो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा उससे इसलिए अटेंशन होना सबसे ज्यादा जरूरी पहली चीज क्या है अटेंशन होना ओके गाइस उसके बाद में क्या होता है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान पूर्वकालिक ज्ञान का मतलब क्या होता है पहले का ज्ञान अब मेरी बात समझो यार आप इस क्लास को हजारों की संख्या में देखोगे राइट देख रहे हो अब मुझे तो पता नहीं कि तुम कितना जानते हो और कितना नहीं जानते हो मैंने जब से बैच द्रोणा लॉन्च किया है जब से मैंने मानकर चल रही है कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है ताकि सभी बच्चों का भला हो जाए मुझे यह पता नहीं है कि इस क्लास को देखने वाली सरिता कितना जानती है राहुल कितना जानता है और विशाल कितना जानता है <स्थित> मुझे तो पता नहीं है तो पूर्वकालिक ज्ञान का हमको यहां पर उपयोग नहीं करना है जब हम कक्षा की संरचना बना रहे होते हैं देखो रात को तीन बजे तक मैंने रात को तीन साढ़े तीन बजे तक मैंने कक्षा की योजना बनाई क्योंकि कल मैंने आपको नौ बजे बैच अर्जुन में बोला था कि कल से हम द्रोणा बैच शुरू करने वाले हैं राइट right? तो फिर क्या हुआ कि मैंने रात भर आप इसकी योजना बनाई तो मैंने आप लोगों से तो कॉन्टेक्ट किया नहीं कि यार भाई सलमान बता दे यार क्या करना है तो मैंने क्या किया विद्यार्थियों को पूर्ण क्या ज्ञान की हमको यहां पर आवश्यकता नहीं है तो यहां पर क्या हुआ एक एक हमारा सही और दो हमारा गलत तो जब हमारा एक सही आ रहा है था जब हमारा एक सही था तो जिस भी ऑप्शन में एक नहीं है वह हमने काट दिया लल्लन टॉप ट्रिक लगाकर और जिस भी ऑप्शन में एक नहीं है वो हमने काट दिया इधर देखते जाओ मैं दोबारा समझा दूं दो, ताकि और अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ आ जाए इधर देखिए हमको पता है कि विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना है एक ऑप्शन हमारा सही है तो हम क्या करेंगे जिस भी ऑप्शन में हमको एक नजर नहीं आ रहा है जैसे ऑप्शन नंबर डी में एक नजर नहीं आ रहा तो हमने डी को काट दिया राम जी का नाम लेके ऑप्शन नंबर सी में हमको एक नजर नहीं आ रहा तो हमने राम जी का नाम लेके ऑप्शन नंबर सी को भी काट दिया है तो अब हमारे पास या तो आंसर ए सही या आंसर हमारे साथ बी सही अब अगले अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं विद्यार्थियों का पूर्व क्या ज्ञान तो मैंने ये किया कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञानिक ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है अब लेकिन इससे पहले एक काम और भी कर सकते हो अगर लल्लन टॉप ट्रिक पर जा रहे हो ना अब देखो यहां पर क्या हो गया पर आपको समान अंक ढूंढने देखो, देखो। समान अंक ढूंढने आ रहा है आ इस ऑप्शन में तीन नंबर भाई या तो आंसर हमारा एक सही है और यह आंसर हमारा भी सही है यहां पर आपको तीन नजर आ रहा है बोलो गुरु जी तीन नजर आ रहा है बोलो ना भाई साहब बोलो तीन नजर आ रहा है और आपको यहां पर भी तीन नजर आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दोनों जगह अगर तीन तीन नजर आ रहा है तो राम जी का नाम लेकर बिना कुछ कहे मैं तीन को सही कर दूंगा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है लल्लन टॉप ट्रिक है इसी को कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक अन अकेडमी में थारा गुरु जी टॉप फाइव टीचरों में लल्लन टॉप ट्रिक बहुत पॉपुलर है चार साल से अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूं मैं चार साल से नेट मैं जान लेना लल्लन टॉप गुरु जी कौन है बच्चा बच्चा जानता है अकेडमी पर लल्लन टॉप गुरु जी को तो लल्ल टॉप ट्रिक क्या कहती है तीन यहां पर भी है तीन यहां पर भी है तो तीन को हम बिना पढ़े ही सही कर देंगे अब अगला अंक और मिलाओ इधर देखिए यहां पर चार है और यहां पर भी साथियों चार है तो बिना पढ़े ही हम चार को सही कर देंगे अब हमने क्या किया यहां पर तीन और चार भी सही कर दिया अब जो लड़ाई बच गई है अब लड़ाई जो बच गई है साथियों वो लड़ाई बची है हमारी या तो हमारा ऑप्शन नंबर सिक्स में लड़ाई बच रही है या ऑप्शन नंबर हमारा दो में लड़ाई बच रही है एक तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं तो हमने जैसे ही पढ़ा विद्यार्थियों का पूर्व क्या ज्ञान तो विद्यार्थियों का पूर्व क्या ज्ञान तो गलत है तो हमने क्या किया ऑप्शन नंबर जो ए है वो भी काट दिया और देखो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आ गया टन टना टन 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 टा हमने केवल दो ऑप्शनों को पढ़ा देख लो इन ऑप्शनों को पढ़ते ही हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रीक आवाज़ नहीं देनी चाहिए एक बार आप लोगों को इसे कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक जहां पर बिना कुछ मेहनत के हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यह दिमाग लगाने की जरूरत है ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हो गया साथियों क्वेश्चन तो इस आधार पर साथियों हमने क्वेश्चन नंबर बी यहां पर आंसर आ गया क्या आ गया क्वेश्चन नंबर बी आंसर आ गया मजा आया गजब मजा आ गया ना इस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे सीखना है आज ही हमारी पहली क्लास है आप चिंता ना करो आगे आगे बढ़ेंगे ना तो एकदम दिमाग में छाप दूंगा मैं आपको इन चीजों को आपके दिमाग में एक एक चीज छप जाएगी आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आप भी भी प्रयास प्रयास करो और आपके साथ मैं भी करूंगा क्वेश्चन नंबर शिक्षण में चर्चा पद्धति अब देखो क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं ना तो चर्चा पद्धति जब होती है कि हमारी बीच अंताक्षरी नहीं होती क्या बैठे ठाले क्या करें कर लेते हैं कुछ काम और शुरू करो अंताक्षरी लो प्रभु का नाम तो एक परिचर्चा है क्या है चर्चा क्या रहा है चर्चा है कि शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए देखो यार एक बात बता दूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि केवल हिंदी हिंदी आप हिंदी और इंग्लिश जब दोनों चीज एक साथ लेकर आता हो ना तो शब्द ना थोड़े छोटे हो जाते हैं आप चाहते हो कि केवल हिंदी लिया हूं आप बोलो कमेंट्स में मैं समझा दूं मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि छोटे हो जाते हैं फॉन्ट मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से चिंता ना करो मेरे मोबाइल पर मैं क्लास देख रहा हूं ठीक आइए शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना यहां पर जरूरी है और वो कौन कौन सी शर्तें हैं साथियों सबसे पहला बिंदु विषय सरल हो ए भाई एक बात बताओ कि अगर हम कोई चीज की चर्चा करेंगे तो क्या विषय सरल होना जरूरी है मतलब ऐसा कोई कंपलसरी है क्या विषय इजी विषय आएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे कमेंट्स करके बताओ कि क्या यह जरूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत सिंपल हो क्या जरूरी है यह ये? ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है अगर हम चर्चा पद्धति को लेकर आ रहे हैं अगर हम कोई चीज पर डिस्कस करने वाले हैं तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि विषय सरल ही होना चाहिए तो इसके आधार पर मैंने ऑप्शन नंबर एक को यहां पर काट दिया है अब लल्लन टॉप का नजारा देखो ऑप्शन नंबर एक गलत है तो सबसे पहले क्या करेंगे जिस भी ऑप्शन में एक नजर नहीं आ रहा उसको हम काट देंगे ये काम तो कर ही सकते हैं ना जिस भी ऑप्शन में आपको एक नजर नहीं आ रहा अरे माफ करना हां थोड़ा उल्टा हो गया उल्टा हो गया एक सेकंड फोन ले लेता उल्टा हो गया उल्टा हो गया हां जी मैडम फोन आया ऐसे ही तो क्या होता है कि यहां पर एक हमारा गलत है माफ करना गलत है तो जिस भी ऑप्शन में आपको एक नजर आ रहा है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता तो जितने भी ऑप्शनों में एक नजर आ रहा है उसको काट दो काट दिया यहां पर क्या है कि परिचर्चा में प्रमुख शर्त क्या होनी चाहिए विषय सरल होना चाहिए गलत है यह, यह उत्तर आ ही नहीं सकता तो जिस भी ऑप्शन में एक नजर आ रहा है वो मैंने सबसे पहले काट दिया अब आ जाओ लल्लन टॉप ट्रिक पर अब लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहती है समान अंकों को ढूंढो बाद में लगाना और सारा दिमाग और सारा दिमाग बाद में लगाना पहले समान अंक ढूंढने हैं क्या ढूंढने हैं यहां पर आपको साथियों या तो डी आंसर सही है या आंसर ए सही है तो यहां पर ए आंसर में आपको क्या तीन दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तीन दिखाई दे रहा है ना और यहां पर भी आपको तीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट तीन आंसर सही हो जाएगा तीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है तीन सही है अब यहां पर आपको पांच दिखाई दे रहा है बोलो गुरुदेव दिखाई दे रहा है और यहां पर भी आपको पांच दिखाई दे रहा है बोलो गुरुदेव दिखाई दे रहा है तो हमने डायरेक्ट पांच सही कर दिया हमने पढ़ाई नहीं दिमाग ही नहीं लगाया सही 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 अब हमारी लड़ाई क्या है हमारी लड़ाई या तो ऑप्शन नंबर चार की है या हमारा ऑप्शन नंबर दो की है आइए एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं आंसर आ जाएगा चलिए ऑप्शन नंबर दो से पढ़ लेते हैं दो कोई कि विषय पहले से घोषित हो हा भाई अगर हम कोई चीज पर चर्चा करेंगे कोई चीज पर डिस्कस करेंगे तो विषय हमारा पहले से घोषित होना चाहिए सही बात तो ऑप्शन नंबर बी ये क्या है हमारा दो हमारा सही हो जाएगा ये। अगर ये दो हमारा सही है तो ये डी है जो हमारा कट जाएगा और ऑप्शन नंबर आंसर ए सही हो जाएगा अब सबसे मजेदार बात बताऊं मैंने केवल मैंने केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए इन दोनों ही ऑप्शनों को पढ़ा है बाकी के ऑप्शन तो लल्लन टॉप ट्रिक ने सही कर दिए। देख लो आपके सामने है लल्लन टॉप का जादू आपके सामने देखो लल्लन टॉप ट्रिक का जादू मैंने केवल दो शब्दों को पढ़ा है ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो बाकी का तो मैंने पढ़ा भी नहीं है आंसर आ गया आपका है ना लल्लन टॉप ट्रिक का जादू है ना कह दो कह दो अब देखो कितना आसान लगने लगा है आपको क्या टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत आसान है इसी तरीके से रिसर्च पढ़ेंगे इसी तरीके से कम्युनिकेशन पढ़ेंगे इसी तरीके से डीआई पढ़ेंगे इसी तरीके से लॉजिक रीजनिंग पढ़े लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे इसी तरीके से मैथ पढ़ेंगे इसी तरीके से पर्यावरण पढ़ेंगे पूरे दस के दस यूनिट पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा मस्त मजे से आया मजा आया मजा ओके okay. ओके, okay. अगला क्वेश्चन हम चले आगे समझ लिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों ये एक ये समझने का कुछ है नहीं इसमें ये बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने दिया था यह सिर्फ आपको यह बताना है यह थोरटिकल क्वेश्चन है इसमें समझने है कुछ नहीं है मतलब रटने वाला क्वेश्चन है एक तरीके से यह मैं आपको बतला देता हूं यह दिया था साथियों किसने दिया था सातवें का आंसर दो मुझे होवार्ड गार्डनर ने दिया था यह आंसर है इसका यह आंसर है क्या है होवार्ड गार्डनर ने इसका आंसर दिया मजा आया रोज 12 बजे क्लास होने वाली आई रिपीट लिख रखा है डेली क्लास 12 बजे होने वाली है इस क्लास में हम हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यार करे तो करे क्या आदमी कैसे सॉल्व करे इनको क्योंकि क्वेश्चन भाता ही नहीं है पूरा बोर्ड में यार चलो थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग पढ़ने का प्रयास करो ओ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं क्या नहीं करने की जरूरत नहीं हो रहा है से, आ रहा है चलिए प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार में सूची में से उन्हें चुनिए जिनका मुख्य व्यवहार कहा जाता है यानी प्रभावशाली शिक्षण देखो प्रभावशाली शिक्षण का मतलब क्या होता है जैसे मैं भी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने की बात आपको समझ लग रही है तो यह प्रभावशाली शिक्षण है अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा तो प्रभावशाली शिक्षण नहीं है तो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों को सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है थोड़ा सा कट रहा है ऊपर की लाइन पर आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप चाहो थोड़ा जूम आउट कर दूं मैं कर देता हूं चल आप भी क्या याद रखोगे हल्का से जूम आउट कर देता हूं ठीक है आप करिए पढ़ो और कौनस करने का मुझे उत्तर दो फिर मैं समझा दूंगा हट जाता हूं भाई हिंदी इंग्लिश दोनों देख लो लो देख लो पहले अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं लल्लन टॉप ट्रिक के आधार पर कर लो चलो लल्लन टॉप ट्रिक के आधार पर करो मैं हट गया हूं सामने से अब करो मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको उस इसी तरीके से सॉल्व करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा चिंता ना करें आज मैं वीडियो लाइक करो से थोड़ा चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन प्रभावशाली शिक्षण की सूची में उन्हें चुनिए जिनका मुख्य व्यवहार कहा जाता है हमको प्रभावशाली टीचिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है प्रभावशाली टीचिंग को हमको जानना है कि प्रभावशाली टीचिंग क्या है आइए ये देखते हैं प्रभावशाली टीचिंग में क्या है सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव और मौखिक प्रदायगी प्रदायगी का मतलब उपस्थिति प्रेजेंट वो प्रेजेंट रहना चाहिए एक सेकंड में आ रहा हूं आप करो देखिए क्या कहते हैं मैडम हाँ

अब फिर मैंने आपसे क्या कहा समान अंक ढूंढो इनमें समान अंक है नहीं आगे पढ़ो विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना देखो क्या होता है कि कोई भी शिक्षण होता है ना वो तथ्य पर बात करता है हमेशा कोई भी एग्जाम होती है ना वो ये कहती है कि तुम क्वेश्चन को क्वेश्चन के आधार पर लिखो अगर जितना अगर कोई उत्तर को दस शब्दों में मांगा है तो तुम दस में दो सौ शब्दों में मांगा है तो तुम सौ में दो उसको ज्यादा में मत दो तो कभी भी कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन को बेमतलब में बढ़ा चढ़ाने के लिए नहीं कहता है कि तुम उसमें गीत लिख के आओ भोजपुरी गीत लिख के आओ छलकत हमरी जवनी और राजा लिख के आ जाओ ऐसा नहीं है है ना ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसमें कोई भी टीचर ही नहीं कहता तुम इसको विस्तार करो यह हर बेश गलत बात है कोई भी टीचर हमेशा जबरदस्ती विस्तारित करने के लिए नहीं कहता है शब्दों के आधार पर ही आंसर देने के लिए कहता है तो यहां पर साथियों विस्तारित करने वाली बात यहां पर बिल्कुल गलत है तो दो ऑप्शन यहां पर गलत है तो दो ऑप्शन ये रहा इसके आधार पर हम इसको यहां से काट देंगे और आंसर हमारा ए सही हो जाएगा अब देखो लल्लन टॉप ट्रिक की वजह से मैंने फिर से इन दोनों ही बिंदुओं को पढ़ा है और और बाकी बिंदु तो पढ़े भी नहीं रहा आंसर आ गया आप कहो तो बाकी के बिंदुओं को भी कर सकता हूं सॉल्व पर इस तरीके से आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो हर क्वेश्चन में लल्लन टॉप ट्रिक लगती है हर क्वेश्चन में बस आपको लल्लन टॉप ट्रिक की प्रैक्टिस और समझ होना चाहिए और ये केवल पेपर वन में नहीं लगेगी लल्लन टॉप ट्रिक पेपर वन और पेपर टू दोनों में लगेगी ठीक है आ रहा है मजा मजा आ रहा है गाइज पूनम कहेंगे प्लीज एक बार मेरा मैं पढ़ लो चल ठीक है पढ़ लेते हैं मैं कमेंट पढ़ लेता हूं और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे पूनम क्या कह रहे हैं भाई हमसे इतने सारे कमेंट्स में कहा गया पूनम का सर मेरा मैं कौन मैं एम ए कौन सी क्लास लूं सर मैं कौन सी क्लास लू मेरा फर्स्ट पेपर हो जाए क्लियर प्लीज सर बताओ मैं समझा नहीं दोबारा लिखो मतलब कौन सी क्लास लें कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहती हैं या फिर यही क्लास देखना चाहते हैं मैं दो क्लास चल रही है ना मेरी अभी समय हां मैं बता देता हूं कौन सी क्लास लू रुको 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 देखो इस बैच में तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं केवल एम सी क्यूज और पी वाई क्यूज पढ़ा रहा हूं लेकिन ध्यान रहे मेरा एक बैच और चल रहा है बैच अर्जुना क्या चल रहा है बैच अर्जुना गांडीविधारी अर्जुना बैच अर्जुना चल रहा है रात नौ बजे रोज होता है रात नाइन पी एम डेली क्लास होती है रात नौ बजे इस क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं डिटेल्ड में थ्योरी पढ़ा रहा हूं थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं डिटेल्ड में चीजों की एमसीक्यू थोड़ी समझा रहा हूं तो रात में नौ बजे ये बैच देख लिया करो दिन में बारह बजे ये देख लिया करो कल्याण हो जाएगा दिन में बारह बजे रात को नौ बजे और बस इतना ही बहुत है भाई सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं आपका कल्याण हो जाएगा और क्या चाहिए दोनों बैच देख लिया करो आप में से कितने लोग हैं जिनको बैच अर्जुना के बारे में जानकारी नहीं थी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैच अर्जुना के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारा सबसे पॉपुलर बैच तो अर्जुना ही बैच चल रहा है ना और इन दोनों बैचों की जो प्ले है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कॉमेंट में दे दूंगा आप ऐसे कितने लोग हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं थी बताओ ये टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना रॉकिस वाली को ये भाई साहब इतना जटिल क्वेश्चन है ना तुम्हारा दिमाग हिला देगा पढ़ो तुम्हारा दिमाग हिला देगा ये क्वेश्चन सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट लोकेश वाली लिख लेना या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे यह क्वेश्चन हिला देगा सीरियसली दिमाग हिला देगा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो और फिर क्वेश्चन करो मैं समझा दूंगा अच्छा एक काम करो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं अपना सब्जेक्ट नीचे कमेंट्स में लिखो यूजीसी नेट नेटर अपना सब्जेक्ट लिखो ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं अभी वो भी और जो बाद में देख लें रिकॉर्डेड फॉर्म में वो भी अपना सब्जेक्ट लिखो चलिए एक अध्यापक रूप आप आप क्या दिया? आंसर दिया के रूप में आप लोगों ने बी आंसर दिया है इसमें तेरव नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत से लोगों ने बी आंसर दिया है किसी ने ए दिया है किसी ने बी दिया है किसी ने क्या दिया है किसी ने क्या दिया है आइए समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से समझो मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो आंसर तो स्वेता ही आ जाएगा क्या है एक अध्यापक के रूप में एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आप एक टीचर हो कौन हो आप एक टीचर हो और आप मान लो कोई परीक्षण या एग्जाम के लिए कोई चीज तैयार करते हो तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखोगे ताकि वो तैयारी हो सके यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा भाई ये जरूरी नहीं है यह जरूरी थोड़ी ना है कि अगर वह विश्वसनीय परीक्षण है तो केवल वस्तुनिष्ठ ही होगा ऐसा कोई इमरजेंसी तो है नहीं विश्वसनीय तो और भी हो सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ ना हो तो यहां पर कोई शर्त हमारे सामने रख दी है इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है आगे देखते हैं यदि परीक्षण वैधता रखता है यदि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी होगा यह बिल्कुल सही बात है अगर वो वैध है परीक्षण तो वो विश्वसनीय भी होगा यह बात बिल्कुल सही है अगर वो विश्वसनीय है तो वैध होगा यह बिल्कुल गलत बात है या मैं बी आंसर सही है जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया है उन सबका सही है अब यार एक बात बताओ ये मैंने बैच आज पहला दिन है शुरू किया है आपको कैसा लग रहा है मैं यकीन मानू मैं कैसे मैंने टाइम मैनेज किया है, मैं ही जानता हूं बट मैं सोच रहा कि यार एग्जाम माथे पर है क्यों ना आप लोगों का कर रिवीजन करवा दू अब देखो मैं अगर इतना समय निकालकर आपको यहां पर यह काम करवा रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करो बस तीन चीज चाहिए मुझसे आपसे मजा सा आ जाए एक बार देखकर दोनों अपने सब भाइयों का प्रेम बना रहे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा एक अवधारण होती है टीम शिक्षण में समझाऊंगा टीम शिक्षण किसे कहते हैं सर्वोत्तम अवधारणा को रूप में व्याख्याित करता है टीम शिक्षण की भावना को व्यक्त करता है मेरे चैनल पर तो कोई शुल्क नहीं है यार मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं भाई आप लोग क्या शुल्क दोगे मुझे है? आप तो प्रेम दिखा दिया करो शुल्क के रूप में अच्छा सा कमेंट लिख दिया करो प्यार भरा जिससे दोस्ती बनी रहे बस यही शुल्क है यार आपका हमारा कोई शुल्क नहीं है अपने चैनल पर क्लासेज के कोई शुल्क नहीं है क्या शुल्क दोगे सब बढ़िया चल रहा है ईश्वर की कृपा है मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है आपके शुल्क की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आप तो शुल्क के रूप में अगर देना ही चाहते हो तो एक दिन वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप्स और या अपने स्टेटस पर लगा लिया ऐसे अच्छा कमेंट कर दिया लाइक कर दिया वीडियो बस यही शुल्क है यार और क्या शुल्क दोगे आप मुझे इतना काफी है चलो पढ़िए इसको देख लेते हैं कुछ लोगों ने आंसर क्या दिया कुछ ने क्या दिया है टीम शिक्षण का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक क्लास में दो या दो से अधिक अध्यापक अपनी विशेषताओं के अनुसार पढ़ाते हैं क्या होता है जैसे कि हम अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं आपको पता है मेरी क्लास अन अकेडमी पर होती है तो मैं मान लो पेपर वन पढ़ाता हूँ तो कोई हिस्ट्री पढ़ाता है कोई जियोग्रफी पढ़ाता है कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है कोई मैनेजमेंट पढ़ाता है कोई हिंदी पढ़ाता है राइट अच्छा मैं आपको बता दू आप वो लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हो कि मैं क्या पढ़ाता हूँ पेपर वन के अलावा मैं एक तो पेपर वन पढ़ाता हूँ आपको पूरा जो वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ एंड मैं आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ या हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ ये दो चीज पढ़ाता हूं तो जिन लोगों के पास हिंदी साहित्य है ना उनकी तो चांदी है क्योंकि मैं हिंदी से पीएचडी किया है मैंने मैं उनको ऐसा दिमाग में ठूस ठूस के भर देता हूं कि झटके में जारे हो जाता है आप में से कितने लोगों के हिंदी साहित्य है बताना मुझे एक बार परमेश चैनल पर पेपर वन ही पढ़ाता हूं तो हमारे ना टीम वर्क करता है काम जैसे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है कोई मैनेजमेंट पढ़ाता है कोई सोशलॉजी पढ़ाता है कोई संस्कृत पढ़ाता है तो अलग अलग लोग मिलकर एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं उसको टीम वर्क कहते हैं बहुत सारे लोगों का हिंदी है यार आप में से तो बहुत सारे लोगों को हिंदी है अनएकेडमी पर मैं पढ़ाता हूं चाहो तो, तो तुम वहां पर जाकर क्लास ज्वाइन कर सकते हो वहां पर मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं पेपर वन भी पढ़ाता हूं फीस की किसी दिन और दिन बात करेंगे फीस तो मैं बता देता हूं यार अगर फीस तो यहां पर कुछ दे रखी है मैंने लगाया टेबल उसके लगा रखा है। आगे बता देंगे फीस वगैरह सुनो अभी तो पढ़ाई कर लो चलो तुम तो। चलो क्वेश्चन नंबर पंद्रह करिए चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह कीजिए क्वेश्चन पंद्रह कीजिए ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं मल्टीपल ऑप्शन के लंबे लंबे शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा मतलब कोई टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा कितना प्रभाव सील है कितना प्रभावशील है कितना प्रभावशील नहीं है उसका निर्णय आप किस आधार पर करोगे उस चीज को बतलाया इसमें देखो क्या होता है कि यार एक दिन में तो नेट ज़ारे पास होते नहीं है आप सिक्स मंथ का टाइम लेकर चलिए नेट ज़ारे के लिए लेकिन आप सिक्स मंथ की क्लासेज अगर आप अकेडमी पर ज्वाइन करोगे ना बारह महीने की फीस था पंद्रह हजार रुपए अन अकेडमी पर है ना और छह महीने की फीस है लगभग तेरह हजार रुपए या बारह हजार माफ करना बारह हजार के आसपास है बारह हजार के आसपास अन अकेडमी पर इतनी फीस लगती है कितनी फीस लगती है पंद्रह हजार वाला सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेना इसमें पेपर वन भी हो जाता है और पेपर टू भी हो जाता है मतलब आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो वो कवर हो जाएगा चलें शुरू करें ओके प्रभावशालिता का क्या हमको आंसर देना है और पंद्रहवें का साथवे हमको आंसर देना है क्या है आंसर देखते हैं सभी सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक एक बात बताओ कोई टीचर है उसका सभी विषयों से क्या मतलब है अगर मान लो मैं आपको पेपर वन पढ़ा रहा हूं और तुम्हारे मान लो हिस्ट्री में नंबर कम आए तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना मेरा सभी विषय की जिम्मेदारी एक टीचर की नहीं होती तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है जांच करने का तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक हमारा गलत है क्या है ऑप्शन नंबर एक गलत है तो जिस भी ऑप्शन में आपको एक नजर आ रहा है वो काट दो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए हमने काट दिया अब या तो आंसर हमारा सी है या आंसर हमारा डी है आइए लल्लन टॉप ट्रिक लगा लेते हैं लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहती है लल्लन टॉप ट्रिक ये कहती है कि भाई साहब आपको समान अंक ढूंढने हैं आपको यहां पर तीन दिखाई दे रहा है बोलो सर तीन दिखाई दे रहा है आपको यहां पर भी तीन दिखाई दे रहा है बोलो गुरुदेव तीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह हुआ कि बिना पढ़े ही हमारा तीन सही है हमको आगे करने की जरूरत नहीं है आइए आगे आपको यहां पर चार दिखाई दे रहा है दिखाई दे, दे रहा है आपको यहां पर भी चार दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है लल्लन टॉप के द्वारा हमने ये चार भी डायरेक्ट सही कर दिया अब लड़ाई हमारी बच गई या तो ऑप्शन पांच की और या ऑप्शन हमारे दो की हम ऑप्शन नंबर दो को ही पढ़ लेते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर जैसे कि मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तैयारी करवा रहा हूं और मैंने आपसे यह कहा कि आपके पेपर वन में अच्छे नंबर आएंगे आपका जे हो जाएगा तो हम अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर पाए कितना उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए मतलब आप में से अधिकांश लोगों का जी हो गया जैसे सौ लोग इस क्लास को देख रहे हैं मान लो सौ में से मान लो कि नब्बे लोगों का जे हो गया इसका मतलब अच्छा पढ़ाया है तो यहां पर क्या ऐसा उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर सही होना जरूरी है तो दो ऑप्शन यहां पर सही है तो जिस ऑप्शन में यहां पर दो दिखाई दे रहा है ये वाला ये सही हो जाएगा और ये ये वाला कट जाएगा ये गलत हो जाएगा अब देखो मैंने लल्लन टॉप ट्रिक के द्वारा किया था केवल देखो मैंने पेपर वन ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो को ही रीड किया बाकी के ऑप्शनों को तो मैंने रीड भी नहीं किया और आंसर देखो हमारा आ गया इसी को कहते हैं लल्लन टॉप ट्रिक क्या कहते हैं इसी को लल्लन टॉप ट्रिक कहते हैं रोज दिन में बारह बजे क्लास होती है और रात्रि नौ बजे क्लास होती है आप डेली आ जाएगा पढ़ा देंगे अभी लाइव नहीं है सर जी छुट्टी पर हैं बबीता कमर क्या हो गया भाई अरे महाराज हम लाइव ही जल रहे इतना भी सोधी नहीं है का, थोड़ी बहुत भी दिमाग कहां रख के आ गए हम लोग ये रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस है आइए हम साथियों यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अच्छा एक बात बताऊं कि मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स तैयार कर रहा हूं तो मैं तैयार कर रहा हूं लेकिन एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए सब लोग कमेंट में आप लिख दीजिए यू जी सी नेट आप अभी देख रहे हैं वो भी लिख दो कमेंट में और जो बात देख रहे हैं वो भी नेट पेपर वन. उसे होता है, क्या है कि मैं अपने कमेंट्स को फाइंड आउट कर लेता हूं कि कितने लोग पेपर वन देखना चाहते हैं कितने लोग पेपर टू आप तो यू नेट पेपर वन लिख दो केवल पूरे सब लोग कॉमेंट्स में लिख दो जिससे क्या है कि आ, इसका एल्गोरिदम भी अच्छी तरीके से काम करता है शुरू करें तो भाई साहब पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और ध्यान रहे मैं यहाँ पर 2022, 2023, 2021 दो हजार तेवीस के पीवा वगैरह को सबको समझाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है मैं आपको एक बात और समझा दूं कि मैं आपको डिटेल्ड में डीप समझाता हूं तो सब लोग एक बार मैं जितने भी कठिन शब्द हैं जैसे पद्धति का मतलब क्या होता है संदर्भ का मतलब क्या होता है परिकल्पना का मतलब क्या होता है चर का मतलब क्या होता है इन सबको मैं आपको इनके अर्थ लिखवाता हूं जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बतलाया था कि आजकल के जमाने में जो एग्जामिनर है ना लैंग्वेज को कठिन कर रहा है क्वेश्चन सही है लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये होता है कि वो इतने कठिन शब्द क्वेश्चन में दे देता है कि बच्चा हिंदी का हिंदी मीडियम का बच्चा उस शब्द को समझ ही नहीं पाता और अंग्रेजी वाले बच्चे इसलिए आगे निकल जाते हैं तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि भाषा के स्तर पर बहुत ज्यादा बदलाव किया जा रहा है हर बार एग्जाम में ठीक है तो एक बार आप सब लोग पेन कॉपी लेकर आ जाइए और मैं आपको सब चीज एक एक चीज यहां पर नोट करवाना शुरू करूंगा हाँ मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं क्योंकि बार बार आप कमेंट्स करते हो मैं पूरी यूनिट कंप्लीट करवाऊंगा एक यूनिट में कंप्लीट करवा चुका हूं आज यूनिट नंबर दो है कल यूनिट नंबर तीन होगी पूरी दस की दस यूनिट्स में कंप्लीट करवाने वाला ठीक है चलिए शुरू करते हैं शोध को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है शोध को मैंने पीएचडी के दौरान पढ़ाया तो आप लोग चिंता ना करें बिल्कुल अपनी पीएचडी के दौरान मैंने शोध पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से शोध को समझा है और अच्छी तरीके से शोध को जाना है क्वेश्चन है किसी शोध पद्धति के शोध पद्धति का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई काम शोध कर रहे हो ना तो उसकी हमको एक पद्धति बनानी पड़ती है रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रण दिशाओं के अधीन परिकल्पना परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथिस अगर आपने बैच अर्जुन देखा होगा बैच अर्जुना देखा होगा तो वहां हो पर मैंने आपको परिकल्पना समझा दी है लेकिन आप यहां पर भी नोट कर लीजिए कुछ लोगों ने बैच अर्जुना नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहां पर नोट करवा दू लिखिए परिकल्पना का मतलब लिखिए समझ लो आप लिखो या समझ लो परिकल्पना का अर्थ होता है परिकल्पना या हाइपोथीसिस का अर्थ होता है कि हम किसी भी शोध कार्य को करने से पूर्व ध्यान सुनो किसी भी शोध कार्य को करने से पूर्व बनाई जाने वाली रूपरेखा कि भाई कैसे कैसे क्या, क्या क्या करना है इन चीजों को ही कहते हैं जैसे आज कल आपका जो आपका क्या है आपका काम है एफ करना मान लो आपके लिए शोध क्या है जेआरएफ है आपको जे आर की एग्जाम पास करनी है तो जे के लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़ोगे कौन कौन से टीचर्स की क्लास देखोगे इसके अलावा आप कैसे प्लानिंग करोगे सुबह कितना पढ़ोगे शाम को कितना पढ़ोगे कौन कौन सी कहाँ से क्या क्या मेटेरियल इकट्ठा करोगे ये सब चीजें की आप जो प्लानिंग करते हो ना इसी को ही कहते हैं हाइपोथीसिस क्या कहते हैं इसको हाइपोथीसिस या परिकल्पना उसको कहा जाता है परिकल्पना के संदर्भ में स्वतंत्र चर के हेर फेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है आप एक बार इसका आंसर दे दीजिए आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसमें डी आंसर दिया है अब डी आंसर को करने से पहले मैं आपको एक चीज लिखता हूं चलो लिखो देखो मेरी क्लास में अगर आप इसलिए आए हैं कि मैं आपको एक घंटे में सौ क्वेश्चन करवा दू फटाफट 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 कि आप ही आंसर दो और मैं तो केवल क्वेश्चन दूंगा तो आप गलत जगह आए हो क्योंकि मैं ऐसा करवाने वाला नहीं हूं मैं आपको एक एक चीज को डीप समझाने वाला हूं यहां पर डीप एकदम डीप समझाने वाला हूं एकदम डीप अच्छा आप लिखिए कार्य उत्तर शोध किसे कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं कार्य उत्तर शोध किसे कहते हैं लिखो कॉपी में लिखो कार्य उत्तर शोध कार्य उत्तर शोध का मतलब होता है कि, कि किसी भी घटना के घटने के बाद लिखते जाओ किसी भी घटना के घटने के बाद जब उसकी जांच की जाती है या कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो उसको कार्य उत्तर शोध कहते हैं उदाहरण के लिए कि मान लो आप कोई सड़क पर चल रहे हो और सड़क पर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है सड़क पर बड़ी दुर्घटना घट चुकी है अब बाद में इसका आकलन किया जैसे जैसा कि पता है अभी कुछ दिन पहले रेल दुर्घटना हुई है आपको पता यह बहुत बड़ी भीषण रेल दुर्घटना हुई है अब रेल दुर्घटना हो गई अब रेल दुर्घटना के बाद में यह जांच की जाए कि यह रेल दुर्घटना क्यों हुई है इस पर निष्कर्ष निकाला जाए तो इसी को कहते हैं कार्य उत्तर शोध क्या आप समझ चुके लिए 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 हो कार्य उत्तर शोध का मतलब लिखिए नोट करिए साथियों कार्य उत्तर शोध का मतलब आप समझ चुके हो इसी को कहते हैं कार्य उत्तर शोध इतने सारे प्यारे प्यारे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो और अपना जे के लिए बुलंद कर दो अपने इरादे एक बार सब वीडियो को लाइक कर दो और जे के लिए अपने इरादे बुलंद कर दो एक पॉजिटिविटी के साथ देखो ऐसा है कि चाहे आप मुझे किस भी रूप में देखें चाहे आप मुझे बड़े भाई के रूप में देखते हो चाहे मुझे आप छोटे के रूप में देखते हो चाहे मुझे एक टीचर के रूप में देखते हो आप या दोस्त के रूप में देखते हो आप मुझे जिस भी रूप में देखते हो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये नेट एग्जाम नेट जे आर की एग्जाम तो बहुत छोटी है मैं आपको नेट जे भी पास करवाऊंगा मैं आपको पीएचडी में एडमिशन भी दिलवाऊंगा आपको गाइड करूंगा और मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आप प्रोफेसर नहीं बन जाते ये मेरा वादा है बस इसी वादे इसी दोस्ती इसी भाईबंदी के साथ आप चलते जाइए यकीन मानो एक एक चीज समझा दूंगा जो कोई नहीं समझाता है वो हर चीज आपके लिए मायने रखेगी आइए साथियों वर्णात्मक शोध का मतलब समझ लेते वर्णात्मक शोध से पहले हम केस स्टडी समझ लेते हैं आप में से कितने लोग केस स्टडी का मतलब जानते हैं आप में से कितने लोग केस स्टडी का मतलब जानते हैं अगर नहीं जानते तो घबराइए मत, आज समझ लेते हैं। लिखो कॉपी में लिखो केस स्टडी केस स्टडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर शोध किया जाए उसके नेगेटिव पॉजिटिव पक्षों का पता लगाया जाए इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं इसको केस स्टडी कहते हैं जैसे अगर मान लो आपको रतन टाटा पर जैसे हमारे देश के बहुत ही सम्मानित बिजनेसमैन है रतन टाटा जी मान लो कि आपको रतन टाटा जी के ऊपर केस स्टडी करनी है तो आप उनके ऊपर जानोगे कि वो किस तरीके से टाटा ग्रुप एंड सन्स को उन्होंने आगे बढ़ाया जमशेदपुर टाटा जी से कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी कब उतार आया कब चढ़ाव आया कितनी डील्स क्या क्या हुई ये साथियों केस स्टडी होता है जैसे किसी ब्रांड के ऊपर भी केस स्टडी हो सकता है जैसे अनएकेडमी है या फिर कोई और ब्रांड है इसके ऊपर भी केस स्टडी हो सकता है कि कब स्थापना हुई कैसे कैसे आगे बढ़ी जैसे लोग जोमेटो पर केस स्टडी करते हैं जैसे कि मान लो सी आपने देखा सी आप लोगों ने बहुत लोगों ने सी का नाम सुना होगा कॉफी 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 कैफेडे ये बहुत एक अच्छी मैं बहुत मैं कॉफ़ी पीने जाता था सीसीडी बहुत ज्यादा जाया करता था बट आजकल सीसीडी उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता जितना पहले था यानी कि डाउनफॉल पर है तो इस पर भी केस स्टडी की जा सकती है कि, कि किस तरीके से तो ये एक जमाने पर अपने राइज में था और कैसे कैसे किन कारणों से ये आज अपने डाउनफॉल में आया है या फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है भारत देश के जो अभी अभी उभरे हैं क्या नाम है उनका जिनका राजनेता भी नाम लेते हैं हाँ। उनके सारे उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए खुलासा हो गया उसकी वजह से उनके सारे शेयर मार्केट में डाउन हो गया तो उसके ऊपर भी केस स्टडी हो सकती है यानी केस स्टडी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर इंडिविजुअल संस्था के ऊपर केस स्टडी की जाती है नाउ क्लियर उत्तर शोध का मतलब समझ गए केस स्टडी का मतलब समझ गए अब हम बात करते हैं वर्णात्मक शोध किसे कहते हैं वर्णात्मक शोध का मतलब होता है कि, कि किसी चीज को व्याख्यात करना किसी चीज को क्या करना व्याख्यात करना वर्णात्मक शोध की श्रेणी में आता है प्रयोगात्मक शोध का मतलब क्या होता है प्रयोगात्मक शोध का मतलब होता है कि कोई चीजों को प्रयोग करते रहना प्रयोग कर कर के चीजों को डेवलप करना जैसे पहले के जमाने में क्या था साथियों बहुत बड़े बड़े लेंस आया करते देखिए ये कैमरे का लेंस है इस कैमरे का लेंस है ये क्या है ये कैमरे का लेंस है मेरे हाथ में क्या है कैमरे का लेंस है अभी आप देख पा रहे हो ये क्या है कैमरे का लेंस है पहले के जमाने में बड़े बड़े, बड़े लेंस आया करते थे लेकिन धीरे धीरे प्रयोग करते 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 इन लेंसों को कॉम्पैक्ट कर दिया गया है इन लेंसों को छोटा कर दिया है यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जो हमारा जो अनुभव होता है प्रयोग होते हैं उन चीजों को अगर हम लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं उसको शोध कार्य में शामिल करते हैं ठीक है ओके चार ऑप्शन समझ गए कार्योत्तर शोध का मतलब समझ गए वर्णात्मक मतलब का मतलब समझ गए केस स्टडी का मतलब समझ गए प्रयोगात्मक का मतलब समझ गए ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है देखो मेरी खासियत होती है कि अगर मैं एक क्वेश्चन अगर आपको करवा रहा हूं ना तो उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझा देता हूं तब जाकर समग्र चीजें बनती क्या आप लोग समझ चुके हो गाय जितने भी लोग अभी देख रहे हैं जितने भी लोग बाद में देखेंगे क्या आप समझ चुके हो मैं अब देखना चाहता हूं कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है एक बार देख लेता हूं सब लोग वीडियो लाइक कर दो यार वीडियो लाइक नहीं किया आप लोगों ने ये तो मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो आप गुरु दक्षिणा के रूप में है भाई इतनी सी हमारी दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हो ना वीडियो को लाइक करने का काम ये भी नहीं करते अरे भगवान भला करे रे तुम्हारा चलिए चलो ये समझ लिया हमने आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं साहित्य में साहित्यिक चोरी शोध में साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं आइए इस चीज को मैं समझ लेता हूं कि मान लो ये मेरा पीएचडी का थीसिस है एक बार रुकिए शोध में साहित्यिक चोरी जैसे मान लो मेरा पीएचडी का थीसिस है यह क्या है मेरा पीएचडी का थीसिस है अब लोग क्या है कि मान लो इस मेरे पीएचडी के थीसिस में से किसी व्यक्ति ने कुछ मेटीरियल उठा लिया बहुत भारी है भाई कुछ मेटीरियल इसमें इसमें से उठा लिया अब मुझे इसका मुझे इसका सिरे ना देकर ये सिरे उसने खुद ले लिया है इसको ही कहते हैं साथियों साहित्यिक चोरी क्या कहते हैं जैसे मेरे पीएचडी का थीसिस है इसको कहते हैं साथियों साहित्यिक चोरी अब एक होता है प्लेगरिज्म एक शब्द होता है प्लेगेरिजम प्लेगेरिजम एक ऐसा शब्द होता है जो साहित्यिक चोरी को रोकने का काम करता है उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा शब्द मिल रहे हैं तो उसको प्लेगरिज्म की श्रेणी में उसको लेकर जाता है प्लेगरिज्म भी मैं आपको समझा दूंगा आप लोग चिंता ना करें बड़ी संख्या में आज आप क्लास में देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों आप लोगों को इस तरीके से देखकर चलिए सही आंसर है बेमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना इसे कहते हैं साथियों साहित्य चोरी जो बहुत ही सरल सवाल था अब हम अगले सवाल में जाएंगे और मैं इन सभी सवालों को समझाते चलूंगा कॉपी पेन लो मैं आपको सर्वेक्षण अध्ययन दार्शनिक ऐतिहासिक निर्जातीय इन सभी अध्ययनों को मैं समझाऊंगा सबसे पहले आप एक बार इसका आंसर दे दो 2022 में सवाल पूछा गया है आगे फिर मैं सभी क्वेश्चन को समझाते चलूंगा बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो आप सब दोस्तों का बाहें फैलाकर डॉक्टर लॉकेश वाली स्वागत करता है चलिए मैं आपको पूरी दस की दस यूनिट कंप्लीट करवाने वाला हूं बैच द्रोणा में ये मेरी गारंटी है पूरी एकदम दस के दस यूनिट सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार रोज बारह बजे क्लास होती है रोज पहले पढ़ लो फिर आंसर दो निम्नलिखित शोध अध्ययनों में ध्यान सुनो निम्नलिखित शोध अध्ययनों में सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा मैंने कल की क्लास में भी कहा कि जो एग्जामिनर जो है शब्दों के साथ खेल रहा है और खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो मतलब बहुत ही हालत खराब क्योंकि ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्द हमारे लिए लाए जाते हैं जो हमसे आते ही नहीं है तो एक एक चीज शब्दों को पहले समझ लो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो चलिए हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यकरण की बात हो रही है यहां पर सामान्यकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है यहां पर क्या सा तो ऐसा कौन सा अध्ययन है जिसमें जनरल जनरलाइजेशन से ज्यादा उसकी व्याख्या और उसके अर्थ पर ध्यान दिया जाता है यानी व्याख्या और अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसमें है इस चीज को यहां पर दर्शाने का प्रयास किया है आप लोग उत्तर लिखिए मैं एक बार लैपटॉप को चार्ज में लगा देता हूं क्योंकि लैपटॉप मिस हो गया मेरा अभी ये लैपटॉप ना बहुत कम चार्ज चलता है इसको ही रखना पड़ता है ठीक आइए सारी चीजें समझा दूंगा आप लोग चिंता ना करें सर्वेक्षण अध्ययन किसे कहते हैं या बाकी का अध्ययन किसे कहते हैं ये सारी चीज मैं आपको समझा दूंगा देखो आइए ऐतिहासिक अध्ययन एक बात बताओ ऐतिहासिक अध्ययन है क्या वो व्याख्या पर अधिक बल नहीं देता क्या ऐतिहासिक अध्ययन चीजों को सरलीकरण या सामान्यकरण की बात नहीं करता ऐतिहासिक अध्ययन व्याख्या की बात करता है अगर मान लो आज मैं आपसे कहूं कि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की हम व्याख्या कर सकते हैं पुरानी चीज की क्या कर सकते हैं हम व्याख्या कर सकते हैं और डेटा और आंकड़ा के साथ बात कर सकते हैं तो ऐतिहासिक अध्ययन जो है ना वो क्या करता है व्याख्या पर ध्यान ज्यादा देता है तो हमारा एक नंबर पर सही है एक नंबर सही है आपको एक नंबर नहीं, नहीं, आप नहीं दिख रहा उसको काट दो इसमें एक नंबर नहीं दिख रहा और इसमें भी हमको एक नंबर नहीं दिख रहा हमने काट दिया। अब, दिया अब या तो आंसर हमारा ए सही है या आंसर हमारा डी सही है अब मैंने कल आपसे क्या कहा कि हमको समान अंक मिलाने हैं तो देखो आप यहां पर आपको तीन नजर आ रहा है बोलो गुरु जी तीन नजर आ रहा है यहां पर आपको तीन नजर आ रहा है बोलो सर तीन नजर आ रहा है इसका मतलब बिना पढ़े ही हमारा तीसरा ऑप्शन सही है हमको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा काम हमारा लल्लन टॉप ट्रिक ने कर दिया अब लड़ाई हमारी या तो पांच दो नंबर पर है या हमारी लड़ाई चार नंबर पर है आइए हम सबसे पहले दो नंबर ही पढ़कर देख लेते हैं सर्वेक्षण अध्ययन का मतलब क्या होता है सर्वेक्षण का मतलब होता है आंकड़ों की गणना आंकड़ों की बात करेंगे और आंकड़े कभी भी व्याख्यात नहीं होते आंकड़ों पर जब बात की जाती है तो आंकड़ों पर बात की जाती है उसमें आंकड़ों के अलावा कोई बात नहीं की जाती यानी कि आंकड़ों की हम व्याख्या नहीं कर सकते आंकड़ों पर आंकड़ा एक ऐसी चीज है जो व्याख्यात उसको नहीं किया जाता तो दूसरे नंबर का जो सवाल है यहां पर गलत है इस आधार पर यह कट गया और आंसर हमारा क्या हो गया डी हो गया क्या हो गया आंसर डी हो गया लेकिन बाकी की चीज मैं आपको समझा देता हूं लिखिए कॉपी पेन निकालिए निर्जाती अध्ययन किसे कहते हैं निकालो निर्जाती अध्ययन किसे कहते हैं लिखिए निर्जाती अध्ययन आप में से कितने लोग हैं जो निर्जाती अध्ययन का मतलब जानते हैं आप में से कितने लोग निर्जा का मतलब जानते हैं निर्जा अध्ययन किसे कहते हैं ईमानदारी से बताओ कितने लोग जानते हैं मुझे पता है नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है आज हम सीख लेते हैं क्योंकि ये जो मैं को जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये मैं केवल एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको मैं हर एक चीज समझाता चलूंगा सारे ऑप्शनों को ताकि एक क्वेश्चन में ही हम दस क्वेश्चन सीख ले निर्जाती अध्ययन का मतलब क्या होता है ऐसा कोई समूह जो दूर से प्रतीत हो जाता उसको निर्जाति अध्ययन कहते हैं जैसे आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लो ये कोई क्लासरूम है क्या है ये कोई एक क्लासरूम और इस क्लासरूम में बहुत सारे लड़के बैठे हैं क्या बैठे हैं बहुत सारे लड़के बैठे हैं जिन्होंने क्या पहन रखे सारे लड़कों ने क्या पहन रखी है व्हाइट शर्ट पहन रखी है या कह सकते हैं कि स्कूल की ड्रेस पहन रखी है लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेड शर्ट पहन रखी है तो भीड़ में से ये रेड शर्ट पहने वाले हुए बच्चे अलग ही दिखेंगे अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो इसी अध्ययन को कहते हैं निर्जातीय अध्ययन जहां पर बड़ी संख्या में कोई चीज समान हो और थोड़ी सी चीज ऐसा हो तो उसको निर्जातीय अध्ययन के रूप में रखा जाता है क्या कहते हैं उसको निर्जातीय अध्ययन कहते हैं अब मान लो कि हमारे इतने इस क्लास में इस समय 500 लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को इस समय 500 लोग लाइव देख रहे हैं अब 500 लोग अगर लाइव देख रहे हैं मान लो आप क्लास में पांच लोग बैठे हैं लाइव मतलब निर्जा ऐसा अध्ययन जिसमें किसी समूह में किसी वर्ग विशेष की बात की जाए उसको निर्जाती अध्ययन कहते हैं क्या कहते हैं उसको निर्जाति अध्ययन कहते हैं जैसे कि मान लो आप किसी जगह रहते हैं वहां पर किसी एक जाति का भावुलर कोई जाति अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यकों के बारे में जब बात होगी वो एक प्रकार का निर्जा अध्ययन कहलाएगा क्या कहलाएगा निर्जाति अध्ययन कहलाएगा कार्य उत्तर अध्ययन का मतलब मैं समझा ही चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कार्य उत्तर अध्ययन का मतलब ये होता है कार्य होने के बाद अगर कोई अध्ययन किया जाए तो कार्य उत्तर अध्ययन कहते हैं यानी कि जैसे कोई घटना घट गट गई जैसे रेल दुर्घटना हो गई रेल दुर्घटना होने के बाद अगर इसके ऊपर जांच की जाती है तो उसको क्या कहते हैं कार्य उत्तर कहते हैं उसको चलिए अब ये क्वेश्चन समझ आ गया हाँ ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है सब लोग आंसर इसमें समझाने का कुछ नहीं है साढ़े चार सौ लोग इस समय लाइव देख रहे हैं बहुत बढ़िया एक बार वीडियो को लाइक कर दो सबके सब यार तो मजा आ जाएगा यार एक बार मेरे कहने से वीडियो को सब लाइक कर दो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पास हो जाओगी मैं खुद कई बार नेट जी आर एफ क्वालिफाइड हूं यार मैं खुद पीएचडी हूं आप चिंता ना करें इसको करिए दसवें नंबर क्वेश्चन को दसवें नंबर के क्वेश्चन को करिए आप तो देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है समझाने का कुछ नहीं है ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती उनको कहते हैं डबल ब्लाइंड उसको कहते हैं डबल ब्लाइंड ये समझाने का कुछ नहीं है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लो अगला क्वेश्चन अगर समझाने का होगा तो उसको समझाएंगे हाँ ये मैं आपको समझा दूंगा आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं तुलनात्मक शोध किसे कहते हैं अनुधैर्य शोध किसे कहते हैं क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं और नारीवादी शोध किसे कहते हैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आंसर दो और फिर मैं इन चारों ऑप्शनों को समझा दूंगा ठीक है एक एक चीज हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे मैं तो मेरी क्लास अगर आपने देख ली क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है यह ज्यादा जा, जरूरी नहीं है क्या छोड़ देना है उसकी जानकारी होनी चाहिए उदाहरण के रूप में मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं आपको जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि क्या पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा जरूरी क्या छोड़ देना चाहिए एक उदाहरण देता हूं आप लोगों ने कितने लोगों ने अकबर का नाम सुना है मुझे उम्मीद है आप में से हर किसी ने अकबर का नाम तो सुना होगा सम्राट अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा सबने सुना होगा इतिहास में अब हमारे देश में दो तरीके की एग्जाम होती है एक एग्जाम तो होगी मान लो आईएएस ए के एग्जाम या आपकी नेट की एग्जाम या आपकी प्रोफेसर की एग्जाम या मान लो आपकी कोई भी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम एक एग्जाम तो इस तरीके की होगी और दूसरी एग्जाम कैसे होगी रेलवे सुनते जाइए बैंक बैंक के क्लर्क रेलवे बैंक एसएससी या फिर कोई भी थर्ड ग्रेड की एग्जाम ये इस प्रकार की दो प्रकार के एग्जाम होती हैं अब दोनों के सिलेबस में अकबर है ध्यान से समझने की कोशिश करिए दोनों के सिलेबस में अकबर है जब आपसे रेलवे की एग्जाम में रेलवे बैंक एस एस सी या इस तरीके की अगर एग्जाम होंगी तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा अकबर का जन्म कहां हुआ था कौन से राजा के महल में अकबर का जन्म हुआ था उस राजपूत राजा का नाम बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था है ना? इस तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे अकबर की मृत्यु कब हुई थी अकबर अकबर का अक्बर का कितने भाई थे अकबर के पिता का नाम क्या था ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे जब आपसे आप ये एग्जाम देने जाओगे तब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कहां हुआ था तो आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि अकबर का जन्म कहां हुआ था तब यह भी नहीं पूछा जाएगा कि अकबर के माता पिता का नाम क्या था यहां पर पूछा जाएगा अकबर की धम्म नीति क्या है अकबर की राजपुताना नीति क्या है अकबर का आर्थिक विस्तार का कारण क्या है अकबर ने पूरे भारत में राजकीय का कारण क्या है ये सब चीजें यहां आके नगण्य हो जाएंगी तो मान लो कि जिस जो व्यक्ति को ये वाली एग्जाम देनी है उसने इस तरीके के क्वेश्चन याद कर लिए कि अकबर का जन्म कहां हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध कहां हुआ था तो यहां पर ऐसे उत्तर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी अगर आप रेलवे एसएससी बैंक के एग्जाम देते हैं आपने इस प्रकार के लेवल के लेवल क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपकी ये एग्जाम खराब हो जाएगी हमेशा हमको एग्जाम के आधार पर ही क्वेश्चन को पढ़ना है इसीलिए हमको यह फाउंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है यह ज्यादा मायने नहीं रखता क्या छोड़ देना है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है और मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कई बार नेट जे आर एफ क्वालिफाई हूं मैं देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का पढ़ने का काम करता हूं पीएचडी किया है दुनिया भर की चीजें पढ़ाता हूं मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर आप मेरी क्लास में नियमित आओगे तो मैं वो चीज आपको सिखाऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना क्योंकि मैं हमेशा गागर में सागर की बात करता हूं कम चीजों में ज्यादा चीजें समझाने का प्रयास करता हूं और मैं वो ही पढ़ता हूं वो ही पढ़ाता हूं कि जो हमको पास करवा मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि हमको ज्ञानी नहीं बनना है कि बहुत तगड़ा ज्ञानी हो जाना है ना ज्ञानी लोग एग्जाम को पास नहीं कर सकते आपको स्मार्ट लर्न होना पड़ेगा आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी अरे ज्ञानी तो बाद में बन लेंगे ना भाई हमको जाए। तो हम हमारी हम एग्जाम को पास कर लें और, और हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको सिर्फ इतना आ जाए कि हम हमारी एग्जाम पास कर लें, की और जरूरत नहीं है जब हमको ज्ञानी बनना होगा तो जब आप प्रोफेसर बन जाओगे काम कुछ नहीं रहेगा घर वाले भी लात मार के भगा देंगे तुमको क्योंकि जब बच्चे हो जाएंगे बच्चों की बहु आ जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि तुम सकड़ाई हो रही है घर तो जब सोफा तोड़ते हुए ज्ञानी बनना यूनिवर्सिटी कैंपस में डिपार्टमेंट में सोफा तोड़ना आराम से बैठे रहना और तब जाकर ज्ञानी बनना अभी रहने दो अभी उतना पढ़ो जितना हमारी एग्जाम को पास कर ठीक है इस चीज से सहमत है आप ये नेट सेट सबके लिए उपयोगी है आइए ग्यारहवें नंबर का क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता हो उसको कहते हैं नारीवादी शोध फेमिनिस्ट एक शब्द आता है मैं आपको पढ़ाता हूं फेमिनिस्ट शब्द आता है इसे कहते हैं नारीवादी शोध आइए नारीवादी शोध को समझने से पहले तुलनात्मक शोध का पढ़ लेते हैं आप में से कितने लोग हैं जो तुलनात्मक शोध को हम समझते हैं आप में से कितने लोग हैं जो तुलनात्मक शोध का मतलब जानते हैं लिखो कमेंट करके भाई कमेंट भी करते करो सो जाओगे नहीं तो अनु तुलनात्मक शोध का मतलब होता है कि एक ही परिस्थिति में मतलब एक ही तरीके की आइडियोलॉजी या एक ही समय में अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी किस किस तरीके से काम करती हैं वो साथियों क्या कहते हैं उसको तुलनात्मक शोध कहते हैं अगर मान लो कोई भगवान राम पर शोध करे और कृष्ण पर शोध करे और दोनों की तुलना करने की कोशिश करें समाज के आधार पर धर्म के आधार पर तो इसी को तुलनात्मक शोध कहते हैं तुलनात्मक शोध में जरूरी है आप सामाजिक आर्थिक या इन आधार हां जिस भी आधार पर आप तुलना करोगे वो आधार दोनों का समान होना चाहिए अनिता है कि सर इतना अच्छा समझा रहे हैं कि जैसे कि आज तक किसी से पढ़े नहीं है वाह भाई वाह मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आप चिंता ना करें सिर्फ धैर्य धारण करके रखें क्रियात्मक शोध का मतलब भी आपको एक क्रियात्मक शोध का मतलब क्या होता है एक्शन रिसर्च हम कोई भी काम को करते जाते हैं और नई नई चीजें निकल कर आती हैं जैसे क्रियात्मक शोध का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम ये माउस है आपने देखा होगा जनरली माउस के अंदर तीन ही बटन रहते हैं ये बटन रहते हैं यहां पर लेकिन इस माउस में देखो आपको साइड में भी बटन मिलेंगे कारण क्या है यूज इस तरीके का है क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज यूज करते रहते हैं तो हमको नई नई आवश्यकता पड़ती है और उन नई नई आवश्यकताओं को शोध में शामिल कर लेते हैं उसी को क्रियात्मक शोध कहते हैं नारीवादी शोध का मतलब आप जो गए हो आगे बढ़ते हैं यह क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्या है सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक सम समाकल कोटि निर्धारण स्केल होता है वह क्या कहलाता है बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन है ये इसमें कुछ समझने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो इसका सही आंसर है साथियों लिकर्ट स्केल एक बार इसको पढ़ लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे ओके जय सरोज ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तेरहवें नंबर के क्वेश्चन को साथियों आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अगले सत्र की तैयारी कर रहे होंगे जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बार एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि यार इस बार पता नहीं एग्जाम में पार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी हमको अगली बार भी एग्जाम देना है क्या आप ऐसा सोच रहे हो कितने लोग ऐसे हैं जो अगली बार भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं कि यार इस बार एक्सपीरियंस के लिए दे लेते हैं अगली बार अच्छे दे लेंगे आप में से कितने लोग बहुत सारे लोग हैं तो सुनिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले और आगे अभी और भी लंबी क्लास चलने वाली है मैं आपको एक चीज से रूबरू करा देना चाहता हूं ताकि आपको मैं मदद कर सकूं क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं हर चीज और केवल नेट जे के लिए नहीं आपको पीएचडी के लिए भी मैं आपको हेल्प करूं तो बने रहिए मेरे साथ मुझे एक मिनट का आप समय इस क्लास को जैसे ही खत्म करूंगा पिछली क्लास के नोट्स भी डालूंगा और इस क्लास के नोट्स भी यहां पर लगाने वाला हूं तो हर कोई स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लो ये आप लगा लो रामबाण और दिए टेलीग्राम चैनल आप में से कितने लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सारे नोट्स मिलते हैं यहां पर ही बहुत बार नेट के एग्जाम दे चुके हैं लेकिन एक बार भी नहीं हुआ है शायद आपने उस लेवल की बेटा पढ़ाई नहीं की कारण ये रहा है लेकिन अभी आप सही जगह आ गई हो अब मैं आपको सही तरीके से गाइड कर दूंगा सही से पढ़ा दूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर डॉक्टर लोकेस वाली लिख के फॉलो कर लीजिए अब मैं आपको इन भी चीजों में हेल्प करूंगा बेस्ट टॉपिक बेस्ट प्रपोजल रिसर्च आपको मैं पीएचडी में भी पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं ये मैंने अपने वादा किया है अपने आप से अब क्या करना होगा आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों की ढंग से पढ़ाई करनी होगी यानी आपका जो भी पेपर है सब्जेक्ट क्या है आपका कमेंट्स करके बताओ देखिए एक बार आपका जो भी सब्जेक्ट है और पेपर वन दोनों की ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम लोग अन एकेडमी पर आपको क्लासेज करवाते हैं तो ये ऐप है हमारा इसको डाउनलोड कर लेना अन अकेडमी ऐप ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अनएकेडमी लर्निंग है डाउनलोड कर लेना उसके बाद में पहले दिन आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा नाम लिखना पड़ेगा मेल आईडी डालना पड़ेगा स्टेट को सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा वो डालना पड़ेगा वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद में साथियों आपको एन टी ए यूजीसी नेट को चुनाव कर लेना है सब्जेक्ट चुन लेने हैं और उसके बाद में साथियों आपको कहीं पर आपको एक तो मुझे सर्च कर फॉलो कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे यहाँ पर फॉलो कर लेना ये तो हो गई आपका आई डी बन गई आपके उस पर अब यहां पर साथियों ये सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम तैयारी करवाते हैं पेपर वन की और ये सारे सब्जेक्ट कॉमर्स इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं आपको क्या करना है दो चीज मिलेंगी आपको गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको एक जगह लिखा हुआ आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना हर जगह आपको गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे तो दो चीज मिलेंगी एक तो प्लस और एक आइकॉनिक मैं कहूंगा कि आइकॉनिक को रहने देना प्लस पर क्लिक करना ये ज्यादा सही रहता है और सस्ता भी है प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से फीस दिखेगी अब यहां पर क्या कि मंथली का सिस्टम है आप कंफ्यूज मत हो जाना कि महीने के लिए क्लास में अलग तैयार छह महीने वाले में अलग बैच चलेगा क्या बारह महीने वाले में अलग बैच चलेगा क्या चौबीस महीने वाले में अलग बैच नहीं बैच एक ही होता है क्लास एक ही होती है बस आप लोगों को वैलिडिटी का फर्क रहता है कि कितने लोग क्लास को देख पाएंगे कितने दिन तक कितने दिन तक नहीं देख पाएंगे तो अगर आप अगले बैच की तैयारी करें तो छह महीने के लिए ज्वाइन कर लेना या बारह मंथ के लिए ज्वाइन कर लेना फीस आपके सामने है लेकिन एड ए रेफरल कोड में लॉकेस एवन लगाकर अप्लाई करना है ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्क्रीन ले लो एल ओकेबल वन इनके बीच में कोई गैप नहीं है लगातार है और उसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको तुरंत से साथियों यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस समय डिस्काउंट चल रहा होगा ठीक और उसके बाद में आप डेबिट कार्ड ई एम यूपीआई से पेमेंट कर देना अब आपके मन में ये भी एक तो यह भी हो सकता है कि जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करो जो वहां के जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं जैसे वो भी कॉल कर सकते हैं तो बात कर लेना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप तो डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर लेना ध्यान रहे कॉल किसी का भी आ जाए रेफरल कोड आपको लॉकेस इलेवन ही लगाना है तभी जैसे आप लॉकेस इलेवन कोड लगाओगे मेरे पास आपकी सूचना आ जाएगी और इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगा सब्जेक्ट आपका ही कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अब यहां से आपकी पेपर वन की और पेपर टू की तैयारी हो जाएगी आपको यह थोड़ा सा यहां पर फीस वीस लगती है आप यहां पर अपने हिसाब से देख लेना अगर आप फीस देने में सक्षम हैं, तो जरूर से दीजिए अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है तेरहवें नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आंसर है संचित उपागम ओके अब बताओ अब कुछ कमेंट किया क्या आप लोगों ने आपसे कुछ सलाह लेनी है कैसे ले सकते हैं क्या सलाह लेनी है हाँ जो लोग फीस अफोर्ड कर पाते हैं वही ज्वाइन करना अगर फीस अफोर्ड नहीं कर पाते तो जरूरत नहीं है आइए अगला क्वेश्चन को हम बड़े अच्छी तरीके से पढ़ेंगे केस स्टडी पेनल ब्रांड का मतलब हम लोग समझ गए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं प्रयोगात्मक शोध कार्योत्तर शोध निर्जातीय वर्णन आप इसको करिए सत्र नंबर क्वेश्चन करिए मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए पहले ही पर के, केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मैथ हर चीज अवेलेबल है तुम अनकेडमी पर चल जाओ कुछ बच्चे हैं जो सी एस आई आर नेट के बच्चे समझ नहीं पाते अरे भाई ये जैसे कुछ लोग ना बायोलॉजी के हैं है ना अब वो ढूंढते रहते हैं कि यार मेरे तो जूलॉजी है बॉटनी है मैंने तो इससे किया अरे पर पर वो लाइफ लाइफ साइंस साइंस के के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं के पर आप उन के के को देख सकते हो आपको यही पता नहीं है कि आपका किसके अंदर आपकी नेट आएगी ये पर हर सब्जेक्ट की क्लासेज आपके लिए अवेलेबल हैं चाहे आप केमिस्ट्री से हो चाहे बॉटनी से हो चाहे जूलॉजी से हो चाहे मैथ से हो चाहे केमिस्ट्री से हो फर्क नहीं पड़ता सत्रवे नंबर का सवाल अब हम यहां पर आप लोगों को लिक कर रहे हैं इसे कहते हैं सातु निर्जातीय वर्णन शोध विषय निम्नलिखित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष का मतलब होता है एप्लिकेंट, एप्लिकेंट। परिप्रेक्ष के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है यथार्थ का मतलब होता है कि जो जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना इसको यथार्थ कहते हैं आप लोग सब जानते होंगे बड़ा सरल है इसका सही आंसर है सातु निर्जातीय वर्णन विषय शोध निर्जाती वर्णन विषय शोध ओके अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है आप लोगों के लिए शोध प्रस्तावना शोध समस्या तुम इसको 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन इसको मैं पढ़ाऊंगा और इन सारी चीजों पर व्याख्या करूंगा सब चीजों को समझाऊंगा चलिए आप अपने अनुसार करिए क्वेश्चन फिर मैं आपको समझा दूंगा देखो जो भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन ले आज ले कल ले कोई दिक्कत नहीं है कभी भी ले इस वीडियो को कब देख रहा है मुझे पता नहीं उसके आधार पर ले रेफरल कोड में आपको एलओके एस एस डबल वन ही डालना है क्योंकि मार्केटिंग के बच्चे कई बार आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं जैसे ही आपके सिल्मन कोड लगाओगे मेरे पास आपके फोन नंबर आ जाएंगे और फिर हम लोग बात करते रहेंगे अब मैं क्लास में फोन नंबर नहीं दे सकता हूं इतने सारे बच्चे मुझे कॉल करेंगे तो मैं वैसे ब्लास्ट हो जाऊँगा उन्नीस में से आप में से बहुत सारे लोग आंसर सी दे रहे हैं या बहुत सारे लोग आंसर डी दे रहे हैं चलिए शोध परिकल्पना सही आंसर क्या है ये रहा हाइपोथीसिस क्या साथियों रिसर्च रिसर्स एक अस्थाई ही जिसकी वैधता अज्ञात है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है उसे क्या संज्ञा दी जाती भाई एक बात बताओ कि अगर हम कोई शोध कार्य करने जा रहे हैं तो शोध कार्य में क्या रिजल्ट आने वाला है इसकी जानकारी तो हमारे पास है नहीं राइट अभी वो अज्ञात है लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं एक प्लानिंग करते हैं उसे कहते हैं शोध परिकल्पना शोध समस्या का मतलब क्या होता है शोध समस्या के बगैर शोध संभव ही नहीं है शोध परि शोध संभव ही नहीं है शोध समस्या के बगैर कि जब शोध समस्या होती है या कोई प्रश्न होता है तभी जाकर साथियों शोध किया जाता है शोध का प्रस्ताव और शोध का अभिकल्प यानी शोध की डिजाइन ये सारी चीजें मैंने आपको बैच अर्जुना में रात्रि नौ बजे अच्छी तरीके से पढ़ा दी थी अच्छा आप में से आप में से बैच अर्जुना में कितने लोग आते हैं रात को नौ बजे बैच अर्जुना में कितने लोग आते हैं बताइए मुझे अगर आप नहीं आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं तो वो डेली रात्रि नौ बजे बैच अर्जुना में भी आइए क्वेश्चन नंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है शोध का वह प्रतिमान जो विद्यार्थी अभ्यासकर्ता की व्यवसायिक विशेषताओं के विकास पर बल देता है और कहलाता है चलिए थोड़ा समझो और फिर मैं आंसर दूंगा उसकी व्यवसायिक विशेषता की बात हो रही है कि वो कितना काम करता है इसे कहते हैं क्रियात्मक शोध आइए तीनों चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं मौलिक शोध का मतलब क्या होता है मौलिक शोध का मतलब होता है कि ऐसा शोध जो आज तक कभी नहीं हुआ जो आपकी स्वयं की आपकी स्वयं की रिसर्च से संबंध हुआ है वैसे हर कोई शोध अपने आप में मौलिक होता है लेकिन मौलिक शोध का मतलब होता है कि पूर्णतः डिपेंड डिपेंड ऑन यू व्यवहारिक शोध का मतलब क्या होता है एप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी काम को कर करके देखते हैं जैसे एप्लाइड रिसर्च में किसी काम को कर करके देखना एप्लाइड रिसर्च में आता है जैसे कि मान लो ये मोबाइल है इस मोबाइल को पहले ऐसा नहीं बनाया था है ना पहले बड़ा था बड़ा था मोबाइल तो बात करने में तो थोड़ा अनकंफर्ट लगता था तो इसकी साइज को बड़ा छोटा किया गया इसके अंदर और फीचर डाले गए थे और साइज को छोटा गया था और फीचर डाले गए और साइज को छोटा इसे कहते हैं रिसर्च व्यवहार में चीजें किस तरीके से बदलेंगी उसी को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं एक बात दूसरा है क्रियात्मक शोध क्रियात्मक शोध का मतलब एक्शन रिसर्च एक्शन सर्च यानी करते करते कोई काम का हो जाना बेटर हो जाना सीख सीख कर कोई काम को सीख जाना एक होता है साथियों गुणात्मक शोध क्या होता है एक होता है गुणात्मक शोध कि उसमें कितनी गुण कितने हैं उसमें कितना उसको अच्छा बेहतर माना जाता है सही आंसर है इसमें साथियों हो क्रियात्मक शोध सी यह क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 21 20, 2022 के जून वाली एग्जाम में इसको पूछा गया है जून 2022 में पूछा गया थोड़ा ध्यान से करो जून 2022 वाली एग्जाम में पूछा गया है पहले ध्यान से पढ़कर आंसर करो फिर मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं भाई पेपर वन और पेपर टू दोनों एक ही दिन में होते हैं बेटा अलग अलग दिन में नहीं होते दोनों एक ही दिन में होते हैं देखो जिन लोगों को दिखने में दिक्कत आ रही है ना एक तो क्वालिटी बढ़ा लो और मोबाइल को इस तरीके से तिरछा कर लो ऐसे मोबाइल को इस तरीके से तिरछा कर लो सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा ऐसे तिरछा कर लो मोबाइल को सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए नि, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के अर्थ और विशेषताओं को देखो मैंने क्या कहा आपसे मैंने ये कहा कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है इसको निकालो बस सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के अर्थ और विशेषताओं को सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से यानी सबसे बेस्ट तरीके से दर्शाता है या प्रतिबिंब करता है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो शोध के अर्थ और विशेषताओं के बारे में बात करती हैं। बस कि शोध किसे कहते हैं या शोध की विशेषता क्या क्या है इसलिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाता हूं थ्योरी जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं आपको इतना डिटेल्ड में इसलिए समझाता हूं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फिर कि विशेषता बतलाओ कि विशेषता क्या क्या है या उसका अर्थ बतलाओ इसलिए ही मैं थ्योरी जब पढ़ाता हूं आपको बैच अर्जुना में रात नौ बजे तो बहुत ही डीप जाकर पढ़ाता हूं ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाओ शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि शोध का अर्थ बिल्कुल यथास्थिति को चुनौती देने से उसको बदलने से है उसको और बेहतर करने से इस बात से सहमत है या नहीं है क्या इस बात से आप सहमत है या नहीं है शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देना सब लोग कॉमेंट्स करिए सहमत है या नहीं है सबके सब सहमत है इसका मतलब हो गया या एक नंबर हमारा सही है इसका मतलब हो गया एक नंबर हमारा सही है कि भाई शोध का मतलब यथास्थिति को बदलने से हमारा सही है लल्लन टॉप ट्रिक ये कहता है कि जिस भी ऑप्शन में आपको एक नजर नहीं आ रहा उसको काट दो तो हमने बी ऑप्शन हमें एक नजर नहीं आ रहा तो बी ऑप्शन में से हमने एक, एक नंबर को काट दिया ठीक है अब हमारे सामने ऑप्शन नंबर टू आ गया है यहां पर क्या लिख रखा है शोध तथ्यों सूचनाओं के संग्रहण का एक प्रयास संग्रहण संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना एकत्रित करना क्या आप इस बात सह से सहमत हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं शोध का काम केवल डेटाओं को इकट्ठा करना ही है क्या क्या आप इस बात से सहमत मैं केवल आपसे पूछकर जवाब पूछ रहा हूं आपसे जो आप कहोगे वो जवाब हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने जब क्वेश्चन को खुद ने किया ना तो गलत कर दिया क्योंकि आप जल्दबाजी में थे हड़बड़ी में थे अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा के कर रहा हूं खुद ही सही सवाल कर दोगे बताओ मेरी इस बात से सहमत है आप बताओ सहमत है सब लोग रे कह रहे नहीं 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 सब लोग कह रहे नहीं है सहमत तो यहां पर क्या है कि केवल इसका काम एकत्रित करना नहीं है उसको निष्कर्ष तक पहुंचाना भी उसका काम है इकट्ठे करना काम नहीं है तो यहां पर क्या हो गया ऑप्शन नंबर जो दो है वो गलत है ऑप्शन नंबर दो गलत है इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी ऑप्शन में आपको दो दिख रहा है हम बी वाले को तो ऑलरेडी काट चुके हैं अब जिस भी ऑप्शन में आपको दो दिख रहा है उसको काट दो अब देखो या तो आंसर हमारा सी है आंसर हमारा डी है क्योंकि बाकी का तोड़ हमने काट दिया अब मैं क्या कहता हूं कि आप समान अंक को चुनो इनमें से आपको यहां पर छह दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में भी छह दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह हो कि सिक्स तो हमारा सही है ही है बिना पढ़े अब हमारी लड़ाई क्या है हमारी जो लड़ाई है या तो ऑप्शन नंबर तीन में है क्योंकि एक को तो हम पहले ही कर चुके हैं या तो तीन से है या अब हमारी लड़ाई पांच से है बस एक काम हो जाएगा काम बन जाएगा कोई भी एक ऑप्शन पढ़ लो या तो तीन पढ़ लो या फिर पांच पढ़ लो चले हम लोग पांच ही पढ़ लेते हैं तीन पढ़ लेते हैं चलो शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है शोध को हम केवल दो कैटेगरियों के में बांध कर नहीं रख सकते हाँ पर माफ करना हाँ बिल्कुल शोध हम आगे देखते हैं इसको एक सेकेंड निगमनात्मक कितने लोग निगमनात्मक का और आगमनात्मक का मतलब जानते हैं आप में से कितने लोग हैं जो निगमत्मक का मतलब जानते हैं और आगमनात्मक का मतलब जानते हैं मैं आगे समझाऊंगा आगे समझाऊंगा निगमनात्मक का ये तो बहुत बड़ी संकल्पना अपने आप में मैं पढ़ नहीं पाया था उसको कितने लोग जानते हैं सर मुझे पेपर वन की थ्योरी चाहिए रात्रि नौ बजे थ्योरी का ही बैच चलता है बैच अर्जुना उसमें थ्योरी मिलेगी आपको रात्रि नौ बजे डेली क्लास होती है कितने लोग जानते हैं निगमनात्मक का मतलब कोई चीज जब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है तो उसको निगमनात्मक कहते हैं जैसे इस क्लास में जब हम पढ़ रहे हैं तो जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ नहीं जानते थे लेकिन अब जानते जानते हम गहराई की तरफ जा रहे हैं ये हो गया निगमनात्मक और साथियों आगमनात्मक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ की गहराई से बाहर निकलेंगे इसमें क्या होता है साथियों विशिष्ट से सामान की ओर होता है और आप में से कई लोगों ने जवाब सही दिए और कई ने जवाब गलत दिए तो यहां पर साथियों बिल्कुल सही बात है कि हम चीजों की गहराई में जाते हैं और गहराई से निकलते भी हैं गलत चीजों से बाहर निकलते हैं अच्छी चीजों चीजों को, को एक्सेप्ट करते हैं तो तीसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है तो अगर तीसरा ऑप्शन सही है तो यह हमारा डी आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा देखो बड़े ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है सर नेट टोटल कितने स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देंगे सर मुझे अभी मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि भाई कितने एग्जाम देंगे इसका मेरे पास अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है फीस किस प्रकार कर सकते हैं जमा फर्स्ट सेकंड पेपर इतिहास छोटे लाल आपको मैंने बतलाया था ना फीस तो वहीं से हो जाएगी ना एप्लीकेशन से ही फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम एटीएम कार्ड वहां पर ऑप्शन आएगा तुम जाके ट्राई तो करो सर मेरा फॉर्म में गलती हो गई है मम्मी के नाम में मम्मी के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप उसकी चिंता ना करें वैसे करेक्शन आएगा आपका करेक्शन की करेक्शन के लिए डेट मिलती है लेकिन इस बार उन्होंने करेक्शन की कोई डेट नहीं दी बट ऐसा कोई चिंता वाला कोई बात नहीं आप तो एग्जाम देकर आइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब भी हमसे पूछे जाएंगे केवल सर्टिफिकेट पूछे जाएंगे और सर्टिफिकेट में माता का नाम नहीं होता है मेरे सर्टिफिकेट में मेरी माँ का नाम है क्या देख देखने दो रुको देखने दो रुको तो मुझे ज्यादा स्पष्ट पता लगेगा ना माता का नाम है पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है जेआरएफ के सर्टिफिकेट माता का नाम नहीं है नेट के सर्टिफिकेट माता का नाम है पर डेट ऑफ बर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू करिए ध्यान से पढ़िए आप आंसर दीजिए मजा आ रहा है साथियों पढ़ने में मुझे एक बार कमेंट्स करके बताओ सच में मजा आ रहा है क्या सीख रहे हो अंदर से लग रहा है कि यार सीख रहे हैं चीजों को ऐसा लग रहा है देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं ये दावा नहीं करता कि यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है तो करवा रहा ना ऑलरेडी तो आ चुका है लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और मैं आपको यही सिखाता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे डील की जाती है चलिए करिए मजा आ रहा है ना बस तो और पढ़ते जाएंगे क्लास लंबी करेंगे आपसे डरना मत भाई एक घंटे से ज्यादा क्लास करेंगे आपसे ना ऐसे मत सोचना एक घंटे की क्लास करेंगे ट्वेंटी टू का आंसर दीजिए आप गाइस ट्वेंटी टू का सही आंसर दीजिए थोड़ा पढ़ लिया होगा लंबा क्वेश्चन है ट्वेंटी टू का सही आंसर है ए अब आप खुद मिलान करो देखें मैं तो आपसे बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से डरना नहीं है आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आइए इस चीज को देखते हैं मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना अब आपको कुछ भी नहीं आता प्रयोगात्म विधि का मतलब क्या था नहीं कार्योत्तर नहीं अरे ऐतिहासिक नहीं निर्जा नहीं अरे भाई मर गए यार तो कुछ भी आता ही नहीं हमसे तो फिर हमने ये देखा हमसे ये भी नहीं आते मतलब हमसे कुछ भी नहीं आता तो अब हमको बड़ी सावधानी से कोई ऐसा शब्द पकड़ना है जो हमको आता हो हमको सिर्फ एक ऐसा शब्द पकड़ना है जो हमसे आता हो आइए एक कोई भी इस प्रकार का शब्द पकड़ने की आप कोशिश करें जैसे जैसे कि मान लो हमने निर्जातीय विधि पढ़ी निर्जातीय विधि का मतलब नहीं आता लेकिन आपको ऐतिहासिक विधि का मतलब तो पता है ना यार और एक कार्य उत्तर विधि का मतलब भी पता है यार कार्य उत्तर विधि का मतलब होता है जो पहले काम किया गया हो उस पर बात करना तो हम एक चीज से ही मिला लेंगे सारी चीज को जैसे हमको कार्योत्तर विधि का पता है कि कार्योत्तर विधि का मतलब क्या होता है या हमको ऐतिहासिक विधि का पता है ऐतिहासिक विधि से क्या होता है तो उसी के आधार पर हम मिलाकर कर देंगे पूरा क्वेश्चन उसी के आधार पर हो जाएगा बस जैसे इतिहास की विधि का पता है यार हमको पता है कि ऐतिहासिक विधि का मतलब क्या होता है तो ऐतिहासिक विधि का आप मिलाकर देख लीजिए यहां पर ऐतिहासिक विधि को अगर हम मिलाएंगे तो क्या करेंगे एक व्रत परिदृश्य के समग्र का सामान्यकरण यह भी हमारा गलत है इसको हम यहां से मिलाएंगे कि यार ऐतिहासिक विधि का मतलब है नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का पता लगाना यह भी हमारा गलत है ऐतिहासिक विधि ये भी हमारा गलत है तो हम मिलाएंगे फिर ऐतिहासिक विधि को दूसरे कि यार पहले कोई घटना घट गट गई है ना उसके बारे में अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक विधि है भाई पूर्व घटित घटनाओं के बारे में तो बात करते हैं हम ऐतिहासिक विधि में यही तो बात करते हैं ना तो सी में क्या आंसर है सी के नीचे दो आना चाहिए तो सी के नीचे दो एक आ गया और इसी से आंसर आ गया हमारा तो एक आंसर आ गया एक से ही हमने सब कुछ मिला दिया है ये बड़े आसान होते हैं इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना इसमें बड़ा ही आसान चीज है यार एक लघु शोध प्रबंध किसे कहते हैं शोध प्रबंध का मतलब होता है जो पीएचडी का जो थीसिस है ना जिसको मैं दिखा रहा हूं बार-बार ये होता है शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध का मतलब क्या होता है जो एमफिल में जो एमफिल के अंदर एम फिल के अंदर जो डेजिटेशन बनाया जाता है छोटा बनाया जाता है उसको लघु शोध प्रबंध कहते हैं शोध पत्र रिसर्च पेपर मैं आपको करवा चुका हूं कार्यशाला संगोष्ठी ये सब मैंने अर्जुन बैच में आप लोगों के लिए करवा दी है रात्रि नौ बजे बड़े डिटेल के साथ मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई थी इसलिए बैच अर्जुन नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए इसका सही आंसर है साथियों डी क्या है डी कितने लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है या अभी भी ढीट बने बैठे हैं कि भाई जो लोग वीडियो लाइक करेगा ना उसी को गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है जो जो इस एग्जाम इस वीडियो को लाइक कर रहा है उसी उसको कृपा जा रही है उसी पर आशीर्वाद जा रहा है <laughs> अरे भाई साहब मजे ले रहा हूं मैं आप लोगों से चलिए कर आया हूं आप लोगों के लिए वो है कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए बोध को समझने के लिए कुछ टिप्स हैं उसका आप ध्यान रखना बोध का मतलब होता है समझ क्या टिप्स होती हैं ध्यान से समझो बोध जो होता है आपकी समझ को डिसाइड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है तो हमेशा जो बोध के जो क्वेश्चन है आते हैं वो कई पैरा में होते हैं एक पैरा इस तरीके से होता है आजकल तो क्या है कि मल्टीपल पैरा के और लंबे लंबे बोध के क्वेश्चन आते हैं एक पैरा ये हो गया एक पैरा ये हो गया और एक पैरा ये हो गया तीन पैरा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अब एक जो क्वेश्चन होता है लास्ट का ये पैरा के भावार्थ से संबंधित पूछा जाता है भावार्थ पूछा जाता है या मूल अंश पूछा जाता है मूल इसमें या तो भावार्थ पूछा जाएगा या मूल अंश पूछा जाएगा हमेशा जो देखा गया है क्वेश्चन नंबर एक ना फर्स्ट पैरा से आता है आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना जो पहला क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट पैरा से आता है जैसे कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया अब आपने मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ा एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ा यह मत सोचना कि आप उसको नीचे से पढ़ना शुरू कर दो नहीं हमेशा आपके लिए सुविधा देता है इस चीज की कि नंबर का क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम 90 संभावना रहती है कि वो पैरा नंबर एक में से क्वेश्चन पूछेगा अब पैरा किसे कहते हैं आइए ये देख लेते हैं आपने देखा होगा कि यहां तक एक पैरा खत्म हो गया है और दूसरा पैरा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है और एक पैरा साथ ही में ये क्या है पैराग्राफ है पूरा क्या है ये पैराग्राफ है पूरा आप यहां पर देख पा रहे होंगे इसी तरीके से तीन तीन पैराग्राफ्स के इसमें दो पैराग्राफ हैं तीन तीन पैराग्राफ्स के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और समय के अनुसार इसमें जटिलता यहां पर आपको देखने को मिल जाती है लेकिन आज मैं जो आपको टिप्स बतला रहा हूं अगर वो आपने ध्यान से देख लिया तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे और यहां पर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे बात क्या है आप वैसे भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर पैराग्राफ के क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं पर कितना जल्दी करते हो बात इस पर आ जाती है अच्छा मैं कमेंट देख लेता हूं आप लोगों के लिए सबके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जैसा कि आप सभी को पता है मैं पेपर का एनालाइज कर रहा हूं आज दोपहर अभी दो बजे आज दो पीएम से आज टू पीएम से फर्स्ट पारी का मैं साथियों पेपर का पूरा वो विश्लेषण करने वाला हूं आज दो बजे उसमें भी आना साफ नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने का प्रयास करना वैसे साफ दिख रहा है अगर आपने मोबाइल ऐसे कर लिया तो अगर आप मोबाइल को ऐसे तिरछा कर लोगे तो आपको साफ नजर आएगा चिंता ना करें अभी मैं आपको कुछ और चीज समझाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं एक बार अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट में लिख दीजिए और एक काम करो एक काम करो आप थोड़ा सा आप इसके सारे कमेंट वाले स्टूडेंट ताकि मैं आपको सर्च कर लू आपको सर्च करने के लिए आप लिख दो यू जी सी नेट कॉम्प्रीहेंशन सी ओ एम पी लिखते जाओ सी ओ एम पी आर ई एच ई एन आई ओ एन ऐसा लिख दो यूजीसी नेट कॉम्प्रीहेंशन कॉमेंट कर दो एक बार लिखकर सबके सब जो बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो भी कर दो और जो अभी लाइव देख रहे हैं वो भी कर दो नेट कॉम्प्रीहेंशन आप एक बार बोल लिख के ले दो ताकि एल्गोरिदम इसको सही तरीके से पहचान पाए कि यह वीडियो कॉम्प्रीहेंशन का है आइए शुरुआत करते हैं तो टिप्स नंबर एक लिखो क्वेश्चन में टिप्स नंबर एक लिखो उसी के आधार पर क्वेश्चन होने हैं टिप्स नंबर एक टिप्स नंबर एक लिखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा

ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा पैराग्राफ के तीन चार पंक्तियों में से पूछा जाता है नोट करके रखो ये चीज ये चीज बिल्कुल सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं प्रमाण के साथ बतला दूंगा 2022 2022-23 में क्वेश्चन आए उनके आधार पर बतला दूंगा तो इसलिए हमको कई बार क्या है कि हम जो क्वेश्चन नंबर एक करते हैं ना हमको उसको यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है वो हमेशा दो तीन लाइनों में ऊपर ही मिल जाएगा वो क्वेश्चन इसलिए हमको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये पूरा समुंदर है इतने बड़े को ये ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर एक पढ़ लिया और हर एक पंक्ति में मिलान लग गए हर एक पंक्ति में मिलान लगे हर एक पंक्ति में मिलान लगे ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है इस तरीके से तो पांच क्वेश्चनों को पूरी पांच बार आप पैराग्राफ पढ़ दोगे आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ टिप्स दे रहा हूं उनको आप ध्यान रखना पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कुछ टिप्स दे रहा हूं उसको ध्यान रखना पंक्ति नंबर दो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड प्रश्न हमेशा पैराग्राफ वैसे अधिकतम लगा लो हमेशा में कई बार क्या होता है कि पूर्णतः तो सत्य नहीं होता नब्बे परसेंट लेकर चलो सेकंड प्रश्न हमेशा पैराग्राफ के से सातवीं पंक्तियों में पाया जाता है आपको अगर यह बात सत्य नहीं लग रही तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और अपनी बात को सत्य प्रूफ करने की कोशिश करता हूं अपनी बात को सत्य प्रूफ करने की यहां पर मैं कोशिश करता हूं आइए हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट विलक्षण कौन सा है मैं आपको ईमानदारी के साथ बतला रहा हूं कि मैंने एक किताब में से इस पैराग्राफ को पीपीटी में डाला है जबकि मैंने ईमानदारी से बतला रहा हूं मैंने इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ा है मैंने इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ा है मैं पहली बार आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और आप लोगों के सामने ही आंसर दूंगा बस मैंने क्या किया कि एक आ, किताब को टाइप करवाया उस मतलब किसी और उस टाइप को मैंने पीडीएफ में यहां पर पीपीटी में डाला है बस फॉर्मेट तैयार किया है अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपके सामने ही आप क्वेश्चन करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर एक है भाई है ना 93 क्यों लिख रखा है हाँ 93 लिख रखा है 93 को रहने दो ये क्वेश्चन नंबर एक है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है बस इतना सा है अब आपको क्या करना है कुछ चीजों पर ध्यान रखना है जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा ये पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना ही नहीं है अब आप कहोगे गुरु क्या बात कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहा हूं इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि मैं अपने यूपीएससी के दौरान मैंने सैकड़ों कॉम्प्रिहेंशन करके मतलब सैकड़ों से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन करके मैंने इस अनुभव को प्राप्त किया है आइए मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं उसको एक बार लागू करने की कोशिश कीजिए मुझे पता है यूट्यूब पर कॉम्प्रिहेंशन कोई भी नहीं पढ़ाता है आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नहीं है किसी जो शिक्षक ने अच्छे से पढ़ा रखी हो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके बाद ऑप्शनों को पढ़ना है पैराग्राफ नहीं पढ़ना ऑप्शन पढ़ने हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है अब ऑप्शन पढ़ो सरसरी नजर से ऑप्शन देख लो सरसरी नजर से ऑप्शन देख लो लोगों का एक सांझे नेतृत्व में शांतिपूर्ण से विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूहों जो एक दूसरे से भौगोलिक आर्थिक राजनीतिक भाव से जुड़े हुए हैं उनका शांतिपूर्ण से अस्तित्व सभी समूह का सामाजिक एकीकरण और सभी सामाजिक समूह का सांस्कृतिक समीकरण आपने पढ़ लिया क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन पढ़ना है अब ट्रिक पर चलते हैं ट्रिक कहती है कि पहला क्वेश्चन हमेशा आपके पैराग्राफ में ऊपर से आएगा मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है लोगों का एक सांझे नेतृत्व में शांतिपूर्ण रहना या विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूहों दूसरों के भौगोलिक आर्थिक राजनीतिक भाव से जुड़े हुए का शांतिपूर्ण सैस्तित्व यानी सामाजिक आर्थिक रूप से यहां पर सा, सामाजिक सैस्तित्व की बात यहां पर हो रही है आइए अब हम क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं मैंने क्या कहा मैंने ये कहा में क्या लिखाया कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तीन चार पंक्तियों में से पूछा जाता है यानी तीन जो ऊपर की आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक भाव से जुड़े हैं परंतु सामाजिक रूप से विचारात्मक आत्मकरण आत्म, आत्म, आत्म नहीं है फिर भी शांतिपूर्वक अत्यंत की भावना से रहते हैं देख लो पंक्ति नंबर एक दो तीन चा आ गया चौथी नंबर चौथी पंक्ति में आ गया ना आंसर आया नहीं आया यकीन मानो इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो ऐसे चुटकियों में कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो आप देखो मैंने क्या ट्रिक लिखवाई थी कि पहला क्वेश्चन हमेशा पहला क्वेश्चन हमेशा पैराग्राफ की तीन चार लाइनों में से आ जाएगा अब हमने क्या किया कि इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं और हमने डायरेक्ट ऊपर से पढ़ा और आंसर आ गया बोलो राधे 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 आया ना मजा अभी देखते जाओ कितना तगड़ा मजा आता है हम लोगों को देखो क्या होता है आ, हमारे पास अगर ट्रिक है ना तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं देखो ये मिल गया हमको चौथी लाइन में और यही तो आंसर है यही आंसर है कि विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूह जो एक दूसरे से भौगोलिक आर्थिक एवं राजनीतिक भाव से जुड़े हैं शांतिपूर्ण सहस्तित्व ये देख लीजिए शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण ये देख लीजिए भाषात्मक विचारात्मक इनसे जुड़े हुए देख लीजिए मिल गई पंक्ति मिल गया मिल गया ना एक क्वेश्चन मिल गया मिल गया आंसर नंबर एक अब क्वेश्चन नंबर दो पढ़ें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दो पढ़ लेते हैं आइए लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया दोबारा सुनो लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया देखो सबसे की बात बताऊं मैंने अभी तक पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है मेरी ट्रिक कहती है कि तुम पैराग्राफ को पढ़कर टाइम वेस्ट मत करो या चाहो तो एक बार सरसरी नजर से पैराग्राफ को पढ़ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पांच के पांच क्वेश्चनों के लिए पूरे पैराग्राफ को पढ़ो ऐसा नहीं है ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन पढ़ा पैराग्राफ पढ़ा एक क्वेश्चन पढ़ा पूरा पैराग्राफ पढ़ा बहुत टाइम चला जाएगा एक पैराग्राफ ही बीस मिनट खा जाएगा आपका क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा आता है और आजकल कंप्यूटराइज जा एग्जाम होती है एक स्लाइड इसमें एक स्लाइड अगले में एक स्लाइड अगले में ऐसे आता है अलग अलग स्लाइड में तो कुछ भी समझ नहीं लगता मैं सही कह रहा हूं क्या आप मुझे बताओ जो पैराग्राफ आता है आप एग्जाम देने जाते हो कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी सी रहती है है ना एक 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 पैराग्राफ इसमें आ गया फिर अगली स्लाइड करेंगे फिर एक पैराग्राफ उसमें आ गया फिर अगली स्लाइड करेंगे एक पैराग्राफ उसमें आ गया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरी बात से सहमत है तो लिखो कमेंट्स में है ना तो उसके लिए ट्रिक बना रखी है भाई पहला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ में आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन भी पहला पैराग्राफ में आ जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइए दूसरे क्वेश्चन की मैंने ट्रिक क्या बताई दूसरे क्वेश्चन की मैंने ट्रिक आपको यह बतलाई कि दूसरा क्वेश्चन जो है ना सेकेंड क्वेश्चन प्रश्न हमेशा पैराग्राफ की पांच से लेकर सात पंक्तियों में पूछा जाएगा ये ऐसा ही होता है हमेशा एग्जामिनर इसी तरीके से पेपर को सेट करता है आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को फिर से समझते हैं लेखक ने राज शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया ऑप्शन नंबर एक इतिहास के संपूर्ण काल के दौरान राज व्यक्ति के बीच प्रतिरोधी संबंधों का होना एक किसी बी नंबर किसी निश्चित समय काल का किसी समय काल तक राज्य और व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना है ना राज्य की संप्रदायता की अवधारणा और धर्म पर आश्रय यानी राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया गया कि संपूर्ण काल के दौरान राज और व्यक्ति के बीच प्रतिरोधी संबंध यानी लड़ाई झगड़े का होना या उनके बीच संघर्ष का न होना या संप्रभुता के लिए या धर्म पर आश्रय के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ के हमेशा पांचवें सातवें लाइन में आएगा आइए इस चीज को हम यहां पर पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या आया है इस क्वेश्चन में जैसा कि पता है कि पंक्ति नंबर एक दो तीन चार पांच छह यां देख लेते हैं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं अपनी पगड़ी किस तरीके से इसके आधार पर रूपवादियों की पहचान की जा सकती है अपनी परंपरा विधि के अवसर पर हालांकि पूर्व क्षेत्र छोड़ दिया है उपयुक्त शब्द उपयुक्त शब्द राज्य से देखो दिख रहा है उपयुक्त तो शब्द राज्य से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए राज्य से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष हो ऐसा कुछ नहीं था यह स्थिति कम से कम विदेशी राज्य की स्थापना से पूर्व नहीं थी जिस प्रकार राज्य की प्रभु सत्ता की अवधारणा या चर्च राज्य विभाजन नहीं था यानी यहाँ पर विदेशों की बात की गई है कि जिस तरह विदेशों में राज्य की संप्रभुता चर्च के हाथ में थी वैसा यहां पर नहीं था राज्य शब्द हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष न हो संघर्ष के संघर्ष न हो इसके बीच में माफी करना है नहीं संघर्ष ना हो ऐसा संघर्ष हो ऐसा ऐसा कर लो संघर्ष हो ऐसा कुछ नहीं था यानी कि संघर्ष नहीं, नहीं हो ऐसा कुछ नहीं था इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ क्या निश्चित समय काल तक राज्य और व्यक्ति के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए क्या है दोनों के बीच में संघर्ष ना हो आंसर यहां पर भी आ जाएगा तो हमने क्या किया आप देख सकते हो ट्रिक पहला ट्रिक सही निकल गई और दूसरी ट्रिक भी हमारी यहां पर इस क्वेश्चन के आधार पर सही प्रतीत होती नजर आती है आया समझ आपको देखो आप मैं एक बात बतला दू यार बहुत छोटा पॉइंट दिख रहा होगा क्योंकि एक साथ पैराग्राफ को लाने के चक्कर में मुझे फॉन्ट को बहुत छोटा करना पड़ गया लेकिन आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं क्या कह रही है नीरू जी मैं देख लेता हूं कॉमेंट सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा नीरू जी तो नीरू जी ने ऐसा क्या कह दिया हमको तो पता लगे दिखी नहीं रहा है नीरू ने ऐसा क्या, क्या कह दिया ए भाई नीरू क्या कह दिया आपने हमें तो बता दो देवी डेली आ रहे हो क्लास में रात को नौ बजे और दिन में सर कोई बताए सर का टेलीग्राम चैनल किस नाम से है अरे हम बता देते हैं देवी जी आप डेली क्लास में नहीं आते इसलिए आपको पता नहीं है जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है डॉक्टर लॉकेस बाली के नाम से लगभग तेरह चौदह हजार फॉलोअर्स हैं यहां पर इससे ज्यादा ही होंगे जब आप ज्वाइन करोगे तो बढ़ते जाते हैं हर दिन वो तो तो ये है जिसमें ये डीपी लगी हुई है आज की डेट में तो आगे पता नहीं क्या हो जाए लेकिन डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा इतना लिखा रहेगा डॉक्टर लोकेश वाली जाके सर्च कर लो डॉक्टर लोकेश वाली के नाम से ये टेलीग्राम चैनल अपना ही है सर नोटिस नहीं मिलता ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है आप गलत निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है देखो क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों से इस समय बात कर रहा हूं और आवाज आना बंद हो गया तकनीकी समस्या की वजह से तो यह क्या हो गया हमारे बीच में बाधक तत्व तो हो गया अगर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं बाहर से मान लो कि मेरा कोई घर वाला या घर वाली या बाहर वाली जैसा भी आप ठीक लगे बाहर वाला आए और गेट खटखटाए बाहर निकल इसमें से क्या कर रहा है तो यह भी क्या है एक तरीके से कम्युनिकेशन में बाधा का काम करता है तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन में बाधा तो यहां बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है हमको यहां पर बाधक तत्व का पता लगाना है यहां पर एक शब्द है भौतिक शोर भौतिक शोर का मतलब होता है कि अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं और वो आप तक आवाज स्पष्ट शब्दों में ना पहुंच रही हो किसी कारणवश वो आवाज आप तक स्पष्ट शब्दों में ना पहुंच रही हो उसको कहते हैं साथियों भौतिक शोर यानी बाहर के बाहर जो जो चल रहा है जैसे बाहर रोड पे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा आवाज़ आ रही है मान लो उसकी वजह से भी आपके पास मेरा क्या है आवाज नहीं पहुंच पा रही तो इसको कहते हैं साथियों भौतिक शोर इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको भौतिक शोर कहा जाता है तो भौतिक शोर भी बाधा का, का काम करता है शब्दार संबंधी शोध शब्द के अर्थ से संबंधित शोध जैसे कि मैंने कहा हे hey, hey, आपने उसको अलग ही समझ लिया मैंने ये कहा भाई पढ़ लो प्यार मोहब्बत का है पढ़ लो बेटा मौका है अब मैंने इसको कहा कि भाई पढ़ लो पर तुम लोगों ने उसका अर्थ गलत समझ लिया यानी कि कई बार शब्द का अर्थ हम अलग समझ लेते हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन में बाधा का, का काम करता है और यह साथियों मनोवैज्ञानिक शोर का मतलब होता है कई बार जब हंस रहे होते हैं आप रो रहे होते हैं आप उस समय आप साथियों सही तरीके से बात तक नहीं कर पाते हो कई बार आपने देखा होगा कि रोता हुआ व्यक्ति अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता हंसता हुआ व्यक्ति भी अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता तो इसी को कहते हैं साथियों यह है सही आंसर इसका भी बड़ा सरल है क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले आज की इस क्लास में लिया है अभी आप आवाज ठीक आ रही है अभी ठीक आवाज अभी आप आवाज ठीक आ रही है वेरी गुड आप सबको ठीक है मैंने खुद ने भी चेक कर लिया मैनुअली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज के स्तर पर आपको लिए बड़े कठिन होते हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सबके सब एक शब्द विषय इतर विषय से अलग विषय इतर का मतलब होता है विषय से अलग यथा बोलने की दर ध्वनि विराम उत्पन्न करने वाली पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है यार हर व्यक्ति का बोलने का तरीका एक यूनिक होता है किस तरीके से बोलता है क्या बोलता है अगर वो बोलते बोलते रुक रहा है अपनी बात में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है है ना जैसे अपने हाथों से इशारे कर रहा है सुनो भाई सुनो 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 ऐसे तेज बोल रहा है कभी धीरे हो रहा है इस प्रकार की पद्धति को क्या कहते हैं इस प्रकार की पद्धति को क्या कहते हैं इस प्रकार की पद्धति को कहते हैं पराभाषिक पद्धति क्या कहते हैं इसी पद्धति को पराभाषिक पद्धति कहते हैं क्या कहते हैं पराभा पद्धति ऐसी पद्धति को कहा जाता है वीडियो तो लाइक कर दिया होगा आपने गुरु दक्षिणा के हिसाब से चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको हिला देंगे ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हिला देंगे करिए एकदम हिला के रख देंगे क्वेश्चन आपको शब्दों को समझने का प्रयास करिए मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक आप शब्दों को नहीं समझोगे चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी सादृश्य साथ में देख सकना साथ में देखना सादृश संप्रेषण में यानी किसी चीज को देखते हुए बात करना विषय वस्तु को क्या माना जाता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस्तरी. देखो अगर हम कोई चीज को देखकर उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मान लो ये मोबाइल मेरे हाथ में है या सपोज करो ये बोतल मेरे हाथ में है इधर देखिए और इस बोतल को मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूं ऐसे ये देखो बोतल ऐसे ऐसे हिल रही है तो क्या तुम इसकी व्याख्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे जब तक मैं इस बोतल को इस तरह नहीं रखूंगा फिर इसकी मैं देख कर देख कर व्याख्या जो करनी है कि भाई इसका मुंह गोल है ये इसकी साइज इतनी है ये इस मेटल मेटेरियल से बनी हुई है इसके ये ये बेनिफिट्स हैं और अगर मैं इसको ऐसे लगातार हिलाता रहूंगा ऐसे तो आप इसकी देखकर व्याख्या नहीं कर सकते so, संप्रेषण का पहला मतलब यह होता है कि आपकी वस्तु स्थिर होना आवश्यक है तभी जाकर आप उसकी व्याख्या कर पाओगे समझ लग गया साथियों ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं साथियों सास बहु क्वेश्चन अभी आपके सामने सास वह क्वेश्चन आया है ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं साथियों सास बहु क्वेश्चन जहां पर तर्क जहां पर तर्क और उसकी बात की जाए एक है अभिकथन और एक है साथियों तर्क अगर यहां पर देख लीजिए रीजन और अर्से देख लीजिए यहां पर अब पढ़िए सास बहु क्वेश्चन कहता हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे झगड़ा करती हैं आपस में आपने आपने कभी ऐसा देखा है क्या साथियों एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं आप लोग क्या क्या कह रहे हैं और फिर आगे बढ़ूंगा सास बहु तो सीरियल आते हैं बबीता हाँ बिल्कुल बबीता ये सीरियलों से कमी नहीं है भाई देखो क्या होता है कभी आपने ये सुना है क्या कि सास और बहु के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा देखा है क्या कि दो किले बहू को दे दिए दो किले सास को दे दिए दो बीघा जमीन सास को बांट दी दो बीघा जमीन बहू को बांट दी ऐसा देखा है क्या आपने हैं कभी देखा है आपने नहीं देखा ना लेकिन तब भी ऐसे शीत युद्ध चलता रहता है पूरे दिन घर में ये तर्क वितर्क होता है उसने थोड़ा सा उसकी माइके की चीज दबा कर दी उसने है ना, ना? चलिए ठीक है अभी कथन का मतलब आप यहां पर सास और बहू का क्वेश्चन दीजिए अभी कथन के मतलब बात कीजिए चलिए मेरी जबनी हो राजा जही कट डे थोड़ा सोच समझ कर आंसर दो तो मैं लैपटॉप चार्ज लगा दू जब तक अरे आप चिंता ना करो अगले दस दिन में हम लोग दस यूनिट कंप्लीट कर लेंगे आज तीसरा दिन है तीन यूनिट कंप्लीट कर ली चार दिन चौथे दिन चौथे यूनिट कंप्लीट कर लेंगे आप चिंता क्या करते हो क्वालिटी बढ़ाइए आप अपनी ये बड़ा क्वेश्चन है यार आप कहते हो कि हिंदी इंग्लिश लेकर आओ अगर मैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेकर आऊंगा तो भाई फॉन्ट तो छोटा करना ही पड़ेगा और जब मैं हिंदी हिंदी ले आता हूं तो कहते हो सर इंग्लिश लेकर नहीं आए तो पढ़े तो कौन से कुएं में पढ़े आप बताओ देखो ध्यान से पढ़िए सबसे पहले अभी कथन को पढ़ना है और तर्क को पढ़ना है ध्यान से पढ़िए प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब नहीं की बात होगी तो ये लगा लो कि वो तो गलत ही है लोगों के अपने मूल्य और स्वयं हित होते हैं जो परिचित संवाद को परिसंशोधित कर देते हैं आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लोग चीजों में नमक मिर्च लगा देते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार लगा देते हैं कि नहीं लगाते हैं है? आपके घर में झगड़ा हो गया है ना और उसमें भी किसी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं तो क्या किया संवाद क्या हो गया संशोधित हो गया तो लोग बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर देते हैं तो ये यहां पर सही है और ये यहाँ पर गलत है यानी असर सन यहाँ पर गलत है और साथियों तर्क यहां पर सही है तो ए सही ए गलत और A A सही, A आर सही ए सही आर डी आंसर सही है यहां पर क्या है डी आंसर साथियों यहां का सही आंसर है पंद्रह का डीज करेक्ट वेरी गुड इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए इसके ऑप्शन ये रहे इसके ऑप्शन ये रहे आंसर करने का ऑप्शन ये रहे इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ना आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर देता हूं रुको ताकि और थोड़ा ज्यादा बेहतर देखने लग जाए चलिए साथियों करिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरने की जरूरत नहीं है कि हमको तो इनका अर्थ ही नहीं आता है हमको तो इनका अर्थ ही नहीं आता है अरे उसके लिए लल्लन टॉप ट्रिक मैंने तैयार करके रखी है चिंता ना करें चलो एक बार देखो और आंसर देने की यहां पर कोशिश करिए क्या होता है ये रहा ऑप्शन ए रे ऑप्शन रे उत्तर को है उत्तर देखने वाले इधर देख लेना ऑप्शन दे। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो और हमको अगर कुछ भी समझ नहीं लग रहा है तो हमको एक चीज इनमें ऐसी ढूंढनी है जो हमको आता हो जैसे गैर श्रोता का मतलब भी नहीं आता सीमांत श्रोता का मतलब भी हमको नहीं आता है ना मूल्यांकन श्रोता का मतलब भी नहीं आता लेकिन सक्रिय का मतलब जानते हैं सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव आपको पता है कि सक्रिय का मतलब एक्टिव होता है यार तो अब इससे हमको मतलब और कुछ भी नहीं आता हमसे लेकिन हमको ये आता है अब हम क्या करेंगे इस एक क्वेश्चन से चीजों को मिलाने की कोशिश करेंगे अब एक इसी ऑप्शन से हम मिलाएंगे चीजों को अब कैसे मिलाएंगे आइए यहां पर देख लेते हैं मान लो इस सक्रिय श्रोता को मैं यहां मिला देता हूं एक नंबर से मिलाकर देखता हूं सक्रिय श्रोता अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त रहना सक्रिय श्रोता का मतलब क्या होता है जो अन जानकारी में लिप्त रहेगा कि जैसे कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और बीच बीच में चैट कर रहा हूं अपनी नायिका के हेलो कैसी हो तुम जानू कह दो कोचिंग करवा जब कब जा रही हो अब मतलब आप पढ़ा मास्टर रहा है और आप किसी और चीज में संलग्न हो तो आप एक्टिव कभी नहीं हो सकते सक्रिय श्रोता आप कभी नहीं हो सकते तो यह भी हमारा यहां पर गलत हो गया अब इसी पंक्ति को सक्रिय श्रोता को मिलाइए पंक्ति नंबर दो से संप्रेषण के संदर्भ में अर्थ गर्भिता का प्रशंसिकरण किए बिना ही जानकारी प्रदान करना यानी कि पूरी बात को सुने बगैर ही कुछ भी कह देना ये भाई कभी भी एक्टिव लोग ऐसा काम नहीं करते तो हमारा क्या हो गया ये भी हमारा गलत ये भी हमारा गलत अब समझते हैं सक्रिय श्रोता का मतलब अगली पंक्ति तीसरे नंबर से मिलाकर देख लेते हैं निहितार्थ को निहितार्थ मतलब जो अर्थ है निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता एक शब्द आता है प्रासंगिकता कितने लोग प्रासंगिकता का मतलब जानते हो सूचना की प्रासंगिकता को परखता है तो वही साथियों एक्टिव यूजर होता है जो चीजों को ध्यान से समझता है चीजों को परखता है वही एक्टिव लोग होता है तो यहां पर क्या हो गया डी का सही आंसर क्या है तीन है अब हमको क्या पता लग गया डी का सही आंसर क्या है तीन है तो अब हम क्या करेंगे इस ऑप्शन पर आ जाएंगे उत्तर पर आ जाएंगे ये है हमारा डी इसके नीचे तीन ढूंढो यहां भी ये भी तीन नहीं है ये भी तीन नहीं है ये भी तीन नहीं है और ये रहा तीन इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर हो जाएगा डी अब देखो हमने केवल हमको इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे आता ही नहीं था हमसे क्वेश्चन आता ही नहीं था हमको केवल एक बिंदु आता था सक्रिय श्रोता और उसके आधार पर हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन यह ट्रिक आपको एग्जाम में लगानी है एग्जाम हॉल में यही ट्रिक लगानी है अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन करना है स्मार्ट लर्नर स्मार्ट स्टूडेंट बनो आप बाबा आदम के जमाने के लोगों की अब पार नहीं पड़ती है अगर आप एक्टिव हैं सक्रिय हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हो इस प्रकार से आपको करना है साथियों ओके okay, गाइज समझ गए चीजों को शुरू करें अगली बात इस चीज को समझ गए अब यहां पर और इसके आधार पर और चीजों को मिला लीजिए आंसर इस तरीके से आ जाएगा राइट right, गाइज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब वीडियो कितने लोगों ने लाइक किया है ईमानदारी से ये और देख लेता हूं मैं एक बार क्या बात है शाबाश बहुत बढ़िया ये अच्छा डी ऑप्शन नहीं दिख रहा अरे रे, 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 रे। ओ शिट चोट लग गई मुझे यार आज बहुत तकड़ी अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको माफ करना मैंने जूम इतना कर दिया कि ऑप्शन नहीं दिख रहा था और मैंने यार यहां पर एक टेबल रख दी थी छोटी उसकी मेरे चोट लग गई घुटने में यार मुझे ध्यान नहीं दर जैसे आप लोगों ने कहा कि ऑप्शन नहीं दिख रहा ओ माय गॉड अब दिख रहा है आपको ऑप्शन यार मैंने जूम ज्यादा कर दिया था वो ऑप्शन नहीं दिख रहा था अब भी दिख रहा है देखो ये देख लो ठीक है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़िए एक अच्छे सम देखो मैंने आपसे क्या कहा मैं हमेशा यह कहता हूं आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे जरूर बताना इधर देखिए मेरी बात मेरी तरफ देखिए देखिए जो एग्जामनर है ना हमारा उसके मूल को समझना बहुत जरूरी है एक होता धूड़ में लठ देना धूड़ में लठ देना वाली बात मत करना आजकल का जो एग्जामिनर है ना वो स्टूडेंट के माइंड के साथ खेलता है वो ना माइंड के अनुसार बदलाव करता है चीजों को तो हमको ना टीचर का माइंड सेटअप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें क्वेश्चन की बारीकी समझने की कोशिश करें उत्तर स्वेतः आ जाएगा अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ढंग से पढ़ूंगा और आप खुद इसका उत्तर दे दोगे और मैं ढंग से पढ़ूंगा ना आप खुद इसका उत्तर दे दोगे चलिए पढ़कर बताता हूं एक अच्छे संप्रेषण करता अच्छा संप्रेषण करता किसी कहते हैं जैसे मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रहा हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही है मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं अच्छा संप्रेषण करता हूं मैं एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए यानी कि एक अच्छा संप्रेषण करता होता है उसको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या किस सिद्धांत को मानना चाहिए ताकि वो अच्छा संप्रेषण कर सके ये हमारा क्या क्वेश्चन है आइए इस चीज को पढ़ेंगे और इस चीज को समझकर आप लोगों के सामने आंसर रखूंगा उसे संगठित रहना चाहिए उसे ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है संगठित का मतलब क्या होता है कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं हमको उसी टॉपिक की बात करनी चाहिए जैसे मैं अभी आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी मैथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको अभी कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने कम्युनिकेशन की बात करते करते रिसर्च की करने लग गया रिसर्च की करते करते गांव की करने लग गया गांव की करते करते मतलब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करने लग गया उससे क्या है कि हम बात में गहराई नहीं दे पाएंगे जिस टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर बोल रहे हैं तो हमें उसी टॉपिक पर संगठित होकर बात करनी चाहिए यह अच्छे वक्ता की खासियत होती है तो इसके आधार पर एक नंबर सही है हमारा सहमत हो आप इसको अब एक नंबर हमारा सही है यहां पर तो जिस भी ऑप्शन में आपको एक नहीं दिखाई दे रहा है सबसे पहले राम जी का नाम लेकर उसको काट दो ये देखो मैंने राम जी का नाम लिया और यह काट दिया और इसको मैं राम जी का नाम लेकर काट दो क्योंकि यहां पर भी एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा ठीक अब लड़ाई या तो हमारा ऑप्शन नंबर एक में है या ऑप्शन नंबर डी में है अब मैंने आपसे क्या कहा पहले समान अंक ढूंढ लो कोई समान अंक है क्या नहीं है आगे बढ़ते अगले दिन अब एक बात है यहां पर उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए देखो ऐसा नहीं कि यूज ऐसा नहीं कि कभी आप बचना चाहिए मतलब अगर दृश्य सामग्री को देख लेना भी चाहिए लेकिन बचना भी चाहिए उसने कहा कि उसको यहाँ दृश्य सामग्री से कभी कभी कह साथ यहाँ पर बचना चाहिए अब दृश्य सामग्री के उपयोग से बचने के लिए अच्छे वक्त जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अब तो खैर बहुत से लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं या ऐसा कुछ की आ, वो एक, होते -एक, होते टेक्नोलॉजी होती टेली प्रॉम्प्टर बोलते हैं उसको उसका उपयोग करते हैं लेकिन पहले जब वो नए नए आए थे राजनीति में तो लोग उनके भाषण शैली से बहुत तगड़े प्रभावित हो गए थे कि यार बिना देख कर ऐसा धड़ाधड़ 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 बोलता है राइट right? और और बहुत सारे जैसे राहुल गांधी भी बहुत अच्छे वक्ता है मोदी जी की तरह और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो टीप टीप कर बोलते हैं का, कागज के पन्ने में से बोलते हैं तो आप बताओ कि जो बिना टीपे बात करता हो बिना देख के बोलता हो या देख देख कर बोलता हो आपके लिए कौन सा अच्छा वक्ता है जो बिना देख कर बोले तो ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम बिल्कुल ही मत देखो बट थोड़ा सा बचना चाहिए ये ऐसा इस यहां पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहां पर इनका अनुसरण करने से बचना चाहिए सही बात है ये है भाई क्या आ रहा है आपके मन में इस हिसाब से साथियों ये यह भी हमारा गलत है आइए उसे अधिनायकवादी होना चाहिए अधिनायकवादी होना चाहिए अधिनायकवादी का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा नायकों की बात करना अधिनायकवादी का मतलब क्या होता है कि वो एक चीज पर बात ना करके बहुत सारी चीजों पर बात करे अगर वो अधिनायकवादी है तो वो कभी भी अच्छा संप्रेषण करता नहीं हो सकता अगर मैं गांधी की बात कर रहा हूं तो मुझे गांधी पर ही फोकस करना है मैं नेहरू पर शिफ्ट नहीं हो सकता तो यह भी साथियों हमारा इस ऑप्शन के आधार पर गलत है तो सही आंसर है साथियों पर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यहां पर क्लियर हो जाएगा ये देखो सारी चीजें मैं रात को नौ बजे जो क्लास होती है ना उसमें मैं आपको समझाता हूं प्रासंगिकता का मतलब कितने लोग जानते हैं एक शब्द आया था प्रासंगिकता आ, पिछले क्वेश्चन में प्रासंगिकता का मतलब कितने लोग जानते हैं कॉमेंट्स करके बताओ मुझे जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी बताना कॉमेंट्स करके अरे मैं कमेंट ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं अभी वेरी गुड जिसकी वैल्यू बनी रहे क्वेश्चन नंबर साथियों यहां पर हां 22वां करियर ये यह क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पराभाषिक एक शब्द आया था बीच में पराभाषिक ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही बट अभी फिर से करवा इसी टाइप का क्वेश्चन है करिए निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर दिया था बात करते समय अपनी बात को रखते समय वाणी में उतार चढ़ाव वाणी में उतार चढ़ाव विराम चिन्हों का प्रयोग ये सब चीजें क्या होती हैं इसको ही कहते हैं साथियों आप लोगों के लिए क्या कहते हैं इसको पराभाषिक कहते हैं इसको पराभाषिक तो ध्वनि का उतार चढ़ाव पराभाषिक में आता है विराम चिन्हों का पराभाषिक में आता है और वाणी दल की प्रभरता भी पराभाषिक में आती है यह मैं आपको दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको यही करवाया था अब मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं क्या क्या कह रहे हो आप लोग हां बिल्कुल याद रहना प्रासंगिकता का मतलब आप पढ़ रहे प्रासंगिक का मतलब क्या होता है जो पहले स्थिति थी वही स्थिति आज बनी रहे मीना शर्मा कह रहे हैं सर आप पढ़ाते अच्छा हो पर बात बहुत ज्यादा करते हो हमारा तेरह तारीख को एग्जाम है मीना शर्मा देख भाई मीना मैं तो कमेंट भी नहीं रीड करता हूं लगातार पढ़ाता ही हूं पर देखो ऐसा है इतने दिन से कहा सो रही थी कि अब तो कल एग्जाम है तो आज ही धड़धड़ी मार के खड़ी हुई आज ही पढ़ूंगी मैं तो मेरी क्लास तो बहुत दिन से चल रही है और ऐसा है कि जब खाना खाते हैं ना तो उसको चबाना भी पड़ता है तुम ऐसा तो नहीं हो कि ऐसे डायरेक्ट पूरी चपाती तवे में आई और डायरेक्ट पेट में डाल ली कोर नहीं तोड़ती हो चबाती नहीं हो डायरेक्ट अरे बहुत शरीर के पुर्जे काम करते बंद हो जाएंगे अगर ऐसा खाओगे तो शरीर के पुर्जे काम नहीं करेंगे चबा कर खाया करो तसल्ली से है ना और अगर ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो क्लास में कोई जरूरी थोड़ी ना आप आओ देखने के लिए इतने सारे शिक्षक हैं कहीं भी देखो यार कोई जबरदस्ती थोड़ी रहे अगर मेरा तरीका किसी को पसंद नहीं आता है तो मत आया करो क्लास में आप वहां जाया करो जिनका तरीका आपको पसंद आता हो सीधी बात है तो इसमें तो भाईबंदी वाली बात है ना अब ये तो है नहीं कि आ, आपका मैंने कोई कर्जा ले रखा हो आप लोगों से कि मुझे तो कर्जा उतारना है भाईबंदी वाली बात है प्रेम की बात है विश्वास की बात है जिनको विश्वास है मेरे साथ टिके हुए हैं जिनको नहीं है जाइए तो भाई हम तो क्लास हमारी तो बहुत दिनों से चल रही है हम तो आराम से पढ़ा रहे हैं अब आज थोड़ी आज पहली बार क्लास में आई हो और आप आज ही सब कुछ सीख जाओ चलिएगा ठीक है और मैंने तो आज तो कमेंट भी रीड नहीं किए आज तो आज की क्लास में तो मैंने कमेंट तक रीड नहीं किए और आरोप क्या लगा दिया कन्या ने कि बात बहुत करते चलिए पराभाषिक शब्द हो गए हैं समझाना तो भाई आपको पड़ेगा बिना समझाए मैं क्लास में नहीं वो करूंगा ये देखो कुसंप्रेषण इन्हीं लोगों के लिए कुसंप्रेषण आया है समझिए करिए ध्यान से पढ़िए हिंदी लिटरेचर कहने हैं सर आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते अरे बेटा मैं जब मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा तो बहुत से लोग ये कहने लग जाएंगे आप तो बात बहुत करते हो क्या करूं मैं तो एक मतलब कौन से कुएं में पढ़े आदमी अगर आपकी आपके सवालों का जवाब दे दें तो मर गया ना दिया तो मर गया बताओ आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा तो लोग कहेंगे कि आप तो बात बहुत करते हो और जब नहीं दूंगा तो कहेंगे कि आप तो सवालों के जवाब नहीं देते हो इससे बेहतर है कि मैं केवल पढ़ाने पर ध्यान ही रखता हूं चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कर लेता हूं ट्वेंटी नाइन का मैंने पूरा आपको समय दिया था निम्नलिखित में से कौन कक्षा क्रियान्विति में कुप्रेषण का एक सशक्त सूचकांक है यहां पर विषय के प्रति अप्रासंगिक शब्दों की झड़ी लगा देना यहां पर क्या है कि विषय से संबंधित सवाल ना पूछकर अतिरिक्त सवाल अगर कोई पूछते हैं तो उसको कुसंप्रेषण कहते हैं जैसे अभी मैं आपसे आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं आप मुझे मान लो मैथ का सवाल पूछ रहे हो तो एक प्रकार का कुसंप्रेषण है जैसे अभी अभी किसी कन्या ने किसी लड़की ने कहा कि सर आप बोलते बहुत ये भी प्रकार का कुसंप्रेषण है यानी कि आप टॉपिक से इतर होकर अगर कोई चीज बात करोगे और उसको प्रवोक करोगे बार बार तो कुंप्रेषण की श्रेणी में उसको गिना जाएगा चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना और मैं इन सब चीजों को समझा दूंगा इनका अर्थ क्या क्या है क्वेश्चन को आप पढ़ो और फिर आंसर देंगे थैंक यू खान साहब राधी का चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना प्रभावी कक्षा का संप्रेषण में प्रभावी कक्षा का मतलब होता है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं कक्षा में वो इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा प्रभावी कक्षा का मतलब क्या है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा में हो आप हो ये प्रभावी कक्षा तब होगी जब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपके समझ लगे तभी जाकर तो प्रभावी कक्षा होगी ना तो प्रभावी आएगी प्रभावी कक्षा का संप्रेषण में छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं आत्मसात का मतलब सीख सकते हैं आत्मसात यानी कोई ऐसी कक्षा जो बहुत प्रभावी हो इंपैक्ट हो उसका तो स्टूडेंट को क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन का मतलब यह है और इसके आधार पर ही आप आंसर दोगे तो आप तुरंत इसका आंसर दे दो ज्ञान प्राप्त होगा वेरी गुड कंटेंट प्राप्त होगा विषय वस्तु वेरी गुड एक्सपीरियंस अभिव्यक्ति प्राप्त होगी भाषा की प्रवणता नहीं बोलना सीखोगे अच्छे से निष्क्रियता होगी क्या नहीं निष्क्रियता नहीं होगी और साथियों प्रतिरोध के स्वरूप भी नहीं होगे यहां पर साथियों चारों चीजें आपको ये इसकी सही है चारों चीजें यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाली सबका सब ठीक है फ्री है आज दो आ रहा हूं। आज दो मिनट क्या घर पे कोई गेस्ट आए हैं मैडम की कोई सहेलियां वगैरह आई हैं जिन्होंने कहीं पटियाला जाना है अभी नाइट में तो उनको मुझे छोड़कर आना है थोड़ा बस स्टैंड तक तो मैं कब की तैयार होके बैठी है पर ये क्लास के चक्कर में रुक रही है मैंने कहा कि भाई मैं क्लास के साथ समझौता नहीं करूंगा तुम भले एक बस छोड़कर दूसरी बस में चले जाना या मैं खुद छोड़कर आ जाऊंगा लेकिन क्लास तो होकर ही रहेगी क्योंकि आज मॉर्निंग में भी क्लास नहीं हो पाई थी बारह बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि पावर कट हो गया था अब लाइट नहीं आती ना तो इतना बड़ा सब कुछ सेटअप चलता ही नहीं है ये सब डिजिटल बोर्ड चलते ही नहीं है लाइट नहीं आएगी तो वाईफाई बंद हो जाता है तो फिर वो कैंसिल करनी पड़ी पहले मैंने वो पांच बजे की फिर भी नहीं आई फिर देन लेट लेट होता चला गया तो भाई क्लास के साथ में समझौता नहीं कर सकता बड़ी संख्या में लोग आप क्लास देख रहे हो बहुत बेहतरीन साथियों सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना अपना नाम एक बार कमेंट कर दीजिए आप एक काम करो सारे स्टूडेंट जो इस समय लाइव देख रहे हैं और जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे अपना अपना नाम के आगे डॉक्टर लिखो जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर एल ओ के ई -E एस एच बी एल आई डॉक्टर लोकेश वाली इस तरीके से आप प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखिए क्योंकि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों आप सबको डॉक्टरेट तो करनी है ही आप सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं आज नहीं तो कल तो आप लिखो और फील करो कि कैसा लग रहा है मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा पीएचडी वीएचडी करने में चिंता मत करो और एक अगर हो सके ना तो आईसीटी में यू यू आर एल होता है यू आर एल मैं आपको आईसी टी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा जैसे कि इंस्टाग्राम का यू आर एल हो गया फेसबुक का आप सब सब में डॉक्टर लगाकर रजिस्टर्ड कर लो पहले से मैं बोलता हूं डॉक्टर दिलीप कुमार डॉक्टर रूबी कुमारी डॉक्टर मीना आय हाय हाय फील करो खुद का नाम के आगे डॉक्टर ले क्या मतलब वजन आ जाता नाम में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वजन आ जाता नाम में है ना आ रहा है कि नहीं आ रहा वजन क्या बात संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार है संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार क्या है थर्टी फोर का आंसर दीजिए यानी कि कौन कौन से चैलेंज उनको फेस करने पड़ते हैं यह आपको आंसर देना है थर्टी फोर अगर सब लोग इसका आंसर सही दे देंगे तो फिर मैं इसको समझाऊंगा ही नहीं वेरी गुड वेरी गुड सी इसका सही आंसर है और हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुझे अब आपसे क्लास से भी विदा लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब किन्हीं को छोड़ने के लिए जाना लेकिन एक क्वेश्चन करवा के जाऊंगा ये वाला ये वाला क्वेश्चन करवा के जाऊंगा समझा कर भी जाऊंगा चलिए ये वाला क्वेश्चन समझा कर जाऊंगा करिए कक्षा संप्रेषण में अभी कथन देख तो तर्क दे रखा है और एक अभी कथन दे रखा है कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा सास ने कहा है इनको मैं कहता हूं सास बहु क्वेश्चन सास ने बोला है सास ने कह दिया कि कक्षा संप्रेषण में अच्छा पूर्वुमान लगाना कठिन हो जाएगा बहु कह रही है यह उस समय होता है जब विद्यार्थियों के साथ बातचीत सतही स्तर पर हो अब मान लो कि मैं अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से बात करता हूं डेली जैसे कुछ स्टूडेंट नए आते हैं तो मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है कि उनका सब्जेक्ट क्या है कैसा पढ़ते हैं पढ़ने में क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में लेकिन अगर मैं आप लोगों से डेली बात करूंगा तो साथियों मैं आपके बारे में जान पाऊंगा कि आप क्या करते हो आपका पढ़ने में क्या आपके बारे में पूर्ण अनुमान में तभी लगा सकता हूं जब मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा सतही का मतलब होता है कम सतही का मतलब होता है कम कम बातचीत होना सतही स्तर पर तो यहां पर यह दोनों ही सही हैं क्या साथियों और आर दोनों सही हैं ए और आर साथियों आंसर बिल्कुल सही है थर्टी नाइन का हमने साथ ओके okay, शुरू करें चीजों को साथियों हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं और आइए हायर एजुकेशन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने में लेकर आता हूं पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको फिर से बता दूं मैं इस क्वेश्चन में आपको इस क्लास में वो चीजें पढ़ाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन सभी तरीके के क्वेश्चन को यहां पर हम करेंगे पहली बात सबसे पहली क्वेश्चन आपके सामने है जो है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है अब यार ऐसा क्वेश्चन तो मुझे पता है कि आप लोग कर ही दोगे कहोगे सर इतना सरल क्वेश्चन इससे आपका आकलन हो जाएगा कि आप कितने चीजों को सरल मानते हैं और कितनी चीजें आपके लिए कठिन है यह बात होती है भारत में परंपरागत शिक्षा जो पहले से चली आ रही परंपरा है उसके आधार पर कौन सी शिक्षा एक आवश्यक घटक के रूप में काम करती है पुस्तकों से सीखना नहीं क्योंकि पहले तो पुस्तक ही नहीं थी हमने तो वेद पुराण एक दूसरे से सीखे हैं किसी ने किसी से कहा किसी ने किसी से कहा किसी ने किसी से कहा तो पुस्तक थी नहीं लिपि तो बहुत बाद में आई है तो पुस्तकों से सीखना भी नहीं चिंतन से सीखना यह भी नहीं ये भी नहीं शिक्षकों से सीखना आपको पता है गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी गुरु जी ने जो कह दिया वो अटल सत्य है पहले के और आज के जब मैं आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ाता हूं तब बताता हूं आज के टाइम पर ये त्रिकोण काम करता है जिसमें क्या होता है मध्य में कौन होता है स्टूडेंट होता है पहले क्या होता था पहले साथियों यहां पर मध्य में गुरु होता था और ये सब स्टूडेंट हुआ करते थे क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है वो सब गुरु डिसाइड करता था आजकल तो सबका सिलेबस है अब तो तीन चीजें हैं शिक्षक जो महत्वपूर्ण नहीं है छात्र जो महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम इस आधार पर चीजें फ्रेमवर्क काम करती है पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि क्या क्या कमेंट्स आ गए हैं और फिर साथ ही हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे वेरी गुड देखो ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है ईमानदारी से बताओ जो अभी देख रहे हैं और जो बाद में देख रहे हैं सबसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से बता दो कि कितने लोगों का सही हुआ है क्योंकि गलत बहुत लोगों को हुआ है यही सीधा सा क्वेश्चन अब सोचो आप कितना वो कर रहे अच्छा एक बात और सुनो आपको इस चैनल पर आपको इस चैनल पर पेपर का एनालाइज मिलने वाला है कैसे पेपर लग रहे हैं क्या क्या पूछा जा रहा है हर एग्जाम में क्या आ रहा है वो पूछा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला तैयार है ना कल से ओके okay? ताकि आप उसी के तरीके से तैयारी कर लो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखो हायर एजुकेशन सिस्टम में एक तो योजनाओं से क्वेश्चन आएंगे पंच वर्षीय योजनाओं से एक था पहले साथियों योजना आयोग एक शब्द था योजना आयोग अब इसका मोदी सरकार ने नाम बदल दिया नाम बताओ क्या है इसका योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया है यह सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से बताइए क्या नाम कर दिया चेंज करके इसका फिर आगे बढ़ेंगे इसको साथियों नीति आयोग कहा जाने लगा है क्या जाने लगा है इसका नाम चेंज कर दिया नीति आयोग हो गया है बिल्डिंग वही एम्प्लॉय वही सिर्फ नाम बदला है काम भी वही काम भी नहीं बदला है सिर्फ नाम बदला है और आप इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है तो पहले साथियों जब पंचवर्षीय योजना काम करती थी उस समय शिक्षा और मानव शक्ति पर बल दिया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था यहां पर क्या दिया गया था कि शिक्षा और मानव शक्ति पर बल दिया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो थी साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना अच्छा सुनो एक क्वेश्चन तो आपका आएगा पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग से एक क्वेश्चन आएगा भारत में जो शिक्षा पद्धति है जो भारत में शिक्षा के आयोग बने हैं चाहे वो मैकाले नीति हो चाहे वो मुदालियर आयोग हो ऐसे आयोगों से भी क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे इस चीज का ध्यान रहे मैंने जब आपको अभी मैं आपको ये पढ़ाया नहीं है मैंने फुल कॉन्सेप्ट जब आप ये वीडियो अगर बाद में देख रहे होंगे तो मैंने पढ़ा चुका होंगे बैच अर्जुना में मैं फुल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम वो तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों की डिमांड थी ऑब्जेक्टिव नहीं तो मैं आपको पूरा आयोग पढ़ा रहा होता कि किस प्रकार से मैं काले की के काले कारनामे डिस्पैच वे वु डिस्पैच वे वो सारी ट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाई थी चलिए अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की बात कर रहा था मैं भारत की आयोग की रिपोर्ट से शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास संबंधित है आप इसका आंसर दीजिए ध्यान से ढंग से आंसर दो इसका बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथ ही हुए इसमें सिर्फ एक घटक नहीं आता है इसमें बहुत सारे घटक आते हैं पॉलिटी को इसमें पूछा जाता है पॉलिटी के अनुच्छेद पूछे जाते हैं पूरे ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को सारे विद्यालय परिसर पूछे जाते हैं कौन कौन से विद्यालय परिसर यह साथियों कोठारी आयोग क्या है साथियों कोठारी आयोग लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं ताकि आप आयोग को कभी भूले ना एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं चलिए वैसे फुल कॉन्सेप्ट की क्लास में समझाता मैं आपको ट्रिक लेकिन मैं आपको ट्रिक अभी यहां पर समझा देता हूं जो सबसे पहले शिक्षा जो सुधार आयोग आया था ना वो था मैकाले काले का आयो मैकाले काले मै काले लेकर आया था सबसे क्या है मैकाले काले मैं काले के काले कारनामे सबसे पहले कौन था मै काले मै काले में आपको काला शब्द सुनाई दे रहा होगा काला ट्रिक मना रहा हूं मै काले में काले ने क्या किया था जो भी शिक्षा पद्धति लेकर आया था ना मै काले में काले में उन्होंने जो ब्रिटेन या पश्चिम का जो साहित्य है पश्चिम की जो शिक्षा नीति है उसको यहां पर पूरी तरीके से ठूसने का प्रयास किया यानी कि हम सब एक तरीके से पूरी तरीके से पाश्चात चीजों को मान रहे थे यानी मै काले के काले कारनामे थे क्या थे मेका लेके काले कारनामे थे तो मेका लेके बाद में कौन आया था वुड डिस्पैच ध्यान रखो क्या आया था वुड इसके बाद में क्या हुआ था वुड डिस्पैच हो गया आप तो ये देखो कि कोई नायक था कोई नायिका थी ध्यान संजिए कमौन गाई इधर देखिए कोई नायक था कोई नायिका थी इसने क्या किया एक लेटर भेजा पत्र ये एक पत्र था ये क्या था मैं का लेन एक पत्र भेजा वुड डिस्पैच और वो जो वुड डिस्पैच है साथी हो वो क्या हो गया हंटर आयोग को मिल गया क्या था आगे आ गया था हंटर आयोग हंटर आयोग अब एक बात बताओ कि पहले के टाइम पर नाई का के घर पत्र भेजने का काम कैसे हुआ करता था कि भाई ये पांच रुपए ले ले किसी को भेज देते थे कि चलो फलाने दीदी को देकर आ जा है ना अरे 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 होता है सुना होगा किस्सों में कहानियों में क्या होता है कि मान लो आपने गलती से पहले खत भेज दिया किसी के घर तो सबसे पहले तो मैं काले आ गया हमारा मैं सबसे पहले और स्पष्ट लिख दू इसको सबसे पहले मैं काले तो भाई साहब मैं काले के थे काले कारनामे मैकाले ने क्या किया एक पत्र भेजा वुड डिस्पैच एक पत्र भेजा अब वो पत्र क्या मिल गया नायिका के पिताजी को मिल गया नायिका का पिताजी अमरीश्री टॉय पकड़ कर बैठ गया तो क्या कि हंटर आयोग अब एक बात बताओ कि जब नायिका के पिता या भाई को पत्र मिल जाएगा तो हंटर पड़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कुटाई होगी कि नहीं होगी मजबूत फिल्मों में नहीं देखते पुरानी फिल्मों में जैसे ही नायिका के पिता को पता लगता है नायक के घर गुंडे भेज देता था हंटर मारने के लिए होता था कि नहीं होता था याद करो देखो हम लंबे समय तक किसी चीज को कैसे याद कर सकते हैं हम याद तब कर सकते हैं जब हम अपने निजी जीवन से उसको जोड़कर देखें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से हम लिंक करके देखें ऐसी ट्रिक बनाएं जो हमको लंबे समय तक याद रखे तो पूरी कहानी समझाने वाला हूं ताकि आप पूरे आयोग समझ जाओ सबसे पहले मैं काले के काले कारनामे थे उसने क्या ये पत्र जारी किया पत्र मिल गया हंटर आयोग को हंटर को मिल गया पत्र मिल गया साथियों हंटर आयोग को मिल गया अब एक बात पता ये नायिका थी पत्र भेज दिया नायिका के पिता को पता लग गया अब नायिका का पिता कॉलेज पढ़ने भेज देगा लड़की को क्या भेज देगा कि भाई अब यहां पार नहीं पड़ेगी इसको दूर भेज दो ऐसा होता था कि नहीं होता था फिल्मों में कि जैसे ही नायिका के पिता को पता लगता कि उसको भाई भेज दो अब तो यहां से छोरी पढ़ने वाले नहीं है तो यहां से आगे क्या भेज दिया उसको कॉलेज भेज दिया तो यहां आगे हमने बना विश्वविद्यालय आयोग फिर यहां हमारा कौन सा बना विश्व विद्यालय आयोग यहां बना साथियों हमारा विश्वविद्यालय आयोग एक नायिका की कहानी याद रखो सबसे पहले मैकाले की दोस्ती मैकाले के काले कारनामे उसने पत्र भेज दिया पत्र मिल गया पिता को हंटर लेके पीछे पड़ गया जैसे ही पिता को पत्र मिला उसने लड़की को कहा भेज दिया विश्वविद्यालय आयोग यानी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया क्या भेज दिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया अब एक बात समझो विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद अब कोई कुछ कह तो देख सैंडल मारने लग गई है इसके बाद में क्या आ गया नाई का पेनने लग गई सैंडल तो क्या हो गया सेडलर आयोग इधर देखिए नाई का पहनने लग गई सेडलर आयोग आ गया यहां पर क्या आ गया सेडलर आयोग ऐसे में याद करा दूंगा आपको पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्लास है हमारी लेकिन जब मैं आपको पूरा हायर एजुकेशन पढ़ाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा ये मेरी गारंटी है तो क्या है कि नाई का यहां पर सैंडल पहनने लग गई लड़की और यह क्या आ गया यहां पर आ गया हमारा सेडलर आयोग क्या आ गया हमारा सेडलर आयोग आ गया हमारा यहां पर सेडलर आयोग आ गया अब एक किसी को कॉलेज में कोई लड़की को छेड़कर तो बता सैंडल निकाल लेगी कुटाई करने के लिए क्या कि निकाल लेगी सैंडल निकाल लेगी कुटाई करने के लिए या अपने आशिक से हंटर मरवा देगी तो यहां पर क्या था साथियों सेडलर आयोग इसके बाद में एक समिति बनी उसका नाम था हरटोंग समिति अब एक बात बताओ पूरी कहानी फिर से समझो पूरी कहानी समझने का फिर से प्रयास करो सबसे पहले मैकाले के कार्यकारना में उसने एक पत्र भेजा पत्र मिल गया उसके पिता को हंटर देने लग गया हंटर आयोग बन गया लड़की को भेज दिया विश्वविद्यालय लड़की को किसी ने कॉलेज में छेड़ दिया उसने सैंडल निकालकर किसी की पिटाई कर दी अब इसके ऊपर एक समिति बन गई कॉलेज में क्या समिति बन गई इसके ऊपर हरटोंग समिति समिति बना दी कि कौन सी समिति बना दी हारटोंग समिति यहां पर साथियों बना दी क्या बना दी हारटोंग हारटोंग समिति यहां पर बना दी गई भाई लड़की ने सैंडल से किसी को पीट दिया कॉलेज में शिकायत होगी तो इसकी क्या साथियों समय ये क्या बन गई यहां पर हारटोंग यहां पर समिति बन गई और उसके बाद में ये डिसाइड किया कि यहां पर इसके साथ कोई लय रहेगा उसको कहते हैं सार्जेंट सार्जेंट आयोग मजा आया क्या सारे एक लिंक बनता हुआ दिखाई दिया आपको सबसे पहले मैकाले के कार्यकारना में फिर पत्र को डिस्पैच कर दिया फिर हंटर पढ़ गए फिर विश्वविद्यालय भेज दिया लड़की को पढ़ने के लिए लड़की यहां बाद में यहां पर सैंडल निकाल लिया उसने सैडलर आयोग में हरटोंग समिति हो गई और सार्जेंट आयोग हो गया ये क्रम है पूरे भारत वर्ष के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मैं जब आपको हायर एजुकेशन सिखाऊंगा ना तो पूरी रील आपके दिमाग में बैठा दूंगा आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें आया इसी तरीके से कई सारे आयोग और थे सार्वजनिक आयोग बने उसके बाद में भाई साहब दूसरा आयोग बना राधा कृष्णन आयोग बन गया था यहां पर और उसके बाद में फिर आया मुदालियर आयोग ये बहुत ज्यादा मुदालियर आयोग मुदालियर आयोग यहां पर साथियों मुदालियर आयोग आया और कोठारी आयोग आया कई सारे आयोग आगे आगे बनते जाएंगे पूरी स्टोरी किस दिन और दिन सुनाऊंगा क्योंकि इससे लंबा हो जाएगा बट इतना समझ आया इतना समझ आया ऐसे लिंक बनाओ आप यार देखो ज्यादा दिन तक चीजें याद रखनी है तो अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में से लिंक बनाने की कोशिश करो तुरंत आप समझ आ जा जाएगा देखिए ये आ गया मैं काले के काले कारनामे थे पत्र भेज दिया लड़की को वुड डिस्पैच पत्र भेज दिया डिस्पैच कर दिया वो मिल गया उसके पिता को हंटर लेके पीछे पड़ गया हंटर लेके पीछे पड़ गया कि आजा कूटने चला गया नायक को उसने भाई नायक भाग गया उसने छोरी को बाहर विदेश पढ़ने भेज दिया विश्वविद्यालय आयोग बन गया कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर कि या नहीं पढ़ेगी अब बाहर जाएगी अब मां क्या लड़की बड़ी हो गई सैंडल पहनने लग गई उसने किसी को सैंडल मार दिया सैडलर आयोग हो गया सैडलर आयोग हो गया तो कॉलेज में समिति बन गई हर टॉन्ग समिति बन गई सार्जेंट आयोग हो गया उसके बाद में आयोग आयोग को जो हम आज 2020 यानी 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी, थी तब तक की पूरी राम कहानी मुझे पता है इस लड़की को बच्चे भी हो जाते हैं आगे पूरा विवाह करवा रखा है मैंने इसका पर पूरी ट्रिक आप समझ जाओगे मजा कि नहीं आया ट्रिक से क्या इस ट्रिक से मजा आया कि नहीं आया, आया आपको बताइए मजा आ गया सीख गए इसको ये क्रम भी पूछ लिया जाता है मैकाले मैकालिक में वो डिस्पैच हंटर आयोग विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग हरटोंग आयोग और सार्जेंट आयोग और मुदाली आयोग अब बताओ समिति सीखे सीखे ना आप इसको अब छठे का आंसर दो चलो मजा आया इस तरीके सिखा दूंगा आप चिंता करो मेरी गारंटी है ये साथियों कोठारी आयोग की बात क्या है ये है कोठारी आयोग की बात सही आंसर क्या है कोठारी आयोग कोठारी चलिए बताइए अपने दिल की बात मजा आ गया बच्चों के नाम भी आगे आगे वो तो पूरी ट्रिक समझाई नहीं मैंने क्योंकि मैं आज एमसी क्यूज करवा रहा हूं फिर एक ही क्वेश्चन में समय लग जाएगा ना इसलिए मैंने समझा ही नहीं बच्चे तो दो तक तो बच्चे भी हो गए हैं पूरा 2020 तक तो बच्चे भी हो गए हैं उसको और सारी ट्रिक ऐसी सेट कर रखे पूछो मत चलिए कौन सी भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान हटाया ये साथियों जो मैंने आपको समझाया ना इन्हीं के अंदर है चीजें ऐसी कौन सी थी जिसमें पलायन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर चले जाना जैसे आप नेट जे की तैयारी कर रहे हो पर आपको लग रहा है कि यार नेट जे की तैयारी मुझसे नहीं होगी आप नेट जे की तैयारी करना आपने छोड़ दिया इसको पलायन कहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए बताइए सातवें का आंसर दो इसे भारतीय शिक्षा आयोग ने इस चीज पर ध्यान दिया और इसका सही आंसर है एक आयोग से क्वेश्चन आएगा मैंने क्या कहा आपसे एक क्वेश्चन आयोग से आएगा मैं लिखकर कलम तोड़ सकता हूं गारंटी है मेरी गारंटी एक क्वेश्चन आयोग से पूछा जाएगा हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन आयोग से पूछा ही पूछा जाएगा इस चीज का विशेष ध्यान रखें आयोग से हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाए ओके अगला देखिए साथ विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय बात है सहयोग और समन्वय की फंड की नहीं है फंड अलग चीज होता है सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान रूप क्या है आठवें का आंसर तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें आप इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सही आंसर है ए आई यू यूजीसी नहीं है यूजीसी का काम है फंड देने का सामंजस्य बिठाने का काम इसका है ए का इसलिए हर सवाल का जवाब यूजीसी नहीं होता है यूजीसी का काम है पैसे देना सामंजस्य बिठाने का या सहयोग करने का काम है ए का वाह क्या क्वेश्चन है मजा आ जाएगा आप सुन रहे हो विविध भारती कितने लोग पहले विविध भारती सुना करते थे आप में से कितने लोग पहले विविध भारती सुना करते थे रेनबो एफएम रेनबो विविध भारती पटेल जी कह रहे हैं कि मेरा नाम बोल दीजिए हाय पटेल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आंसर दे दीजिए दस नंबर का सही आंसर है साथियों ये ये केवल तीन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है नहीं है पर ध्यान आ रहा है और नहीं है कौन सा साथियों ये है एमओसी ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स ये है सही आंसर ये इसका सही आंसर आप सही वालों को ये गलत आंसर है सही वालों को तुम खुद पढ़ लो सही वालों को आप लोग खुद पढ़ लो अगला क्वेश्चन वाह 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 वा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया यूजीसी से क्वेश्चन आएगा देखो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा या उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं जहां जहां महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं वहीं वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं जैसे आयोग का क्वेश्चन उठा लिया और यूजीसी का क्वेश्चन उठा लिया है ना इस तरीके से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जगह से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे साथ हो यहां पर बी एन सी आर -E टी एन सी आर टी -E पाठ चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण कौन करता है एनसीईआरटी -E करता है और आपको पता है हाल ही में कुछ पाठ हटाए हैं इतिहास में फेरबदल किया है तो आप देखो कितना ज्यादा विवादित हुआ था मामला कितना ज्यादा विवादित हुआ था मामला अभी थोड़े दिन पहले एनसीईआरटी -E को लेकर कुछ यहां पर चैप्टर थे हटा दिए गए थे और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़े गए थे उसको लेकर है ना कुछ लोगों ने कहा था कि इतिहास के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है तो अपना एक राग है अरे वाह ये आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन है कि आप कितना समझते हो समझ पर आधारित क्वेश्चन है बताइए के शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है सिक्सटीन का सही आंसर देना है अधिगम में तनाव को न्यून करना भावी गजन के लिए सशक्त बनाना ना स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना या समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ये चीजें ज्यादा सही क्वेश्चन नंबर एक जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है वाह भाई वाह अरे वाह 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 क्या इतना प्यारा क्वेश्चन है ये ये वेरी मोस्ट लिख लो इसके सामने कितना प्यारा क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था चलो थोड़ी देर पहले करवाया है समझ जाओ कोठारी आयोग थोड़ी देर पहले करवाया था कोठारी आयोग है ये थोड़ी देर पहले करवाया था कोठारी आयोग वाह भाई वाह उन्नत भारत अभियान का देखो अब सुनो मैं एक बात बता दूं ये उन्नत भारत अभियान नहीं आएगा एग्जाम में नहीं आएगा इधर देखिए ये नहीं आएगा लेकिन 2022 और 2023-2024 इनमें कौन कौन सी योजना लागू की है भारत सरकार ने वो पूछी जाएंगी मैं माफ करना बाईस हटा देते हैं बाईस हटा देते हैं बाईस दो हजार और दो हजार चौबीस अब करंट में कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं या क्या लेकर आए हैं वो पूछा जाएगा ये सवाल मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हर बार एक योजना का सवाल पूछा जाता है कि करंट में कौन सी योजना चल रही है उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य क्या है इसी तरीके से अब साथियों जैसे गैस सिलेंडर के लिए कई योजना चल रही है कौन कौन सी योजना चल रही है आपको कौन सी योजना का पता है भारत सरकार की कौन सी योजना चल रही है आपको कोई योजना का पता है भारत सरकार की कोई योजना चल रही है तो वर्तमान में बताओ नाम लिख के बताइए बताइए एक साथ उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना चल रही है ना तो पूछा जा सकता है कि उज्जवला योजना है उसका उद्देश्य क्या है उज्जवला योजना का और कोई योजना बताइए उज्ज्वला के अलावा उज्जवला के अलावा और कोई नाम बताइए मेरा कहने का मतलब इस तरीके के सवाल आ सकते हैं अब ओके okay. तो उज्जवला का मतलब हम समझ गए हैं कि उज्जवला योजना क्या है लाइट आत्मन बहुत कम जला रखी है भारत के उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम पांच गांवों के साथ जोड़ना यह सवाल नहीं आएगा लेकिन इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा जैसे उज्ज्वल योजना का सवाल पूछ लिया हो स्वयं क्या है ये बहुत मोस्ट चीज है वैसा ये पूछा जा सकता है मोस्ट लिख लो इसका आगे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में स्वयं क्या है बताइए स्वयं क्या है थोड़ा सोच समझ कर आंसर दो कमेंट में आप लोगों को देख रहा हूं चिंता ना करें सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सही आंसर है साथियों डिजिटल शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम बी इसका सही आंसर है क्या आंसर है बी और मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे रखा है सबसे बड़ी बात तो क्या इसको आप पढ़ो इसको है ना इसको क्या है एक तो फुल फॉर्म के रूप में पढ़ो जैसे कुछ लोग कह रहे ना ए आई यू ए आई यू का फुल फॉर्म क्या है ये रहा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर ए आई यू का मतलब क्या होता है ए आई यू ए आई यू का फुल फॉर्म है ये यूजीसी का फुल फॉर्म है ये क्या है एनसीईआरटी टी e, का है एन माफ करते हो एनसी एन सी टी आई ये इसका एक बार तो फुल फॉर्म भी याद कर लो इसके साथ के साथ इनके साथ साथ फुल फॉर्म याद कर लो भारत में शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधियां या गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवीण का कौन सा संगठन करता है ध्यान से करो ध्यान से करे ध्यान से मैक्सिमम लोगों का सही आंसर है और वो ऐसा साथियों हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एन अब एक बार पढ़ लो इनको सारे फुल फॉर्म पढ़ लीजिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एआईयू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांट का मतलब होता है पैसा यूजीसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीआर टी ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है आइए अगला क्वेश्चन बाईस किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस निकाय या इकाई को सर्वाधिक सर्वाधिक कार्य करना होता है चलिए ध्यान से क्वेश्चन कीजिए अनाया कह रही है बफरिंग है नहीं अनाया बफरिंग नहीं है बेटा सही चल रहा है सही आंसर है प्रबंधन बोर्ड क्या है प्रबंधन बोर्ड प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको मैनेजमेंट कहते हैं अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ध्यान से करिए यार मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम के मतलब जब क्लास ले जब क्लास बहुत आधे घंटे की या पौन घंटे की हो जाती है तब तो इतनी सारी संख्या में क्यों आते हो पर मैंने आज एक बार भी आपसे वीडियो लाइक करने की नहीं ले बोलिए एक बार भी मैं देखना चाह रहा था कि मेरे बिना कहे हुए ही प्यार से सम्मान से कितने लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं यह मैं देखना चाह रहा था और मैंने एक बार भी आपको वीडियो लाइक करने के लिए आज नहीं बोला है इस क्वेश्चन के बाद देखूंगा कि कितने हो गए सही आंसर है साथियों सी वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण जो आप लोगों ने सब लोगों ने दिया है इग्नू का एक क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ो इग्नू वाले को मैं आप कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों का अब मैं आपके लाइक देख लेता हूं, कितने लोगों ने लाइक कर दिया है वीडियो ज्यादा लोगों ने नहीं किया यार इतने सारे लोग देख रहे हैं इतने लोगों ने नहीं किया अभी तक हाँ कुछ भी तो होते हैं ओके okay. कमेंट पढ़ लिए हैं आंसर दो इसको ढंग से पढ़कर मैं साइड हो जाता हूं चलो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय इग्नो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दिए गए कूट में अपना दे इग्नो आई जी एनओय आपको पता है मुक्त विश्वविद्यालय किसे कहते हैं मुख्य विश्वविद्यालय वो होती हैं देखो तीन चार प्रकार की शिक्षा होती है एक होती है औपचारिक शिक्षा एक होती है अनौपचारिक शिक्षा उसी में से यह भाग बना हुआ है अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है यह तीसरे नंबर की शिक्षा है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको यह क्या है साथ एक संगठन है जो आपको घर बैठे ही मतलब आपको कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होता ही और आप एग्जाम दे सकते हो और अपनी डिग्री तो प्राप्त कर सकते हो तो सही आंसर क्या है ये एक स्वायत्त संगठन है बिल्कुल सही बात है ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है तो ये ही सही इसके सही आंसर है यानी एक यहां पर बिल्कुल सही आंसर है बाकी का नहीं है विश्वविद्यालय स्त्रीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए यानी पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए जब जा सिलेबस के अनुमोदन के लिए औपचारिक अधिकारी कौन है यानी जो सिलेबस में थोड़ा अनुमोदन कर सकता है थोड़ा बदलाव कर सकता है ये व्यक्ति कौन है यह ऐसा तो हो अकेडमिक क्या है यह अकेडमिक काउंसिल अकेडमिक काउंसिल अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ढंग से पढ़िए तीसवें नंबर का देखिए बड़ी संख्या में लोग क्लास देख रहे हैं डेली आया करो रात को नौ बजे क्लास होती है भाई तुम डेली आया क्यों नहीं करते सामने से हट रहा हूं ठीक है यार मैं अभी तो पेपर वन की क्लास ले रहा हूँ बार बार कह रहे हैं यहाँ पर आ, रीना मीना कह रही है कि सर आप जोग्राफिक क्लास ले लेवो क्या कोई हिस्ट्री कह रहा है कोई सोशोलॉजी कह रहा है यार अभी मैं पेपर वन की ही ले रहा हूँ यहाँ पर क्लास अभी पेपर वन की चल रही है क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया तो मैं इतना जल्दी कोई और चीज़ को लॉन्च भी नहीं कर सकता एक किसी एग्जाम को हो जाने देते हैं देन उसके बाद में सोचेंगे कि हम कोई नई क्लास लो शुरू करेंगे अभी तो पेपर वन ही चल रहा है उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा ढंग से आइए आंसर करते हैं पचपन परसेंट अंकों वाला एक स्नातकोत्तर एम ए उत्तीर्ण करने वाला छात्र पीएचडी में उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध करना चाहता है उसके लिए औपचारिक आवश्यकता क्या क्या होंगी नीचे दिए गए मतलब पचपन स्नातक उत्तर है ना उत्तर है तो हा ओके अब उसको क्या क्या करना होगा ये चीजें हमको देखने है, इसके ऑप्शन ये रहे भाई इसके सारे ऑप्शन ये रहे इसके ऑप्शन ये रहे ऑप्शन देकर आप दे लो आपको लग रहा होगा सर इसका ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए या किसी विश्वविद्यालय में नामांकन परीक्षा में बैठना या अपेरिंग एग्जाम देनी चाहिए है ना उसको कोचिंग संस्था में जाना चाहिए नहीं कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं है इसे एक विशेषज्ञ शिक्षक से शिक्षेषक से सलाह लेने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो उसको फॉर्म लगाओ तुम नामांकन भरोतम शोध के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर ये करेंगे ये करेंगे ये भी जरूरी है उसके लिए करना उसके बाद में एक सह सह पाठी समूह के साथ शोध प्रस्ताव पर चर्चा इसकी जरूरत नहीं है शोध के विषय विशे पर विशेषज्ञों की राय लेना विशेषज्ञों की राय लेना शोध के विषय सब पर नहीं ये भी जरूरत नहीं है विश्वविद्यालय के अंत के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना यह सही है एडमिशन लेने की बात हो रही है यहां पर आप ये मत कहना सर इनको आपने गलत क्यों कर दिया वैसे तो सही चीज है ये पर यहां पर क्या हो रही है यहां पर हमको पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है केवल ये पूछा है तो सबसे पहले तो हमको नामांकन कहीं की एग्जाम देनी पड़ेगी एडमिशन के लिए उसके बाद में हमको फॉर्म भरना पड़ेगा नामांकन परीक्षा में बैठना पड़ेगा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद में विश्वविद्यालय के संगत निकायों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर बात करनी पड़ेगी आठ अनिवार्य पाठ्यक्रम पर भाग लेना पड़ेगा नौ कई सारी चीजें हैं जब पीएचडी करोगे तो जानोगे कितने लोग पीएचडी करना चाहते हैं आप में से सच बता दो आप में से कितने लोग पीएचडी करना चाहते हैं ईमानदारी से देखो यह है कि दिल से कही हुई बात कई बार क्या दिल में जो बात रहती है ना उनको हम प्रकट कर देते हैं ना तो ऊपर वाला भी सुन लेता है कह दो कि कितने लोग पीएचडी करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में Ugc net नेट पेपर वन और अपना नाम लिखो डॉक्टर लगाकर कमेंट करो अब लिखने वाले भी और बाद में करने भी वाले भी यू जी सी नेट पेपर वन और अपना नाम के आगे डॉक्टर लगा के फिर लिख कर भेजो मुझे जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म देख रहे हैं वो भी अभी भी तब जानूंगा अब सुनेगा ईश्वर आप लोगों की ये देख रहा हूं आपका मोबाइल रख रखा है नीचे कमेंट देख रहा हूं इसमें मैं सोच रहा हूं मोबाइल को मैं यहां रखूं ताकि कमेंट देखने मुझे आसानी रहे नीचा को देखना पड़ता है कई बार अगला क्वेश्चन लिखें बहुत यार मेरा सबके लिए आशीर्वाद है मैं यकीन मानो आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा इस बार नेट के एग्जाम को फोड़ दो और फिर आपको मैं आपको पी एच डी वगैरह में सब में हेल्प कर लूंगा इस बार एग्जाम को फोड़ दो तो। <coughs> भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू वगैरह जो इग्नू को इग्नू मुक्त इग्नू है कोटा यूनिवर्सिटी है ये महावीर यूनिवर्सिटी है ये ओपन यूनिवर्सिटीज है राइट तो पहला कौन सा था ये, ये पूछ रहा है आपसे भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, हैदराबाद ये सबसे पहली विश्वविद्यालय है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, हैदराबाद राइट आंसर वर्ष उन्नीस सौ में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्सरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया ये बहुत तगड़ा वाला मोस्ट है पूछ रहा है आपसे सबको पता होना चाहिए साथियों कोठारी आयोग से पहले था राधा कृष्णन आयोग क्या था साथियों राधा कृष्णन आयोग था राधा कृष्णन आयोग इन्होंने की थी भारत विश्वविद्यालय की पुनर्सं विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना जो सेकंड भी माना जाता है तो क्या था साथ साला किसकी पहल है तो चलिए मैंने देखा ही नहीं वो वा वायरलेस माइक बंद हो गया और मैंने देखा नहीं थर्टी फोर एन सीईआर की पहल है ये क्या है साथियों एनसीआर टी की पहल है ई पार्ट साला मुदालियर आयोग की माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी मुदालियर आयोग कब आया था आप तो ये बता दो केवल मुदालियर आयोग कब आया था अब मैं आपको सारे आयोगों के बारे में बता देता हूं कि कौन सा आया होगा कब आया था ताकि आपको और अच्छी तरीके से याद आ जाए मुदालियर आयोग कब आया था उन्नीस में मुदाले आयोग कब आया था साथियों उन्नीस में आया था वैसे मैं क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूं कि लेकिन मैं काले का आयोग कब आया था मैं काले एक ही नंबर चलो मैं काले सबसे पहले मैं काले लिखते जाओ मैं काले सबसे पहले मैं काले आया था साथियों मैकाले कब आया था 1835 में सबसे पहले मैं काले के काले काले कारनामे थे 1835 फिर आपको बताया मै काले ने एक वो किया था वुड डिस्पैच क्या किया था वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड ने किया था वुड डिस्पैच वुड का डिस्पैच ये कब आया था साथियों वुड डिस्पैच आया था अट्ठारह सो चौवन में अठारह सो चौवन में यह मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा मैकाले के काले, काले कारनामे वुड डिस्पैच हंटर आयोग हंटर आयोग स्टोरी तो याद है आपको लड़की के पिता को पत्र मिल गया लड़की के पिता ने कुटाई कर दी अट्ठारह सो बावन अट्ठारह सो बयासी अंटर आयोग के बाद में लड़की को कहां भेज दिया विश्वविद्यालय आयोग में भेज दिया था कहां भेज दिया विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग कब गए साथियों 1902 उन्नीस सौ दो का विश्वविद्यालय आयोग के बाद में क्या है सार्जेंट आयोग और कई सारे आयोग और आए लेकिन आप और जो इंडिया के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है वो है साथियों राधा कृष्णन आयोग क्या है राधा कृष्णन आयोग था 1948 में और मुदालियर आयोग उन्नीस में मुदालियर उन्नीस लिख लो मुदालियर आयोग आया था साथियों उन्नीस में उसके बाद में कोठारी आयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उन्नीस कोठारी आयोग वैसे इसके बीच में एक और आ गया लेकिन मैं कोठारी डायरेक्ट लिखा रहा हूं कोठारी आयोग उन्नीस बहुत मोस्ट है मुदालियर और कोठारी आयोग अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ओके okay. ये दो महत्वपूर्ण है और अभी एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 में आई थी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी 2020 वाली को याद कर लो आप तो इनको ध्यान रखना मुदालेर आयोग उन्नीस सौ बावन कोठारी आयोग उन्नीस सौ चौसठ मैकाले उन्नीस अठारह सौ तो पैंतीस वुड का डिस्पैच अट्ठारह सौ चौवन हंटर आयोग बयासी और विश्वविद्यालय आयोग उन्नीस सौ दो ये मोस्ट मोस्ट मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं तो ओके तो 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 इस तरीके से मैंने आपको हायर एजुकेशन में से वो वो बिंदु करवा दिए हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे टॉपिक है क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों कैलेंडर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आप में से कितने लोगों ने कैलेंडर कभी पढ़ा है तो साथियों कैलेंडर आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है एक बार मुझे सब लोग बतला दीजिए और फिर शुरू करते हैं हम लोग तो मैं शुरुआत करूंगा बहुत जीरो से शुरुआत करूंगा और जीरो से लेकर हम ऐसे हाई तक पहुंचने वाले हैं तो बिल्कुल बेसिक से मैं कैलेंडर की शुरुआत कर रहा हूं आप मुझे बताओ कि एक महीने में मंथ में लिख दो मंथ में कितने दिन होते हैं आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ क्योंकि अगर आप इस चीज को जानते हो तो कैलेंडर को आप 30 परसेंट जान जाओगे आप बताओ कि एक महीने में कितने दिन होते हैं सिर्फ इतना सा सवाल आपसे मैंने किया है इस क्लास को जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी और इस क्लास को लाइव देख रहे हैं वो भी मैं बाद में सब वीडियोज के कॉमेंट्स पढ़ता हूं इसलिए आपको जवाब देना है यहां पर बहुत सारे लोगों के जवाब आए हैं यहां पर मैं आपको दे देता हूं आरती शर्मा कह रही है तीस और इकतीस श्वेता कह रही है तीस इकतीस प्रियांशु कह रही है अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस प्रज्ञा कह रही है तीस इकतीस वर्षा कह रही है तीस दिन पूजा कह रही है अट्ठाईस दिन और तनिष कह रही है कि अटतीस दिन आप में से सब लोग यहां पर गलत हैं आप लोग कुछ लोगों को छोड़कर सारे लोग गलत हैं और यही कारण है आप कैलेंडर को नहीं जानते अब आप कहोगे गुरु जी हमने तो तीस बता दिया इकतीस बता दिया गलत कहां है हर महीना तीस इकतीस का होता है आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो आप सारे लोग यहां पर गलत हो देखो एक सप्ताह होता है सात दिन का क्या होता है सप्ताह होता है इस चीज को जानते हो नोट करते चलो मेरी क्लास की खासियत है कि मैं बेसिक से पढ़ाता हूं कि जीवन में जिसने कभी भी मैथ रीजनिंग ना पढ़ी हो उसको मैं गारंटीड दावे के साथ मैथ रीजनिंग सिखा सकता हूं तो एक एक चीज को नोट करते चलिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए सात दिन होते हैं एक सप्ताह में पंद्रह दिन होते हैं एक पखवाड़े में पखवाड़े में कितने दिन होते हैं सात दिन होते हैं और साथियों सप्ताह बराबर क्या होता है एक माह यानी कि एक माह में 28 दिन होते हैं आपने कभी देखा है कि जियो का जब आप रिचार्ज कराते हो तो उसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है कभी आपने सोचा है कि अट्ठाईस दिन की वैलिडिटी क्यों रहती है जबकि वो एक महीने का चैलेंज करते हैं 28 दिन की वैलिडिटी इसलिए होती है क्योंकि एक महीनों में जो दिनों की संख्या होती है वो 28 होती है ना कि उनतीस ना कि तीस ना कि इकतीस आज से अगर आपसे कोई पूछे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं तो एक महीने में 28 दिन होते हैं 28 दिन से छोटा कोई महीना नहीं हो सकता एक महीना अट्ठाईस दिन से होता है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी फरवरी दिसंबर तो इकतीस तारीख का होता है जनवरी तो तीस तारीख की होती है आ रहा है आ रहा है आ रहा है वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस सवाल इस क्लास में दे दूंगा देखो क्या होता है कुछ मंत्र ना अतिरिक्त होते हैं जैसे अट्ठाईस दिन का एक महीना है और मान लो किसी दिन किसी मंथ में इकतीस जैसे मान लो दिसंबर जो होता है वो इकतीस दिन का होता है तो यहां पर क्या होता है अट्ठाईस दिन हुए हैं यहां पर 28 दिन है एक महीने प्लस अतिरिक्त दिन है उनतीस तीस इकतीस यानी तीन दिन है ना वो अतिरिक्त है इस महीने में क्या है ये तीन दिन है साथियों वो अतिरिक्त है बस धीरे धीरे इन इनको हम कैलेंडर समझते हुए आगे कंप्लीट करते जाएंगे बस आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है अभी आप इतना समझो सात दिन का सप्ताह होता है 15 दिन का पखवाड़ा होता है और 28 दिन का क्या होता है महा होता है ये तीन चीज याद कर लो 7 दिन का सप्ताह 15 दिन का पखवाड़ा 28 दिन का महा बस इतनी चीज याद कर लो आगे चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगा और याद दिला दूं अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो अपने ऊपर थोड़ी बहुत शर्म करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी मजा आए कि यार हां मेरे जो दोस्त हैं बिल्कुल उनके लिए मुझे रेगुलर क्लास लेनी है अच्छा जब भी हम साथियों क्या करते हैं पर देख लेता हूं हाँ मैं आपके कमेंट देख रहा हूं नीचे जब भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे सामने दो चीजें आती हैं कितने लोगों ने लीप वर्ष का नाम सुना है आप लोगों ने कितने लोगों ने लीप वर्ष का नाम सुना है एक होती है लीप वर्ष और एक होती है सामान्य वर्ष आप लोगों ने कितने लोगों ने लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का नाम सुना है लीप और अंग्रेजी में लिख देता हूं लीप कहते हैं ए पी लीप वर्ष लीप ईयर सब लोगों ने सुना होगा लीप ईयर लीप ईयर में कुछ नहीं होता है ईयर में एक दिन ज्यादा होता है बस लीप ईयर में क्या होता है एक दिन ज्यादा होता है जैसे सामान्य वर्ष में जो फरवरी माह है वो अट्ठाईस दिन का होता है लीप ईयर में उनतीस दिन का होता है बस यानी कि यहां पर साथियों तीन दिन का माह होता ईयर होती है और यहां पर तीन दिन का बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है अब हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीप वर्ष क्या है और सामान वर्ष क्या है चलिए अब देखो कई सारे नियम है लीप वर्ष और सामान वर्ष को समझने का और जानने का अभी मैं क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ सामान डिटेल आपको बता देता हूं कि लीप वर्ष का कैसे पता करेंगे और सामान वर्ष का कैसे पता पता करेंगे एक होता है साथियों एक सवाल मैं आपको सबसे पहले एक बार दे देता हूं कोई सवाल बता दो छोटा सा जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे हां अब बताए इनमें से साधारण वर्ष कौन सा है फिर मैं आपको लीप वर्ष समझा दूंगा पहले ये बताओ इनमें से सामान्य या साधारण वर्ष कौन सा है फिर हम आगे लीप वर्ष की तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग इंटेलिजेंट लोगों की हमको जरूरत भी नहीं है इस क्लास को जितने भी इंटेलिजेंट लोग देख रहे हैं वो जा सकते हैं क्लास से मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो जीरो से हीरो बन सके जिनको कुछ भी नहीं आता मैं उनको सब कुछ सिखा दूंगा बस वो लोग चाहिए इंटेलिजेंट लोग जा सकते हैं क्लास से उनको अपन रोकेंगे भी नहीं जो अपने को शाणा समझते हैं यहां पर साथियों सही आंसर ए है तो अब हमारे सामने दिक्कत आ गई है लीप वर्ष होता क्या है लीप वर्ष क्या होता है एक चीज सामान्य वर्ष क्या होता है दोनों चीजों को हम बराबर से समझने का प्रयास करेंगे ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे पहली बात इसमें फरवरी माह 29 डेज का होता है 29 दिन का होता है इसमें होता है 28 दिन का ठीक जितने भी वर्ष हैं उसमें अब चार का भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष होगा लिखो बिंदु नंबर दो चार या चार सौ का पूरा भाग जाता हो उदाहरण समझा दूंगा लीप वर्ष कहलाते हैं जैसे यहां पर साथियों 2008 में चार का पूरा भाग जा रहा है 2004 में पूरा भाग जा रहा है और 2000 में यहां पर पूरा भाग जा रहा है यानी हर चार साल के बाद में लीप ईयर ईयर आता आता है। हर चार साल के बाद में लीप है और जिस संख्या में 400 या चार का भाग जाता हो अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर 400 और चार कैसे शताब्दी वर्ष में हम चार का भाग देंगे और सामान्य वर्ष में हम चार का भाग देंगे इतना आप मानकर चलिए अब जबकि इसमें इनका पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए और यहां पर ये साथियों हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा बस बेसिक चीज समझ गए आप लोग आपको बेसिक चीज समझ लग गई लीपियर की आइए अब हम क्वेश्चंस पर जंप कर जाते हैं और एक एक चीज को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं अब मैं आपको एक चीज और यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा प्रयास क्या है पहले क्वेश्चन करो और क्वेश्चन के साथ साथ ही बेसिक चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा बड़ा बेसिक सा सवाल है और बेसिक से आई की तरफ जाएंगे ये नियम होता है क्या है बताइए आंसर दीजिए आप लोग आंसर दीजिए इसमें यदि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा ऑप्शन नंबर एक सोमवार ऑप्शन नंबर बी मंगलवार ऑप्शन नंबर सी बुधवार ऑप्शन नंबर डी रविवार चलिए बताइए क्या आंसर आएगा कुछ लोग शुक्रवार कह रहे हैं कुछ लोग वेडनेसडे के कह रहे हैं गलत आप लोग मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बड़े नादान हो भी मतलब आपको नहीं आता मतलब आप बता रहे हो कि यार हमको नहीं आता सर कोई दिक्कत नहीं है अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है खुद को गिलानी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है या ध्यान रहे एक घंटे की क्लास में मेरा चैलेंज है कैलेंडर का कोई सवाल आप गलत नहीं करोगे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने किसी भी व्यक्ति ने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया है और इस सवाल का सही जवाब है मंगलवार क्या है इस सवाल का सही जवाब तो तो है मंगलवार नियम क्या कहता है नियम यह कहता है कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है लिखो 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 नोट लिखो कॉपी में नोट लिखो लिखो कॉपी में नोट लिखो सामान्य वर्ष का अंतिम दिन लिखो सामान्य वर्ष का अंतिम दिन और फर्स्ट दिन पहला ऐसा लिख सकते हो सामान वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है ऐसे लिखो कि सामान वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है जबकि लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन में एक जुड़ जाता है लिखते जाइए नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो भाई बना रहे हो नहीं बना रहे हो बना रहे हो लिख क्या लिखा हमने हमने ये लिखा है कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है जबकि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक जुड़ जाता है यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ठीक है आइए अगला यहां पर समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर देने का प्रयास करता हूं उदाहरण लिखिए एक एक चीज समझेंगे चिंता मत करो बेसिक से हम यहां पर एक एक चीज समझते जाएंगे एक जनवरी 2003 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा इसका सही आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है सही आंसर होगा रविवार नियम कहता है कि सामान्य यहां पर 2003 क्या है सामान्य वर्ष है क्योंकि 2003 में चार का पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसलिए क्या है साथियों सामान्य वर्ष है तो यहां पर क्या होगा रविवार हो गया एक उदाहरण और ताकि आपको यह वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आंसर यही आ रहा रविवार आ रहा है यहां पर ठीक है उदाहरण नंबर टू 2004 एक जनवरी 2004 को एक जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा आंसर आपको देना है बताइए सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार में से क्या आंसर होगा इसका सही आंसर है साथियों मंगलवार अब इस चीज को समझो मंगलवार क्यों हुआ है मंगलवार इसलिए हुआ है कि जो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं इसमें तीन दिन होते हैं यानी लीप वर्ष में जैसे 2004 क्या है लीप वर्ष दो हजार क्या लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जो फरवरी का माह होता है वो उन, दिन का होता है इसलिए इसमें एक दिन साथियों यहां पर बढ़ जाता है इसलिए इकतीस दिसंबर को मंगलवार होगा ना कि सोमवार क्या आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्या कभी गलत करोगे मुझे उम्मीद है आप गलत नहीं करोगे सब कुछ समझ लग गया साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको समझ लग गए हैं बताइए मुझे क्या आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ लग गए हैं इस प्रकार के जितना मैं समझाऊं उतना समझ लो ठीक है आगे एडवांस एडवांस मत जाओ जितना मैं समझाऊं उतना समझ लो और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अच्छे समझ आ गया नियम कहता है कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और सामान्य वर्ष का आखिरी दिन समान होता है नियम कहता है लीप वर्ष का प्रथम दिन और लीप वर्ष का आखिरी दिन में एक दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है दैट्स इट और कोई नियम देखने की आपको आवश्यकता नहीं है आपने एक प्रकार के क्वेश्चन यहां पर कर लिए यानी टाइप वन हमने सफलतापूर्वक सीख लिया है कितने लोगों ने वीडियो लाइक किया है एक बार मैं ये देख लेता हूं बेटा मेरे देखने से पहले जल्दी लाइक कर देना नहीं तो मैं बहुत भयंकर वाला गुस्सा हो जाऊंगा अगर पूरे लाइक नहीं मिले मुझे तो अरे यार इतने सारे लोग देख रहे हैं यार मतलब शर्म नहीं आती यार मतलब तुम लोगों को है भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो इतना ज्यादा है बस दे सकते हो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम जंप कर जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मैं वैसे नियमावली दे रहा हूं आपको ये सारे नियम होते हैं ये नियम नोट्स के रूप में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे ये सारे नियम टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इनको दे दूंगा ठीक अगला क्वेश्चन आपके लिए एक जनवरी उन्नीस को रविवार है तो एक जनवरी उन्नीस को कौन सा दिन होगा आपको आंसर देना है बड़ा मजे से आंसर दीजिए एक जनवरी उन्नीस को अगर रविवार था तो एक जनवरी उन्नीस को कौन सा दिन था बताइए हमको दे दिया एक जनवरी दो हजार उन्नीस सौ पिचानवे को रविवार है तो छियानवे को क्या है आप इसका आंसर दीजिए एक मिनट का समय लेकर प्यार से पढ़कर प्यार से आंसर आपको दे देना है देखो ऐसे क्वेश्चन करने में सबसे पहले हमको यह देखना है कि यहां पर वर्ष कौन सा है तो उन्नीस में क्या है एक सामान्य वर्ष क्या है सामान्य वर्ष यह चीज देख लेना ताकि आप गड़बड़ ना करें ठीक है बताओ करिए आप आगे सब लोगों ने आंसर दिया है सोमवार कितना अच्छा लग रहा है जानकर सबका सही आंसर अब बताओ मन में लड्डू फूट रहे हैं अच्छा लगा फूटने लगे थोड़े थोड़े से फूटने लगे लड्डू कि यार हमसे तो कैलेंडर कर देखो पुराने मैंने दो तीन क्वेश्चन करवाए आपसे एक भी नहीं आया और अब इस क्वेश्चन को सबने जवाब दे दिया सबने सही आंसर दिया है आने लगा मैथ एक ऐसा टॉपिक है ना मैथ को पढ़ने में ना जब आप मैथ सीख जाते हो ना तो सवाल को सॉल्व करने में मजा आता है सीरियसली मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूं मजा आने लगा लड्डू फूटे सच बताओ लड्डू फूट रहे हैं ना में मजा आ रहा है हा फूटे जो बाद में देख रहा हैं उनसे भी कह रहा हूं मन फूट रहे लड्डू अब सोमवार क्यों आया है देखो हमने ये हमने ये जान लिया कि सामान्य वर्ष का प्रथम और सामान वर्ष का अंतिम दिन तो समान होता है ये अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले तो ये तो अगले साल में गया तो एक दिन फिर जुड़ जाएगा देखो अभी हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि एक जनवरी एक जनवरी उन्नीस सौ पिचानवे इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ पिचानवे को तो एक ही दिन रहेगा रविवार तो यहां पर एक जनवरी छाणवे की बात हो रही एक प्लस हो जाएगा और सोमवार हो गया अब सुनो मेरी बात नियम नंबर दो लिखो कॉपी में वैसे मैं नियम नियम लिखवाने में विश्वास नहीं रखता हूं लेकिन फिर भी आपको याददाश्त रहेगा नियम नहीं है ट्रिक लिखो आपको लल्लन टॉप ट्रिक लिखो सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में जाने पर एक दिन प्लस हो जाता है। इतना याद रखो सामान्य वर्ष से जैसे उन्नीस सौ में सामान्य वर्ष है उन्नीस सौ छान में भी सामान्य वर्ष है सामान्य वर्ष से जाने पर एक दिन प्लस हो जाता है खत्म टाइप नंबर टू दो प्रकार के क्वेश्चन आप सीख चुके हो और आपको पता भी नहीं लगा कि दो प्रकार के क्वेश्चन आपने सीख ले आया मजा मजा आया देखो मैं एक बात कहता हूं मैं खुद कई बार नेट जार एफ क्वालिफाई हूं आपको पता ही है देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया है यह भी आपको पता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का पढ़ाने का लंबा अनुभव है यह भी आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर मैं पहले कभी पढ़ाता नहीं था केवल आपको हायर एजुकेशन के लिए गाइड करता था क्योंकि मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव रहता है हमेशा लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों को पढ़ाया जाए ताकि एक बेहतर तरीके से मैथ रीजनिंग सिखाई जाए क्योंकि मैं अक्सर यह देखता था कि कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स की मैथ रीजनिंग और ये बहुत ज्यादा कमजोर है और जितने भी लोग YouTube पर पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों का कोई धनी नहीं है कहीं पर भी खासकर नेट कैटेगरी में अधिकतर लोग जहां भी पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक क्लास लेकर देखता हूं और जैसे ही मैंने पहली क्लास ली आप लोगों का इतना तगड़ा प्रेम मिला कि आप लोग मेरे क्लास बनाने से पहले ही क्लास को शेयर कर देते हो आकर पहले लाइक कमेंट्स करके चले जाते हो बड़ा मजा आता है वो दोस्ती का रिश्ता फिर हमारा बन गया तो फिर ये सिलसिला चल पड़ा मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से कि कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ रीजनिंग नहीं जानता उसको ऐसा लगता है तो केवल एक से लेकर सौ तक गिनती सीख ले और ए से लेकर जेड तक एबीसीडी सीख ले अगर उसके दो चीज आती हैं तो मैथ मैं सिखाऊंगा मेरी गारंटी है और मैंने सिखा भी दी है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब यहां पर एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं मजेदार क्वेश्चन क्या है ये रहा। 12 जनवरी 1980 को रविवार था समझाऊंगा अभी और पढ़ते जाइए आप लोग क्या है कि 12 जनवरी 12 जनवरी 1980 को क्या है शनिवार है तो 12 जनवरी एक साल पीछे जा रहे हम उन्यासी को कौन सा दिन होगा सेम डेट चलिए आप लोगों को क्लास लेनी है किसी को ऑफलाइन किसी को ऑनलाइन भाई ऑफलाइन लेनी तो अपने नजदीकी शहर में चले जाइए जहां पर कोचिंग होती है वहां चले जाइए क्योंकि घर तो आपके कोई पढ़ाने आएगा नहीं तो जहां आपके नियर बाई जो सिटी है शहर है वहां जाकर आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता हूं हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेज करवाते हैं मैं आपको इस क्लास के बाद में जानकारी दे दूंगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है अभी इस क्वेश्चन को करवाते हुए और जब मैं आपके आंसर देख रहा हूं जब मैंने पहले दो तीन क्वेश्चन करवाए थे स्टार्टिंग में आपने सब लोगों से किसी से आंसर नहीं आया और अब धड़ाधड़ 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 धड़ा धड़ आप राइट आंसर कर रहे हो और वह फ्राइडे अब बताओ बेटा मन में लड्डू फूट रहे हैं अब बताओ ज्यादा ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं कि यार हमसे तो आ गया ऐसा लग रहा है अरे भाई यार आ गया कैलेंडर हम तो डर रहे थे इतने दिनों से हमसे कैलेंडर आ गया फूट रहे हैं लड्डू अब ज्यादा ज्यादा फूट रहे हैं मजा आया अंदर से फील आ रही है पॉजिटिव पॉजिटिव फील आ रही है अंदर से सीखने का सिलसिला इसी तरीके से होता है बगैर हमने सही प्रोसेस और स्टेप के साथ अगर किसी चीज को सीखा तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आया अच्छा लगा ना सर आप गलत पढ़ा रहे हो सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है लीप वर्ष में दो दिन भाई अभी हमने सामान्य वर्ष में एक ही दिन जोड़ा है बड़े भाई अभी हमने लीप वर्ष के तो क्वेश्चन किए नहीं है लीप वर्ष में के क्वेश्चन हमने किए नहीं है जब एक सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जंप करेंगे तो दो दिन आएंगे लेकिन वो क्वेश्चन अभी करेंगे अभी इसलिए कह रहा हूं कि ठंड रखो एक एक गांव में कहा होता है ठंड रखने की थोड़ी ठंड रखो वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा मत जाओ क्लास मेरी क्लास में जैसे जैसे सिखाऊ वैसे वैसे बढ़ो ठीक है अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक ही प्लस किया था पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही प्लस किया है देखो यहां पर उन्नीस सौ पिचानवे से उन्नीस सौ छियानवे में एक प्लस कर दिया तो सही सवाल आ गया ये सामान्य वर्ष है लीप वर्ष कराऊंगा तो दो बढ़ाऊंगा अभी लीप वर्ष कराया ही नहीं है ठीक है तो वो कहावत है कि शानी चली सास सासरे बावड़ी सीख दे ये किस्सा मत करो क्योंकि आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो काम हम कर चुके हैं और उस करके बन चुके हैं ठीक है तो एडवांस मत जाओ मैं क्लास के आरंभ में कह चुका हूं कि इंटेलिजेंट जो बनशाणा बनने की कोशिश करते हैं वो र, दफा हो जाओ पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में मैंने एक ही जोड़ा है तभी रविवार से जाकर सोमवार सही आंसर आया था दो नहीं जोड़े हैं लीप वर्ष के क्वेश्चन आगे करेंगे चलिए भाई साहब अब आ जाते हैं हम बारह जनवरी उन्नीस को रविवार था तो बारह जनवरी सौ उन्नीस सौ उन्यासी को क्या था हम यहां पर साथियों एक चीज को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे 12 जनवरी 1980 शनिवार एक सामान्य वर्ष है सबसे पहले यह बताओ आप मुझे अच्छा बताओ मुझे ये बताओ कि 12 जनवरी 1980 ये सामान्य सामान वर्ष है या लीप वर्ष है सबसे पहले ये बताओ लीप या सामान ये बताओ और सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या सामान है या लीप चलिए सबसे पहले लीप और सामान को फाइंड आउट करना सीखो अच्छी तरीके से हमको क्या जाना है अधिक से कम की तरफ जाना है हमको क्या जाना है अधिक से कम की तरफ यहां पर जाना है तो जब हम आपको पता है कि जब हम सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में गए तो एक जोड़ा तो यहां पर साथियों हमारे पास लीप वर्ष है और हम पिछली सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे साथियों यहां पर एक माइनस कर देंगे और हमारा सही आंसर रहेगा क्या रहेगा शुक्रवार आइए अब हम थोड़ा और अपर क्लास क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अब चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैं इस समय लेकर आया हूं यदि 26 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा अब करो क्वेश्चन अब करिए समय निकालो और फिर क्वेश्चन करो अरे यार मैं चलो बता रहा हूं बार बार आप लोग कमेंट्स कर रहे हो सर हमको क्लास क्लास के बारे में बताए देखो ऐसा है कि मैं आपको पेपर वन पढ़ाता हूं लेकिन हम इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं पेपर वन मैं खुद पढ़ाता हूं कॉमर्स इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी एजुकेशन जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर साइंस एनवायरमेंट होम साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स लेबर लॉ पब्लिक एडमिशन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट सोशोलॉजी संस्कृत लॉ साइकोलॉजी पंजाबी या साइंस के पूरे सब्जेक्ट जो आपको देख रहे हैं अगर आप इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है और आप पूरे सिलेबस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें पेपर वन भी शामिल हो और पेपर टू भी शामिल हो पेपर टू के सभी सब्जेक्ट आपके सामने हैं तो आप एक काम कर सकते हो आप अनअकेडमी पर क्लासेज कर सकते हो अनअकेडमी पर मुझे आप डॉक्टर लौकेश कुमार मीणा के नाम से फाइंड आउट कर लेना अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं मैं आपको पेपर वन पढ़ाऊंगा कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा कोई ज्योग्राफी पढ़ाएगा कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा तो अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना यहां पर मोबाइल नंबर डाल लेना ओटीपी डाल लेना और आप प्रोसेट कर देना यहां पर इस प्रकार से आपको आईडी मिल जाएगी और जैसे ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखे उस पर क्लिक कर देना और वहाँ पर आपको प्लस और आइकॉनिक ले इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है लॉके सबल वन ध्यान रहे के बीच में कोई गैप नहीं है ये लगातार है ये डिस्काउंट लगाकर आप लोगे तो मुझे जानकारी मिल जाएगी दोनों पेपर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे और ये सब चीजों में आपकी हेल्प कर दूंगा ये सब आप काम कर सकते हो अब मैं चलता हूं दोबारा क्लास की तरफ आइए क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं समय लेकर करिए करिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि सामान्य वर्ष वर्ष है देखो 2005 भी सामान्य वर्ष है और 2006 भी सामान्य वर्ष है सबसे पहले ये करो आप जब हमने ये कहा कि सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक प्लस होगा अभी तक मैंने क्या कहा कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक प्लस होगा अरे भाई प्रभु मैं सारे यूनिट पढ़ाता हूं पेपर वन के टोटल ऑल के ऑल कितनी बार बोलूं हजार बारे बार बोल चुका हूं मैंने आपको यह बतलाया था पेड कोर्स कैसे लूं रश्मि देवी अरे यार अगर आप में से कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो नाइन थ्री फाइव डबल फोर सिक्स वन सिक्स डबल फाइव व्हाट्सएप करना इस नंबर पर व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर एसएमएस करना जवाब मिल जाएगा ठीक है जल्दी से मिटा देता हूं नंबर ज्यादा लोगों को पता ना लग जाए नहीं तो फिर परेशान कर देंगे ओके चलिए दोबारा लिखूं अरे यार नाइन थ्री नाइन थ्री फाइव डबल फोर सिक्स वन सिक्स डबल फाइव जल्दी से मिटा रहा हूं भाई मैं मैं नहीं चाहता ज्यादा लोग मुझे परेशान करें क्योंकि मेरे पास समय नहीं है किसी से बात करने का या वो करने का अगर तुमको ज्वाइन करना हो तो इस नंबर देख लो एक बार स्क्रीन ले लो इस बार ठीक देखो यार मैंने ये कहा कि सामान्य वर्ष से जब अगली सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक हमको प्लस कर देंगे तो 2005 को अगर सोमवार है तो 26 जनवरी 2006 को कौन सा होगा सही सी बात है साथियों हो, मंगलवार होगा हमको एक प्लस यहां पर हमारा हो जाएगा कौन सा होगा मंगलवार अब अगला मजेदार क्वेश्चन आया तो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना सीख रहे हैं ना हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीख रहे हैं अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 10 मार्च को गुरुवार है यदि 10 मार्च को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा टन टना टन तंटन टन टारा चलती हो क्या नौ से बारह बारह बताओ करो आराम से करो सारे नोट्स आपको डॉक्टर ऑकेस वाली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे अधिकतर लोग बुधवार आंसर दे रहे हैं और बताइए जल्दी जल्दी आराम से कर लो समझ लेकर मैं समझा दूंगा मुझे पता है क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों से मुझे पता है क्वेश्चन नहीं होगा कुछ लोगों से होगा मैं बता दूंगा कोई बात नहीं पिछले जितने भी प्रकार बतलाए थे वो सब तो आप पे आ रहे हैं ना ये भी सीख जाएंगे चिंता क्या करते हो मैं समझा दूंगा चिंता ना करो देखो मैंने आपसे क्या कहा क्लास के आरंभ में कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इंबेरेस होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल मन में ग्लानी लेने की जरूरत नहीं कि हमसे नहीं आ रहा ऐसा कुछ नहीं है हम सीख ले सीख लेंगे ना यार इंसान तो लर्नर है ना हम सीख लेंगे कोई भी आदमी अपनी मां के पेट में तो सीख कर नहीं आता है ना बाहर आके चीजों को सीखता है ना अच्छे से किसी ने पहले सीख लिया आज सीख लेंगे बात बराबर हुई तो आज सीख लेंगे ना हम क्या दिक्कत देखो क्या होता है मैंने आपसे एक बात कही थी मैंने ये कहा था कि जो महा होता है ना वो कितना दिन का होता है अट्ठाईस दिन का होता है ये बात मैंने बोली बोली थी ये बात मैंने अब वही क्वेश्चन इसी चीज से समझने का हम तरीका निकालेंगे माह कितने का होता है अट्ठाईस दिन का होता है महाबरेवर क्या होता है इधर देखिए महाबरेवर अट्ठाईस डे महाबरेवर 28 डे महा आइए अच्छा मुझे बात बताओ यदि दस मार्च को है तो ये हो गया हमारा मार्च मार्च के बाद होगा अप्रैल मई जून और जुलाई अच्छा एक बात बताओ मैंने यह कहा कि 28 दिन से अधिक जितने भी दिन होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे अच्छा मुझे बताओ ये अप्रैल मंथ कितने का होता है अप्रैल मंथ कितने का होता है मतलब अप्रैल मंथ कितने दिन का होता है अप्रैल दिन में 30 दिन होते हैं कि इकतीस दिन होते हैं मुझे समझाओ अप्रैल में 30 दिन होते हैं इकतीस दिन होते हैं तीस दिन होते हैं इसका मतलब क्या हुआ अप्रैल में अट्ठाईस दो दिन एक्स्ट्रा है right? क्या कहा हुआ? मैंने क्या कि एक माह में अट्ठाईस दिन होते हैं यह कहा आपसे थोड़ी देर पहले कि एक माह के अंदर अट्ठाईस दिन होते हैं अरे बोलो कहा था ना तो क्या होता है अप्रैल माह में तीस दिन होते हैं इसका मतलब दो दिन एक्स्ट्रा है अप्रैल माह में बराबर बात जो मई है साथियों वो इकतीस दिन की होती है इसका मतलब मई के अंदर तीन दिन एक्स्ट्रा है जून है साथियों वो तीस दिन का होता है तो इसका मतलब जून में दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं और जो जुलाई है वो कितनी है यहां पर बीस जुलाई को कौन सा दिन रहेगा तो उसी वर्ष बीस जुलाई को कौन सा दिन रहेगा इतनी बात समझ गई आपने इतनी बात समझ ली आप लोगों ने आंसर ही बता रहा हूं बस इतनी बात समझ लो इतनी बात समझ गए कि आप ये दो कहां से आए हैं ये तीन कांसें हैं और दो कांसे इतनी बात समझ गए पहले ये बताओ मुझे बात समझ रखें देखो हम जबी भी दिन निकालते हैं तो सप्ताह से डिवाइड करते हैं हमसे पूछा है दस मार्च को बृहस्पतिवार है तो ये बात बताओ कि मार्च का जो महीना होता है वो होता है इकतीस दिन का कितने का होता है इकतीस दिन का होता है मार्च का महीना इकतीस दिन का होता है लेकिन यहां पर दस मार्च के बाद कितने दिन बचे दस मार्च के बाद कितने दिन बचे साथ में यहां पर दस मार्च के बाद यहां पर बचे इक्कीस दिन इक्कीस दिन बच गए इक्कीस दिन बच गए ना और यहां पर जुलाई कितनी है साथियों बीस जुलाई तो यहां पर साथियों जुलाई कितनी है बीस अब सुनिए मार्च के महीने में कितने दिन बच गए थे इक्कीस दिन बच गए थे अप्रैल के महीने में दो दिन एक्स्ट्रा है मई के महीने में तीन दिन एक्स्ट्रा है जून के महीने में दो दिन एक्स्ट्रा है और जुलाई कितनी है साथी हो बीस की अब इन सबको आप प्लस कर लो इनको आप जोड़ दो सबको कितने दिन हो गए इक्कीस दो कितने हो गए इक्कीस दो तेबीस तेबीस अठाएस। और तीन छब्बीस छब्बीस और दो अट्ठाईस और अट्ठाइस और बीस अड़तालीस फोर्टी एट अब फोर्टी एट डेज को हम साथियों सप्ताह में डिवाइड करेंगे और सात का भाग देंगे भाई सप्ताह निकालने के लिए सात का भाग देंगे ना तो फोर्टी एट में आप सात का भाग दीजिए सात चौक अट्ठाईस सात जो पैंतीस सात छ की बयालीस सात छ की कितना साथियों यहां पर कितना हो गया सात छ की कितना बयालीस यानी कि कितने दिन शेष बच गए छह दिन शेष बच गए कितने दिन शेष बच गए छह दिन से इस बच क्योंकि हम लोग ना क्या करेंगे सप्ताह सप्ताह हटा देंगे हमने क्या किया कि सप्ताह सप्ताह हटा दिया बीच के सारे सप्ताह हटा दिए और हमारे पास छह दिन यहां पर एक्स्ट्रा बच गया अगर ये सात दिन होते तो साथियों क्या हो जाता उस समय गुरुवार हो जाता लेकिन हम बृहस्पतिवार में क्या करेंगे छह जोड़ देंगे अब बृहस्पतिवार से आगे अगर आप छह जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार सोमवार मंगलवार बुधवार और साथियों क्या आ जाएगा यहां पर सुख सु, क्या आ जाएगा साथियों छह दिन जोड़ने से आपका बुधवार हो जाएगा माफ करना बृहस्पतिवार में छह जोड़ने से क्या हो जाएगा हाँ गुरुवार बृहस्पतिवार गुरुवार कहते हैं ना गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार हां तो साथियों ये क्या हो जाएगा सही आंसर इसका बुधवार हो जाएगा मैं फिर से समझा दूंगा आप चिंता ना करें मैं फिर से समझा दूंगा आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें फिर से समझा दूं अच्छे से एक बार फिर से चलो कुछ कुछ आपको समझ लग गया होगा हम फिर से कर लेते हैं अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है तो हम क्या करेंगे सप्ताह निकालेंगे सबसे पहले सप्ताह का भाग देंगे सप्ताह का भाग या तो आप अभी दे लो यहां पर हमारे सामने मार्च क्या है मार्च है हमारे सामने हमने सबसे पहले लिख दिया कि एक महा बराबर एक महा बराबर अट्ठाईस दिन यह एक हमारे पास फॉर्मूला है अब यहां पर हमारे पास क्या है मार्च का महीना है आप सबको पता है मार्च 31 दिन का होता है तो अगर 31 दिन में से अगर हमने 10 दिन निकाल लिए तो कितने बच गए 21 बच गए अब दो तरीके हैं या तो तुम 21 को डायरेक्ट या 21 लिख दो बाद में बाद में काट लेंगे या तुम मार्च की जगह जीरो लिख दो कैसे समझो कैसे या तो एक तरीका है कि तुम मार्च के सामने इक्कीस लिख दो क्योंकि दस मार्च के बाद में इक्कीस दिन बचे मार्च के अंदर से भाई मार्च का महीना कितने दिन का होता है इकतीस दिन का होता है दस मार्च दस काउंट हो गए तो बचे इक्कीस दिन तो या तो तुम मार्च के सामने इक्कीस लिख दो या फिर इक्कीस को सप्ताह से काट दो सात का भाग दे दो क्योंकि एक सप्ताह में सात दिन होते हैं सात से इक्कीस तो जीरो दिन बचेंगे बट आप चाहो तो इसको इक्कीस लिख सकते हो चाहो तो जीरो लिख सकते हो मैं यहां आपको समझाने के लिए इसमें पूरा इक्कीस दिन लिख रहा हूं ये मार्च का महीना हो गया हुआ, हुआ। मार्च हो गया अप्रैल अप्रैल में कैसे हो अट्ठाइस दिन आपको बताइए महीने में कितना होता है अट्ठाईस चार सप्ताह होते हैं ना चार सप्ताह होते हैं सात सौ अट्ठाइस अट्ठाईस के अलावा जितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो लिख दो आप कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा यहां पर साथियों अप्रैल के महीने में कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं दो दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं इतनी बात समझ लगे अप्रैल के बाद में मार्च अप्रैल मई मई के महीने में तीन दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं आप यह समझ कर चलो कि भाई साहब सप्ताह का भाग दे देना है देखो चार सप्ताह बना कर क्या होता है एक माह होता है तो सात चौक अट्ठाइस अट्ठाइस के बाद में कितने दिन बच रहे हैं अप्रैल में बच रहे हैं हमारे दो दिन क्योंकि तीस का होता है मई इकतीस का, का होता है तो तीन दिन बच रहे हैं अप्रैल मई और जून जून में हमारे दो दिन बच रहे हैं क्योंकि यह तीस का होता है और जुलाई जुलाई कितने साथियों बीस जुलाई तो हम यहां देंगे बीस दिन यानी कि मार्च में क्या तीन दिन बच रहे अप्रैल में दो यहां पर बीस जुलाई तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्टी एट यानी फोर्टी एट डेज आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर फोर्टी एट डेज में सप्ताह का भाग देंगे सात का सात छियालीस छह बचे यानी कि सिक्स डे यहां पर एक्स्ट्रा कर देंगे और सही आंसर आ जाएगा हमारा बुधवार अब बताओ समझ आया कि नहीं आया अब बताओ समझ आया कि नहीं आया बताइए आप समझने में विश्वास करो लॉन्ग और शॉर्ट छोड़ दो क्योंकि शाणे बनोगे तो सीख नहीं पाओगे ये तय है आप समझोगे यार मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप समझने पर फोकस करो शॉर्ट चीज ज्यादा दिन नहीं चलती हम हमारे अंदर समझ होना ज्यादा जरूरी कि यार ये क्वेश्चन कैसे आया है क्वेश्चन मैं चाहता तो ये लिख देता यहां पर डायरेक्ट यहां पर लिख देता दो यहां पर लिख देता जीरो और यहां पर लिख देता कितना सात दूनी चौदह छह लिख देता डायरेक्ट यहां पर मैं ये छह लिख देता यहां पर तो आप लोग क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं लगता बट मैं इसको इस तरीके से करना चाहता हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से कर सकें ओके आया समझ साते आपको समझ लग गया सब लोग बताओ कि अब इस ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो हम कर देंगे चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको इस तरीके का दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सको बस थोड़ा सा हम बदलाव कर देंगे तारीखों में आइए यहां साथियों आपके सामने क्या है पंद्रह जून है पंद्रह जून को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष बीस दिसंबर को कौन सा दिन होगा बताइए अगर पंद्रह जून को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष पंद्रह दिसंबर को कौन सा दिन होगा करिए चलिए करिए चलिए करिए पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से यह क्वेश्चन करना है पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन करना है ध्यान काम से करिए देखो हमारे सामने जून के माह में पंद्रह दिन काम आ चुके हैं और जो जून का महीना होता है वो तीस दिन के लिए होता है अप्रैल मई जून जून का महीना कितने दिन का होता है साथियों तीस दिन का होता है जून का महीना तीस दिन के लिए होता है तो क्या हो पंद्रह जून और बचे पंद्रह जून तो हमारे सामने जून में क्या हो गया पंद्रह दिन बचे जो साथियों जुलाई का जो माह होता है वो इकतीस तारीख का होता है तो तीन दिन बचे अगस्त कितने दिन का होता है तीस तारीख का होता है तो हमारे पास अगस्त में कितने दिन, दिन बचे दो दिन बचे अगस्त साथियों इकतीस का होता है ना कि तीस का ये आप कंफ्यूजन मत कर देना जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं जुलाई और अगस्त कितने दिन के होते हैं 31 दिन के होते हैं और उसके बाद में सितंबर है साथ ही हो वो होता है 30 दिन का अक्टूबर होता है 31 दिन का और नवंबर होता है 30 दिन का और दिसंबर होता है दिसंबर में तो हमको से पूछा ही गया है तो यहां पर क्या है बीस दिसंबर तो हमको यहां पर बीस दिसंबर और लेना है इन सभी संख्याओं को आप यहां पर जोड़ लो सभी संख्याओं को आप यहां पर जोड़ लीजिए जोड़ लेते हैं चलिए बीस ऐसे कर ले पंद्रह और तीन अठारह अठारह तीन इक्कीस इक्कीस और दो तेवीस तेवीस और तीन तेवीस और दो कितना हो गए तेवीस और दो पच्चीस पच्चीस और तीन कितने हो गए अट्ठाईस और अट्ठाईस बीस कितने हो गए अट्ठाईस और बीस कितने हो गए साथियों अट्ठाईस और बीस हो गए टोटल फोर्टी एट क्या हो गए तो सप्ताह बना लेंगे सात का भाग दे देंगे बयालीस बच के यानी कि गुरुवार में अगर छह जोड़ देंगे तो साथियों बुधवार आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बुधवार ही इसका सही आंसर है बुधवार इसका सही आंसर है. अब बताओ सीख गए सारी चीजें मजा आया समझ गए ना अच्छे से वेरी गुड बेसिक से चल रहे हम लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सात जो हमको करना है एक बार इसको आप यहां पर देख लीजिएगा यदि 15 अक्टूबर उन्नीस को सोमवार था तो 15 अक्टूबर उन्नीस को कौन सा दिन होगा देखो हम एक सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में आ रहे हैं यानी सत्त्या में, में आ रहे हैं यानी कि अट्ठानवे से सत्यानवे में, में जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं आगे बढ़ते थे तो एक जोड़ते सामान्य वर्ष से अगली अगले सामान्य वर्ष में जाते तो एक जोड़ते लेकिन सामान्य वर्ष से पिछली सामान्य वर्ष में आ रहे हैं तो क्या करेंगे एक माइनस करेंगे क्या करेंगे साथ ही पर एक माइनस कर देंगे देखो मैंने आपसे क्या बताया कि सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक जुड़ता है ठीक लेकिन सामान्य वर्ष से पिछली सामान्य वर्ष में आएंगे तो एक घट जाएगा कॉमन सेंस की बात है तो यहां पर अगर सोमवार है तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा रविवार आंसर आ जाएगा यह बात समझ लग गई आपको सबको ओके okay, गाइस समझ लगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं इसी महीने की 27 तारीख को शनिवार मान लो कि कोई महीना है जिसकी 27 तारीख को शनिवार है तो बताएं उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा दिन हो था चलो अब इसको क्वेश्चन को करो सोचो और दिमाग लगाओ मेगा सैनी कह रही सप्ताह सात दिन का होता है हर सात दिन समान होता है ध्यान रहे अरे फोकस कर ले प्रभु हर सात दिन के बाद में तो सत्ताईस तारीख का क्या है सत्ताईस तारीख का क्या है हमारे पास में सत्ताईस तारीख को है हमारे पास शनिवार सत्ताईस तारीख शनिवार है तो सात सात दिन बांट लो ना भाई साहब तो 20 तारीख को क्या होगा 20 तारीख को क्या होगा भाई साहब 20 तारीख को भी शनिवार होगा 20 तारीख के बाद में 13 तारीख को क्या होगा यहां भी शनिवार होगा तेरह तारीख के बाद में छह तारीख को क्या होगा यह भी शनिवार होगा भाई सात सात दिन है ना छह तारीख को सात दिन सात 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 यानी सत्ताईस तारीख को शनिवार था तो बीस तारीख को शनिवार रहा तारीख को छह तारीख लेकिन हमसे पूछ रहे हैं आठ तारीख को अगर भाई छह तारीख का शनिवार है अगर छह तारीख का अगर शनिवार है छह तारीख का अगर शनिवार है तो आठ आठ तारीख के दिन दो जोड़ देंगे इसमें आठ तारीख के दिन दो जुड़ जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा सोमवार रविवार और सोमवार दो जोड़ देंगे सही आंसर है अब बताओ अब मजा आया कैलेंडर को समझकर समझ, समझ गए कैलेंडर यही क्वेश्चन हमसे एन टी नेट में इसी इसी प्रकार के कैलेंडर के सवाल पूछे जाते हैं अब चने खा लो चलो भूख लग रही है यार चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो डॉक्टर लॉकेश वाली के नाम से और इसके अलावा साथियों सोशल मीडिया पर डॉक्टर लॉकेश वाली के नाम से आप फॉलो कर लो आज हम पढ़ेंगे 2022 के पी वाई क्यूज आज मैं क्या पढ़ूंगा 2022 के पीवाई क्यूज हम पढ़ने वाले हैं ये रहा साथियों 2022 जो जून में पेपर आया है वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं पिछले दिन हमने 2021 के क्वेश्चन पढ़े थे आज हम 2022 के क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं सब लोग तैयार हैं गाइज चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के क्वेश्चन को आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं क्या लिख रखा है क्वेश्चन में लिख रखा है पहले एसी चला देता हूं थोड़ी गर्मी लग रही है निम्नलिखित तालिका सत्र 2020-21 के दौरान विद्यालय में पांच विभिन्न क्रियाकलापों तैराकी गायन चित्रकारी नृत्य हस्तशिल्प विद्यार्थियों के नामांकन को दर्शाता है विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 1750 छात्रों सहित कुल तीन हजार विद्यार्थियों का नामांकन हुआ तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर उत्तर दीजिए देखो हमको यहां पर क्या दिखेगा टोटल टोटल लोग कितने हैं तीन हजार हैं अब इन तीन हजार में से छात्राएं तीन हजार में से छात्राएं कितनी है सत्रह सो पचास है अब तीन हजार में सत्रह सो पचास घटा लेंगे तो छात्रों की संख्या भी निकल कर आ जाएगी भाई टोटल लोग कितने जिनमें छात्राएं कितनी है सत्रह सो पचास आइए हम क्वेश्चनों को करने का यहां पर प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ सबसे पहले हम करेंगे तैराकी और चित्रकारी तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल कितनी छात्राओं का नामांकन है देखो है साथियों तैरा ये है क्रियाकलाप यह है, क्रिया है तैराकी गायन चित्रकारी नृत्य नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत ये प्रतिशत निकला है तीन हजार में से जबकि छात्राएं कितनी हैं सत्रह सो पचास और सत्रह सो पचास का प्रतिशत ये रहा बस सरल है लेकिन थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चनों को घुमा दिया है चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज एक बार सबके सब क्या कह रहा तेरा की तेरा की है क्वेश्चन तैराकी और चित्रकारी यह तैराकी है ये चित्रकारी में कुल कितनी छात्राओं का नामांकन हुआ ये जो टोटल छात्रा है ना इसमें चौदह परसेंट और इसमें सोलह परसेंट तो टोटल छात्राओं का क्या प्रतिशत है वो हमको यहां पर निकाल लेना है देखो यार कुल छात्रा कितनी है यहां पर यहां निकालने का सीधा छात्र कुल छात्राएं 1750 पचास और यहां पर तैराकी की और चित्रकारी की बात की गई है तो तैराकी में कितने हैं चौदह परसेंट और चित्रकारी में कितने सोलह परसेंट तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का ही प्रतिशत हमसे पूछा गया है तो तैराकी हम तेरा हाँ बेटा अभी अच्छी ठीक है थोड़ी देर बाद में लो तो अच्छा तेरा के और चित्रकारी कितना हो गया साथियों चौदह प्लस सोलह सोलह और चार, चार इनको जोड़ देंगे हम यहां ऐसा करते हैं सोलह प्लस चौदह बराबर कितना हो गया साथियों तीस हो गए ना तीस प्रतिशत अब हमको क्या निकालना है सत्रह सो पचास का तीस परसेंट निकालना है भाई टोटल छात्र सत्रह सो पचास है अब तीस परसेंट की और चित्रकारी में है तीस तो परसेंट का हमको नंबर बनाना है बस सीधी सी बात है तो यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा यहां पर क्वेश्चन बनेगा इधर देखिए सत्रह सो पचास का तीस प्रतिशत क्या होता है 1750 का 30 प्रतिशत क्या होता है मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रखा है सबसे पहली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 1750। का का मतलब होता है गुणा गुणा कर देंगे अगली संख्या को जो का तो उतार देंगे 30 और यह प्रतिशत का भाग दे देंगे काट लेते हैं इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे तो क्या हो गया साथियों हमारी संख्या एक सौ पिछहत्तर गुणा में तीन अब बता पर बताओ एक सौ पिछहत्तर गुणा अगर हम तीन कर देंगे तो हमारा यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों बताइए आएगा 525 क्या आ जाएगा 525 आंसर आ जाएगा अब बताओ कितना सरल सवाल था 2022 में पूछा गया है जून वाली एग्जाम में कितना सरल सवाल था सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जबकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल था अब आप देख लीजिए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ हमसे प्रतिशत निकालना आना चाहिए हमको देखो प्रतिशत दो तरीके से निकाले जाते हैं आपके सामने कई बार दो प्रकार की संख्याएं आ जाती होंगी मैं आपको बता देता हूं कई बार दो प्रकार की संख्याएं आ जाती होंगी प्रतिशत निकालते समय एक जैसे कि अभी हमने निकाला टाइप वन टाइप वन में क्या आता है क्वेश्चन आता है जैसे सत्रह पचास का सत्रह का मान लो 40 प्रतिशत क्या होगा एक सवाल तो यह बन गया टाइप टू टाइप टू में क्या होता है एक संख्या लिखी रहती है संख्या कैसे लिख देते हैं मान लो ऐसे लिख देते हैं सत्रह पचास और यहां पर डॉट लिख देते हैं और उसके बाद में चालीस सत्रह सो का कितना प्रतिशत है आप लोग ना इन कंफ्यूजन हो जाते हो प्रतिशत निकालने में कि भी किस प्रकार से हमको प्रतिशत निकालना चाहिए है ना आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो तो मैं आपको बतला देता हूं कि संख्या कैसे जमेंगी अगर इस प्रकार की संख्या कोई आ गई जैसे कोई संख्या बीच में का प्लस संख्या इस प्रकार से कुछ आ गया तो नियम क्या कहता है इस चीज को समझो नियम कुछ भी नहीं है आप तो सबसे पहले पहले वाली संख्या को पहले लिख दो शुरुआत की जो संख्या को हमने शुरू में लिख दिया सत्रह सो पचास ये का है ना इसका मतलब होता है गुणा तो कर दिया गुणा फिर अगली संख्या को बराबर से लिख दो लिख दिया प्रतिशत का मतलब होता है भाग तो हमने क्या किया भाग दे दिया सौ का एक संख्या तो इनकी संख्या तो इस प्रकार से जमती है इनकी संख्या क्या है साथियों इस प्रकार से जमती है जबकि यह संख्या कैसे जमेगी नियम क्या कहता है लल्लन टॉप गुरु जी का पहली संख्या को पहले ऊपर लिखेंगे सबसे पहले 1750 ही लिखेंगे लेकिन का होता तो गुणा हो जाता लेकिन यह का नहीं है तो यह जो 40 है ना इसके नीचे आ जाएगा और फिर का हो गया यहां पर गुणा और फिर प्रतिशत कर दिया हमने सौ ये दोनों संख्या इस तरीके से जमेंगी थोड़ा अपना दिमाग में इसको बिठा लो एक बार ताकि बार बार आपको प्रतिशत निकालने में कंफ्यूजन ना हो मैंने ऑलरेडी प्रतिशत की पूरी प्रश्नावली पढ़ा रखी है अगर वो आपने नहीं देखी है तो इसको देख लो नहीं तो मैंने आपको हर चीज समझा रखी है वहां पर संख्या जमाना आपको आना चाहिए यहां पर क्या कि 1750 40 का कितने प्रतिशत है और यहां पर लिख रहा है कि 1750 का चालीस इसका यह कितना प्रतिशत है और यहां पर लिख रहा है कि इसका यह कितना प्रतिशत है सत्रह सो पचास चालीस का सुनो सत्रह सो पचास चालीस का यानी कि इसका यह कितने प्रतिशत है और यहां पर लिख रहा है सत्रह सो पचास का यह कितना प्रतिशत है? अब बताओ आप आगे कभी तो गड़बड़ नहीं करोगे ना इस प्रतिशत को निकालने में ठीक है इस तरीके से हमको ये करना है और हमने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लिया है जो आया है हमारा जून 2022 में बोलो डीआई पढ़कर मजा आ रहा है केवल दो आज की और कल की कल मैं डीआई को कंप्लीट कर दूंगा कल मैं डीआई को कंप्लीट कर दूंगा ध्यान रहे कल डीआई को कंप्लीट कर दूंगा रिसर्च स्टार्ट करने वाला हूं और सुबह दस बजे जे आर एफ भंडारे में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूं सुबह दस बजे जो मैंने आपको तरीका बताया ना जे आर एफ भंडारे का उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड सर जी सेकेंड वाले टाइप को काटना बता दो बस इजी है बेटा आ जाओ इसको काटना की संख्या जमा दी हमने इस जीरो से हमको कोई भी एक जीरो काट देनी है इस जीरो से मान लो हमने इस जीरो को काट दिया अब चार का चार से काट देंगे चार को काट दे दो से इसको काट दिया हो गया पचास फिर हम इसको दो से काट देंगे ये हो गया पच्चीस अब हमारे पास संख्या क्या था उसकी एक सौ पिछहत्तर इंटू पच्चीस ये लो इसको काट दो बस ये हो जाएगा और इसको काटने के लिए क्या करेंगे इसको काटने के लिए इस जीरो से इस जीरो को इस जीरो से इस जीरो को, एक सौ पिछहतर गुना चार कर देंगे एक चार। आंसर आ जाएगा ठीक है अब ये क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बोलिए और मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने वीडियो लाइक किया है बिल्कुल ढीट ही बैठे हो आप तो ढीट ढीट बने बैठे रहते ढीट हम्म सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास कहां है यार इस चैनल पर तो नहीं होती लेकिन अन्य अकेडमी पर होते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास तुम ज्वाइन कर लो फीस वीस लगती है वहां पे यार अगर तुम फीस पे करने में सक्षम हो तो जरूर से ज्वाइन करो एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद में आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं ये है साथियों क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन को हम साथियों यहां पर आपके लिए लेकर आए क्वेश्चन नंबर नाइन करिए क्वेश्चन नंबर नाइन करिए नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या नृत्य में नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है दहाई आंकड़ों में पूर्णांक बनाने पर अब करिए इसको देखो टोटल बच्चे कितने तीन हजार है इधर देखिए टोटल स्टूडेंट कितने कुल स्टूडेंट कितने तीन हजार हैं इन तीन हजार में से सत्रह सौ पिछहत्तर लड़कियां हैं अब यहां ने पूछा कि जो नृत्य वाले जो लोग हैं ना वो टोटल में कितने हैं छात्रा टोटल में से छात्राएं कितनी है कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है वेरी गुड सारे नोट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर लोकेश वाली टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे सारे नोट्स आपको डॉक्टर लोकेश वाली टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे ठीक है आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखो क्वेश्चन में कितने तीन बीस प्रतिशत है तो तीन हजार का बीस प्रतिशत निकालना है हमको तो सबसे पहले तो टोटल छात्र कितने तीन हजार है तीन हजार का बीस प्रतिशत क्या होगा? तो हम लिख देंगे तीन हजार का ट्वेंटी परसेंट क्या होगा ये आंसर बन गया हमारा सबसे पहले तीन हजार लिख देंगे हम ऊपर यहां पर पहली संख्या तीन हजार, का का मतलब गुणा ट्वेंटी का मतलब ट्वेंटी बटे सौ इन दो जीरो से काट देंगे इन दो जीरो को और ये हो गया तीन दूनी छ और बच गया दो क्या हो गया साथियों यहां पर तीन दूनी छ और यहां पर बच गया सत्रह सो पचास अरे मैं मैं बेहद समझ अच्छा चाहता हूं टोटल में निकाला अभी हमको यहां से निकालना है सत्रह सो पचास से निकालेंगे रुकिए 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 1750 का 20 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सत्रह सो पचास तो सत्रह सो पचास को हम निकालेंगे पहले यहां पर 1750 लिखेंगे, का 20 क्या होगा सत्रह सो पचास को सबसे पहले लिखेंगे का का मतलब गुणा और नीचे ऊपर लिख दें बीस फिर लिख देंगे सौ इस जीरो इस जीरो इस जीरो से जीरो, इस जीरो, इस जीरो पिछहत्तर गुणा कितने हो गए साथियों कितने हो गए पिचेत्र गुना दो किया तो सौ पिचेत्र गुणा दो किया तो तीन सौ पचास हमारे यहां पर होगी तो यानी लड़कियों में कितनी है तीन सौ पचास है लड़कियों में नृत्य करने वालों की संख्या कितनी है तीन सौ पचास है लड़कियों में नृत्य करने वालों की संख्या कितनी है तीन सौ पचास है अब यहां पर हमसे पूछा है टोटल बच्चों का तो टोटल बच्चों का पूछा है तो तीन सौ पचास तीन हजार का कितना हो जाएगा यहां पर इसको मिटा छोटा छोटा लिख दो ताकि पूरा क्वेश्चन आपको समझ लग जाए यहां पर पूर, सत्रह सौ पचास इंटू बीस बटेसौ इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे इस जीरो से जीरो से तीन सौ पचास अब तीन सौ पचास क्या छात्राओं की संख्या लेकिन यहां पर हमको क्या करना है तीन हजार में से निकालना है क्या निकालना है हमको यहां पर तीन हजार में से साथियों इसको निकालना है तीन सौ पचास को तो आगे क्या बन गया तीन सौ पचास तीन हजार का कितने प्रतिशत है इस चीज को समझ गए आप ये ये कहां से आया है ये कहां से आया है इस चीज को समझ गए हो क्या भाई हमने सबसे पहले क्या किया कि टोटल छात्राओं की संख्या 1750 है 1750 का 20 परसेंट निकाल लिया तो हमारे पास कितना हो गया 350 हो गया अब हमने किया लड़कियों की संख्या पता लगी लड़कियों की संख्या है पर तीन का कितना प्रतिशत है तो हमने किया कि तीन सौ का कितने प्रतिशत है तो सबसे पहले हमने जैसे कि मैंने आपको समझाया सबसे पहले 350 आ जाएगा उसके नीचे 3000 आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा इन दो जीरो से हमने इन दो जीरो को काट दिया इस एक जीरो से हमने इस एक जीरो को काट दिया आगे देते हैं तीन का भाग पांच में तीन एकम तीन तीन छो तीन ग्यारह तीन एक, एक बार गया है ना और तीन तीनों तीन चौबारा तीन पंजू पंद्रह तीन एकम तीन और तीन एकम तीन बच गए दो ग्यारह पॉइंट कुछ आंसर आ रहे हैं साथियों क्या है ग्यारह पॉइंट कुछ आंसर आ रहे हैं इसके ग्यारह पॉइंट कुछ आंसर आ रहे हैं क्या यह बात समझ लग गई आपको कि कैसे यह आंसर आया है क्या यह समझ लग गई क्या कितना सरल क्वेश्चन था यह क्या आपको समझ लग गया यह क्वेश्चन हमने कैसे किया है मैं कमेंट देख लेता हूं हां सी आंसर है अब बताओ समझ लग गया क्या जूही परवीन आपने लॉकेस इलेवन रिकॉर्ड नहीं लगाया होगा ना जिनको भी अनएकेडमी पर जो भी कोई ज्वाइन करेगा उनको कॉड लगाना पड़ेगा वो अच्छा सुनो कॉर्ड लगेगा इस कॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आप देखो कभी भी अन अकेडमी पर प्लस क्लास ज्वाइन करो आपको रैफल कॉर्ड यही लगाना है बाद में मुझसे ये मत कहना कि सर हमने और क्या किया ये क्या किया यही कॉर्ड लगाना है आपको ध्यान रहे ताकि मैं आपको इन सब में भी हेल्प कर सकूं आइए साथियों अगले क्वेश्चनों को कर लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर नौ अब हम करने जा रहे हैं क्या है साथियों क्वेश्चन नंबर नौ कर लिया हमने नृत्य में हाँ नौ कर लिया नहीं नृत्य का ही था ये क्वेश्चन नंबर नौ कर लिया है हमने अब आठ कर लिया नौ कर लिया है हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स कीजिए साथियों विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत कितना है विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत कितना है ध्यान रहे टोटल छात्र हैं तीन हजार तीन हजार में से सत्रह सौ पचास है छात्राएं तो माइनस कर लो बाकी छात्र बचेंगे उनका प्रतिशत निकालो चलो करो 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 ऑन, कम ऑन ऑन। उसका टाइम चेंज नहीं कर सकता मैंने दस बजे ही कर दिया है उसका टाइम उसका टाइम बिल्कुल दस बजे ही रहेगा उसका कोई बदलाव नहीं उसके टाइम में करिए क्वेश्चन को झूरों में कुल आए हैं ध्यान से करिए मैं सामने से हट चुका हूं मैंने पहले ही कह दिया कि तीन हजार टोटल छात्र हैं सत्रह सौ पचास छात्रा है तो तीन हजार में से सत्रह सौ पचास निकाल दो बच जाएंगे छात्र छात्र जितने बचेंगे उनका आप प्रतिशत निकाल लो तीन हजार में से काम बन जाएगा तीन हजार का प्रतिशत निकाल लो सब लोगों ने बयालीस प्रतिशत का आंसर दिया है अधिकतर लोगों ने क्या कहा है कि सर बयालीस प्रतिशत यहां पर सही आंसर है यार कैसा लग रहा है आप लोगों को अरे ज्ञानी हो गए आप तो मैथ सीख गए रे, लॉजिकल रीजनिंग सीख गए और अब डीआई भी सीख चुके हो मैं पहले दिन को याद करता हूं आज डीआई की क्लास सातवें क्लास है मैं पहले दिन को याद करता हूं कि जैसे ही मैंने कहा डीआई पढ़ाऊंगा आप लोग डर गए थे यार सब डीआई नहीं आता हमसे है ना पहला क्वेश्चन किसी से भी नहीं हुआ था और आज देखो आप में से नब्बे प्रतिशत लोगों ने जो डेली क्लास में आते हैं ना सबने सॉल्व कर दिया ये होती है ताकत दोस्ती की आपकी और मेरी ये है ताकत मजा आ गया ना सही आंसर इसका बयालीस परसेंट और सब लोगों ने सही निकाला एकदम करेक्ट देखो मैं अपने बारे में बतला दूं मैं खुद कई बार जे आर एफ क्वालिफाई हूं देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया है आपको सब पता है मेरे बारे में दुनिया भर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होते रहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का अनुभव है ऑनलाइन संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ काफी दिन से यहाँ पढ़ रहा हूँ अब इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम समझ लेते हैं सिंपल है। कुल छात्र कितने हैं कुल छात्र तीन हजार ठीक है ना कुल छात्र कितने है? तीन हजार छात्राएं कितनी हैं? सत्रह सौ पचास छात्र कितने हैं? इनको माइनस कर देंगे हम 1250, 3000 पचास तीन हजार में से 1750 अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1250 छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 1250। अब टोटल छात्र हमारे पास कितने बारह सो पचास है अब तीन हजार में 1250 सो परसेंट कितने प्रतिशत हैं? अब तीन हजार के ये 12 प्रतिशत कितने प्रतिशत है तो 1250 सो पचास ये बन जाएगा 1250 3000 पचास तीन हजार का कितने प्रतिशत है मैंने सबसे पहले पहली संख्या ऊपर लिखवाने के लिए कहा था आपसे इस संख्या को हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 1250 भाग दे देंगे 3000 का गुणा कर देंगे 100 से इस दो जीरो से दो जीरो को आठ दिया इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट दिया अब आगे हमारे सामने एक सौ पच्चीस बटे तीन अब एक सौ पच्चीस को भाग देंगे तो लगभग इकतालीस पॉइंट कुछ आंसर आएगा जो बयालीस प्रतिशत के आसपास है भाग देकर देख लो आसान क्वेश्चन है आसान दो हजार बाईस में आया क्वेश्चन और बिल्कुल क्या साथियों आसान क्वेश्चन अब बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा अब बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को भाई साहब बोलिए वीडियो लाइक किया कि नहीं कि आप लोगों ने आज हां भाई थ्री टाइम जी आर एफ क्वालिफाइड दिखा देता हूं सर्टिफिकेट्स आप तो मानते आपको नए बच्चों को पता नहीं है ना जिस कुछ लोग नए आए होंगे देखो भाई साहब ये है ये तो मेरा पीएचडी का थीसिस है ये जो आपको दिख रहा है वो और ये मेरी फोटो दिख रही है आपको ये मेरे नेट जे आर एफ के सर्टिफिकेट्स हैं और ये मेरा पी एच डी का थीसिस है और पढ़ने पढ़ाने के भी फोटो मिल जाएंगे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हुए का फोटो दिखा दो और दुनिया भर के आर्टिकल आप डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से सर्च कर लो दुनिया भर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको तो ये एग्जाम को पास करना बहुत बाएं हाथ का खेल है अगर आप ढंग से सही दिशा में चलो तो बहुत सटीक तरीके से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं आपने देखा होगा आने के आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे भी पढ़ा रहे होंगे जिनको खुद की नेट एग्जाम पास नहीं हुई है ऐसे भी लोग पढ़ाते होंगे और कुछ लोग ऐसे पढ़ाते होंगे जो अनुभवशील हैं तो अनुभवशील व्यक्ति को क्या कि केवल एक चीज़ का मालूम नहीं होता है हर चीज़ का मालूम है जैसे कि आप कभी भी पी करोगे प्रपोजल बनाओगे तो मैं आपको पी प्रपोजल हर चीज़ में हेल्प करूंगा क्योंकि ये मैंने लाइफ जिया है डीआई कितने मार्क्स आता हर यूनिट दस नंबर का आता है आपका पीएचडी किस पर है मैंने इंडियन नेशनलिज्म पर काम किया है जो मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो था इंडियन नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद पर मैंने पीएचडी किया इंडियन नेशनलिज्म पर मेरा काम है मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग चीजों में आते रहते हैं इंडियन नेशनलिज्म पर काम किया है मैंने और बताओ अब मैं सवालों के जवाब दूंगा फिर अगला क्वेश्चन सात नंबर का करवाऊंगा अब मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूं आपके मन में जो भाव चल रहे हैं वो एक बार मुझे बतला दीजिए सरिता मीना रही कि सर आपकी क्लास का पता नहीं चल पाया आज होगी या नहीं होगी अब तक देखी है जितनी भी बार किसी ने अगर आईसीटी की एग्जाम दी है तो मेल वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है जी हां साथियों मेल से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और वो है साथियों मेल से संबंधित मेल एम ए आई एल मेल से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है सीसी बीसीसी से संबंधित तो आज का मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने यही लेकर आया हूं कि सीसी क्या होता है बीसीसी क्या होता है एक एक चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा पहले आप क्वेश्चन कर लो और फिर साथियों मैं आपको ये पढ़ाऊंगा देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको आंसर ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो चीजें आपके सामने आसान हो जाएगी मैं थोड़ा जूम कर देता हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में जो हमारी जो अब क्या करें हिंदी जगह आपको चाहिए। दोनों हमको तो हिंदी और है। और आज के टाइम पर बड़े आते हैं तो ऐसा करो मोबाइल को फ्लिप कर लो एक बार अपने को एक बार मोबाइल को इस तरीके से फ्लिप कर लो ऐसे जब बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा ऐसे कर लो मोबाइल को ऐसे ऐसे करोगे तो बड़ा दिखने लग जाएगा शुरू करें मोहन अपने मित्रों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है मोहन अपने मित्रों सोहन रोहन और जॉन के अनुसार ईमेल के माध्यम से कोई चीज गया सबसे पहले आप छोड़ो दो टर्म होते हैं एक टर्म होता है साथियों टू आपको दिख रहा होता है एक होता है सी सी एक होता है बी सी बी सी सी मैं इन तीनों चीजों को पहले समझा देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं ठीक है क्योंकि मेरी क्लास में हमेशा मैं एग्जाम के टाइम पर जो रिवीजन करवा रहा हूं वो इन क्वेश्चंस के आधार पर होता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा ताकि इस आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हैं टू सीसी और बीसी अब इसका मतलब क्या होता है सीसी का मतलब क्या होता है कार्बन कॉपी क्या होता है कार्बन कॉपी बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी अब इनका डायरेक्ट क्या मतलब है इस चीज को समझने का प्रयास करो आप इसकी फुल फॉर्म पर मत जाइए कैसे कैसे हमको मेल लिखने होते हैं देखो आपको अभी ये इस समय दिख रहा है इस समय आपको दिख रहा थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको थोड़ा बेहतर दिखेगा आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इस पीडीएफ को देखने की कोशिश करो आपको कुछ चीजें यहां पर लिख रही होंगी आप ध्यान से इस पीडीएफ को यहां पर देखने की इसको देखने की कोशिश करो आपके सामने एक होगा फॉर्म फ्रॉम सेंड करने वाला यानी कि जैसे आप किसी को मेल कर रहे हो तो फ्रॉम में क्या है सेंड करने वाला ऊपर तो मैंने जूम कर रखा है ना ये देखो सेंड करने वाला अरे भाई ये भी कट रहा है ये यहां लिख लो आप सेंड करने वाला ये तो क्या हो गया साथियों सेंड करने वाला हो गया ओके okay, एक होता है टू जिसको भेज रहे हैं एक होता है सीसी रेक होता है बीसीसी। अब यहां पर क्या होता है सीसी और बीसीसी में क्या है कि चीजों को हाइड करने का प्रयास किया जाता है क्या किया जाता है चीजों को हाइड करने का प्रयास किया जाता है जैसे जो बीसीसी वाले लोग हैं जो भी लोग इस बीसीसीआई में जिनकी भी मेल यहां पर डाली गई है जैसे यहां पर जितने भी मेल बीसीसीआई, बीसीसी BCC के अंतर्गत डाली गई है बीसीसी का मतलब यह होता है कि जो बीसीसी वाले हैं ना ये सीसी वालों को देख सकते हैं कि सीसी में कौन कौन आ रहा है और टू में कौन कौन है लेकिन बी को ये कोई भी नहीं देख सकते अब उदाहरण के रूप में आप इस एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं आइए मान लो यहां पर क्या है किसी की शादी है अभी मैं किसी का नाम लेता हूं कमेंट देकर थोड़ा आउट कर देता हूं चीजों को रुक जाओ रुको हाँ यहां पर है साथियों अंकिता मान लो अंकिता की क्या है शादी क्या है अंकिता की क्या है साथियों शादी है अंकिता की क्या होने वाली है शादी होने वाली लेकिन क्या कि अंकिता की दो दोस्त हुआ करती थी पहले एक दोस्त का नाम था रवीना और एक दोस्त का नाम था टीना अब अंकिता और रवीना में दोस्ती थी बिल्कुल लंगोटिया यार टाइप बिल्कुल गहरी दोस्ती एकदम कट्टर दोस्ती ऐसे एकदम गहरी दोस्ती थी दोनों में हां और टीना से भी इनकी गहरी दोस्ती थी रवीना और टीना और इनकी तीनों की टिक टिकड़ी हुआ करती थी और तीनों की गहरी दोस्ती थी एक दिन क्या था कि ये जो रवीना है इसने अपने नायक की बात टीना से करवा दी और आप तो जानते हो नायकों को है आप तो जानते हो आजकल के जमाने के नायक को कॉन्फ्रेंस में जैसे ही बात करवाई तीनों की क्या होता है नायक ने रवीना से बात करना छोड़ टीना से बात करना शुरू कर दिया और जैसे ही पता लगा कि टीना ने रवि का रवीना का नायक उड़ा लिया उसके बाद में पूरे भाई तगड़ा हुआ इनमें झगड़ा पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में एक दूसरे के बाल खेच दिया एक तरीके से भाई तगड़ा ही झगड़ा हुआ इन तीनों के बीच में अब क्या है कि समय की बात है कालांतर में अब ठीक है नायक तो भौरे हैं भौवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया कोई और तो नायक ने थोड़े दिन टीना से बात की इन दोनों का भी सबका तीनों का ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया समय गुजरा आगे जाकर सबकी कॉलेज वॉलेज पूरी हुई नौकरी नाकरी लग गई अब तो नायक नायिकाओं की गिनती नहीं सब साम्राज्यवादी हो गए अब क्या है अंकिता की शादी होती है अब अंकिता क्या चाहती है रवीना को भी बुलाना चाहती है और टीना को भी बुलाना चाहती है लेकिन रवीना ने बोल दिया कि वो चुड़ैल अगर टीना मुझे दिख गई ना तो उसमें उसके बाल नोच लूंगी टीना ने भी कहा कि वो रवीना नहीं आनी चाहिए अब यार ये तो तीनों की दोस्त अब इनको बुलाना जरूरी है अब क्या किया जाए आज डिजिटल जमाने में ऐसा क्या किया जाए जिससे एक दूसरे को पता ना लगे और दोनों शादी में आ जाए तो अंकिता ने एक युक्ति निकाली युक्ति किससे पूछी मुझसे पूछी मैंने युक्ति निकाली और अंकिता को एक तरीका बतलाया अब तरीका क्या बतलाया आइए इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए अंकिता रवीना और टीना तीन नाम अब मैंने ये कहा कि दोनों जो है ना रवीना और टीना का नाम कहां लिख दे बीसीसी के अंदर लिख दो यहां पर लिख दो टीना और यहीं पर लिख दो रवीना अब इसका मतलब क्या होगा आगे समझाऊंगा और जितने भी इस बाकी दोस्त हैं, अदर अदर दोस्तों का नाम लिख दो सीसी में जितने भी बाकी के दोस्त हैं उनका नाम लिख दो सीसी में और रवीना टीना का नाम लिख दो बीसीसी में अब होगा क्या टीना जो है टीना क्या सबको देख पा रही है जो टीना है ना ये सारे दोस्तों को देख पा रही है ऊपर वालों को लेकिन इसको रवीना दिखाई नहीं दे रही है और टीना राजी हो रही है वो चुड़ैल असली दोस्त तो मेरी है मेरी देख उसने उस चुड़ैल को मेरे कहने से नहीं बुलाया कौन हो रही है राजी इस तरीके से इस तरीके से राजी हो रही है टीना रविना राजी हो रही है देख असली दोस्त तो मेरी है इसने सारे दोस्तों को बुलाया लेकिन टीना को नहीं बुलाया क्योंकि बीसीसी के अंदर ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर आने वाले मेल एक दूसरी मेल आईडी को नहीं देख पाते हैं राइट और जबकि बाकी टू सीसी सी, सबको देख पाते हैं बस एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं एक बात दूसरी सबसे बात जो बी सीसी सी वाले जो लोग हैं सीसी वाले लोग सीसी सी वाले लोग बी सी सी वालों को नहीं देख सकते सीसी सी वाले लोग बी सी सी वालों को नहीं देख सकते अब कुछ चीजें महत्वपूर्ण लिख लो एक बार एक छोटी चीज लिख लो फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाऊंगा टीना रवीना की शादी भी करवाऊंगा और नागिन डांस भी करवाऊंगा क्या है यहां पर एक चीज लिखने की कोशिश करो आओ सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं देख सकते सीसी वाले बीसीसी वालों को नहीं देख सकते जबकि बीसीसी सीसी को देख सकते हैं लिख लो आप तो केवल इतना लिख दो मेरे कहने से लिख दो कि सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते जबकि बीसीसी वाले सीसी को देख सकते हैं एक बात दूसरी बात बीसीसी वाले अपने साथी बीसीसी को नहीं देख सकते अपने साथी बीसीसी को नहीं देख सकते अब क्या होता है आइए अब आ जाते क्वेश्चन पे। तो क्या हुआ कि अंकिता ने टीना और रवीना को बीसीसी के अंतर ना रख दिया अब क्या है कि टीना पहले पहुंच गई शादी में रवीना से पहले टीना जाकर गले मिली भाई यो तो तक तो गर्दा उड़ा दिया मजा कर दिए और बिल्कुल नागन डांस में एकदम नास और मौज कर दिए थोड़ी देर बाद रवीना पहुंची जैसे ही रविना ने टीना को देखा तूने मेरा नायक उड़ा लिया फलाना कर लिया दिखाना कर लिया दोनों में युद्ध की स्थिति हो गई अंकिता ने दोनों को एक कमरे में ले गई पकड़कर घिस कर बिठाया उनको आपस में बिठाए भाई क्यों झगड़ा कर रही हो बात तो बता दो दू। एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए कि इसने देख मेरा वो नायक था फलाने साल में उसको भगा कर ले गई है दूसरी कहने लगी उसने तो मेरे अरे मेरी बहन ने चार दिन ही बात की थी मुझसे तो उसने फिर बात ही नहीं की थी फिर दोनों में आपस में समझौता हुआ और एक बात कह रहे ये सारे एक जैसे होते हैं क्या होते हैं एक डायलॉग बोला है सारे एक जैसे होते हैं अब तो तुम आज की बात बताओ अब कितने नायक हैं फिर बताने लगी मेरे पांच हैं मेरे चार हैं मेरे दो हैं मतलब अपना अपना उन्होंने इतिहास बतला दिया अरे पुरानी बातें छोड़ो आगे बढ़ो जिंदगी में तो क्या कि सब में पैचअप हो गया और फिर वो इन नागिन डांस पर मजे हो गए तो ये कमाल किसकी वजह से हुआ है ये कमाल हुआ है सीसी -सी और बीसीसी -सी की वजह से आइए क्वेश्चन पर जंप करते हैं ताकि आप जीवन में कभी इस क्वेश्चन को ना भूलें आइए क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए खुद आप खुद पढ़कर सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को आप खुद पढ़कर सॉल्व कीजिए चलिए सीसी आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बीसीसी को नहीं देख सकते और बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते पढ़िए खुद करेगा करूंगा अरे देने पड़ते हैं उदाहरण ताकि लंबे समय तक याद रख सको आप इस तरीके से कि चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स और उदाहरण का सारा लेना पड़ता है चलिए कोई आंसर डी दे रहा है कोई आंसर सी दे रहा है और बताइए देखो आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं मोहन अपने मित्रों ध्यान सुनिए मोहन अपने मित्रों सोहन रोहन और जॉन को मेल भेजता है मेल में क्या है आइए यहां पर बात करते हैं टू के अंदर क्या है सोहन है सीसी के अंदर रोहन है और बीसीसी के अंदर जॉन है अब मैंने क्या कहा बीसीसी वाले सीसी वालों को तो देख सकते हैं लेकिन सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते आइए कौन सा आंसर इसमें सही है अब क्या है सोहन को पता है कि क्या ऐसा आती यहां पर सोहन को पता है कि जन्मदिन की पार्टी पंद्रह एक दो को है क्या सोहन इस बात का पता है यहां पर गलत आंसर देना है गलत यहाँ पर क्या देना है गलत आंसर देना है गलत ठीक है गलत आंसर देना है सोहन को पता है कि जन्मदिन की पार्टी पंद्रह एक दो हजार उन्नीस को पता है कि पार्टी तारीख को क्योंकि उसी ने मेल लिखा है यह बात सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है वैसे बात सही है अगली बात सोहन को पता है कि रोहन को ईमेल प्राप्त होगा यह क्या है सोहन है सोहन को पता है कि रोहन को ईमेल प्राप्त होगा बिल्कुल पता है क्योंकि टू सीसी को देख सकता है और सीसी टू को देख सकता है टू सीसी को देख सकता है सीसी टू को देख सकता है केवल नहीं दिखता किसी को भी तो ये भी सही है लेकिन उत्तर के अनुसार गलत है क्वेश्चन के अनुसार गलत है वैसे सही है बात रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त हुआ है यह क्या है जॉन है क्या रोहन को यह पता है जॉन को ईमेल प्राप्त हुआ नहीं क्योंकि जॉन बीसीसी के अंतर्गत है और बीसीसी के अंतर्गत वाला व्यक्ति कभी एक दूसरे को दिखाई नहीं देता है इसलिए साथियों गलत है और उत्तर के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार सी सही है इसमें क्या है सी यहां पर सही है क्या आप समझ गए हो एक बार खुद से पढ़ लो क्वेश्चन को यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मतलब नाम गाम चेंज हो जाते हैं ऐसी कोई एग्जाम नहीं लगी पिछले पांच सालों में पेपर वन की जिसमें सीसी, बीसीसी बी या मेल आईडी का कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो इसलिए मेल आईडी का क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाना है आपको ये मोस्ट है साथियों बहुत ही ज्यादा मोस्ट है मेल आईडी का क्वेश्चन आपको पढ़कर ही जाना है ये पूछा जाता है हमेशा समझ गए सबके सब सबको सब समझ लग गया गाइज सबको समझ लग गया बी किसी को नहीं दिखता है और बीसीसी के अंतर्गत दो तीन व्यक्ति हैं तो आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते हो, ओके? Okay? एक ना सर्च इंजन का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मतलब यार मैं पिछले पांच साल का रिकॉर्ड बताता हूं हमेशा आपसे सर्च इंजन का क्वेश्चन पूछा जाता है ये वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है ये हमेशा ऐसी कोई एग्जाम नहीं अब तक जिसमें सर्च इंजन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है आंसर दीजिए और आप में से सही लोगों ने आंसर दिया है दो चीजें होती हैं एक होता है साथियों हो सर्च इंजन और एक होता है साथियों हो ब्राउजर ब्राउजर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं सर्च इंजन क्या है यहां पर गूगल है जैसे गूगल है याओ है बिंग है ये सब चीजें क्या है साथियों सर्च इंजन है क्या है सर्च इंजन है जबकि इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है ब्राउजर है ये क्या है ब्राउजर है फायरफ़ॉक्स ब्राउजर है ये साथियों क्या है फ्लैश भी साथियों ब्राउजर है जैसे गूगल क्रोम भी क्या है साथियों एक प्रकार का ब्राउजर है तो हमेशा सर्च इंजन पूछा जाता है कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है गूगल क्रोम एक ब्राउजर है सर्च इंजन नहीं है आई रिपीट गूगल क्रोम ब्राउजर है सर्च इंजन नहीं सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल है याओ है बिंग है सर्च है यानी आस्क है ये सब क्या है साथियों सर्च इंजन है ठीक है आजकल ए का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एक शब्द बहुत चल रहा है चैट जीपीटी एक शब्द बहुत चल रहा है आजकल आपने सुना होगा इसके बारे में चैट जीपीटी चैट जीपीटी क्या है साथियों एक ए आई सर्च इंजन है क्या है ए आई ए आई सर्च इंजन है यह भी क्या है साथियों हो एक प्रकार का सर्च इंजन है जो आपको जानकारी लाकर देता है लेकिन कौन है ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आधार पर तो नया क्वेश्चन अब गूगल के साथ साथ यहां पर आपको जुड़ सकता है वो है साथियों चैट जीपीटी एक ये शब्द आगे जुड़ सकता है तो इसको ध्यान रखना चैट जीपीटी एक ए आई बेस सर्च इंजन है आई रिपीट एक गूगल ने भी अपना एक ए आई बेस सर्च इंजन इसको कहते हैं साथियों वो अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा चैट जीपीटी के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा एक बात नोट कर लो अलग से कॉपी में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ए का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आई रिपीट फिर से कह रहा हूं मेरी तरफ देखो सुनो इस बार ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएगा चाहे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी ए का एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसलिए वो किसी भी तरीके से आता है चैट जीपीटी के आधार पर आ सकता है या ए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि ए का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा ए का फुल फॉर्म क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन एआई का एक क्वेश्चन जरूर आएगा ध्यान रखना फिर से कह रहा हूं एआई एक चैट जीपीटी एआई बेस सर्च इंजन है ओके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया हिलाकर रख दी इसने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी एआई ने इतना तगड़ा पॉपुलर है ए AI. अगला क्वेश्चन पर चलते हैं है, ज्वाइंट फोटोग्राफिंग एक्सपर्ट्स JPEG का उपयोग कंप्रेस करने के लिए किया जाता है कंप्रेस का मतलब होता है साइज को कम करना कंप्रेस का मतलब होता है आकार को कम करना आकार को कम करना जैसे आपने देखा होगा आपके आपका कोई फोटो है वीडियो है ये दस एम का है लेकिन जब हम इसको व्हाट्सएप से पर सेंड करते हैं तो उसमें छोटा हो जाता है वो यानी वो क्या हो जाता है कंप्रेस हो जाता है चलिए आंसर करिए सही आंसर आप लोगों ने दे दिया वो है इमेज के लिए अब मैं केवल इमेज वाला क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं यह क्या है साथियों फॉर्मेट है यह क्या है फॉर्मेट है जैसे जेपीईजी जैसे पी एन जी जी आई एफ ये क्या फॉर्मेट है ये किसके इमेज के ये क्या इमेज के फॉर्मेट है यानी फोटोज के फॉर्मेट है इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है जैसे MP3, थ्री यह किसका फॉर्मेट है ऑडियो का जैसे MP4, फोर थ्री जी पी ये फॉर्मेट किसके हैं ये फॉर्मेट है वीडियो के मेरा कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य क्या है कि केवल ऐसा नहीं कि आपसे फोटो का ही फॉर्मेट पूछा जाए आपसे फोटो ऑडियो का फॉर्मेट ही पूछा जा सकता है और आपसे वीडियो का फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है लेकिन फॉर्मेट का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है इसलिए मैंने इस एग्जाम में आपको यह शामिल किया है हर एग्जाम में फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है ओके जो इस क्लास में बाद में जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरी रोज इसी चैनल पर डॉक्टर ऑफिस वाली चैनल पर दो क्लास होती हैं, एक क्लास होती है मेरे समय क्लास टाइम लिख लो आप क्लास टाइम लिखो नोट करो रोज डेली रोज क्लास टाइम क्या है नाइन ए, एक बारह बजे दोपहर बारह बजे एक तो दोपहर बारह बजे और एक है रात नौ बजे ये दो है साथियों दोपहर बारह बजे और रात नौ बजे ठीक है ये टाइम है जिसमें पेपर वन पढ़ाता हूं तो आपको ये समझ लग गया है चलिए एक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को ओ com और इंस्टेंट एक होता है डोमिन नेम डोमिन नेम क्या होता है अलग से समझा देता हूं डोमिन नेम डोमेन नेम होता है आइए मैं आपको डोमेन नेम समझाने का प्रयास करता हूं पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षणिक संस्थान के लिए एक डोमेन नेम ओ आर जी क्या होता है ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जितने भी संगठन होते हैं संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसको अंग्रेज हिंदी में कहते हैं संगठन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं संगठन होते हैं वो ओ आर जी यानी जिसमें एनजीओ वगैरह एनजीओ ये एनजीओ वगैरह जो होते हैं ना इनका क्या होता है डोमिनेम ओ आर जी होता है जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये क्या है जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए डॉट ई डी का काम हो जाता है और जितने भी कमर्शल हैं जैसे अनएकेडमी डॉट कॉम उस डॉट कॉम इंडस्ट्री के लिए ये आ जाता है हमेशा क्या है डॉट कॉम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर डोमेन नेम है डॉट कॉम जैसे अनएकेडमी डॉट कॉम अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊँ जैसे डॉक्टर लोकेश वाली डॉट कॉम अगर मालूम मेरी वेबसाइट है जो क्या है डॉक्टर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 डॉट डॉक्टर एल ओ के ई एस एच बी एल आई डॉट कॉम डॉट इन अब देखो कैसे ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब ये हर वेबसाइट में होता है ये मेरा क्या हो गया साथियों डोमेन नेम हो गया क्या हो गया है मेरा डोमेन नेम हो गया डॉट कॉम ले लिया डॉट इन ले लिया ये क्या है डोमेन नेम है पर अगर हमने एक बार डोमेन नेम ले लिया तो उस नाम का डोमेन नेम कोई भी नहीं कर सकता जैसे किसी कोई वेबसाइट है uh, ugc.co.in तो इस नाम की वेबसाइट अब कोई नहीं बना सकता ये डोमेन नेम खरीद लिया गया है एक है गो डेडी नाम की वेबसाइट है अगर आपने देखा हो गो डेडी गोडेडी नाम की वेबसाइट सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जो uh, डोमेन नेम प्रोवाइड करवाता है वैसे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पर गोडेडी सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जो ये प्रोवाइड करवाता है चलिए एक शब्द ऐसा आते हो फॉर्मेट पीडीएफ आपसे फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है और एक नीचे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन अगला और कर लेता हूं इकतीस एस आई एम सिम का पूर्ण रूप क्या है कमेंट्स करके बताओ चलो पीडीएफ जो आपने देखते होंगे पीडीएफ वगैरह। फॉर्मेट कहते दो सर पीडीएफ सेंड कर दो सर पीडीएफ लगा दो नोट्स लगा दो पीडीएफ के वो कहते हैं ना आप तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है आपको इसका आंसर देना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपने अपने मोबाइल में सिम जरूर लगा रखी होगी सिम एस आई एम इसका फुल फॉर्म बताओ सिम का फुल फॉर्म बताइए क्या आप लोगों ने सबने ईमानदारी से वीडियो लाइक कर दिया हेलो आप ही से बात कर रहा हूं ओ, अरे हाँ बड़े भाई आप ही छोटे हो मुझसे उम्र में हाँ छोटे भाई आपसे ही बात कर रहा हूं हाँ सखी सहेलियों आपसे ही बात कर रहा हूं लाइक कर दिया वीडियो नहीं किया क्यों नहीं किया अभी कर। करो 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 चलिए अब सबसे बड़ी बात क्या होती है आप लोग एम बी जी बी इन सब की बात तो करते ही करते हो आप लोग क्या करते हो एम बी जी की बात तो करते हो आइए बात कर लेते हैं एक टीबी किसके बराबर है एक टीबी एक टेरा बाइट किसके बराबर है बताइए थर्टी वन टीबी अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं पहले आपको थर्टी वन का आंसर दे दो आप में से अधिकतर लोग थर्टी वन में बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है इतने इतने गीगाबाइट देखो क्या होता है एक होता है एमबी एक, एक हजार चौबीस एमबी बराबर क्या होता है एक जीबी ठीक है एक हजार चौबीस जी बी बराबर क्या होता है एक टीबी टेराबाइट ठीक है तो एक हजार जी बी बराबर एक हजार चौबीस जी बी बराबर क्या होता है एक टेराबाइट होता है ठीक है एक हजार चौबीस केबी किलो किलोबाइट देखो कैसे गिनना की जाती है एक होता है केबी किलो किलोबाइट बी किलोबाइट एम बी मेगाबाइट जी बी TB टेराबाइट ऐसे काउंट करते हैं इनको यह क्वेश्चन हर बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है डीएनएस का अर्थ क्या है DNS ऐसे शब्दावली बहुत ज्यादा पूछी जाती है हमसे डीएनएस का अर्थ क्या है थर्टी थ्री का सही आंसर आपको देना है डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम क्या है डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम क्या है डीएनएस का नाम कल की क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा अभी तो लंबी क्लास चलेगी ये वाली भी कल की क्लास में आपको मैं पैराग्राफ करवाऊंगा कॉम्प्रीहेंशन यानी पद्यांश को करवाना सिखाऊंगा और सुनो आज रात नौ बजे से बैच अर्जुना में क्या पढ़ना चाहोगे अभी यहां फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो क्या भाई आप सभी को पता है कि बैच अर्जुना हमारा फुल कॉन्सेप्ट का है जिसमें मैं अब तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं देखो बैच अर्जुना में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं बैच अर्जुना में मैं आपको डी पढ़ा चुका हूं फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको मैथ पढ़ा चुका हूं फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा चुका हूं फुल कॉन्सेप्ट जो इंडियन लॉजिक वगैरह भी हो गया और मैं आपको यहां पर रिसर्च भी पढ़ा चुका हूं आप फुल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं इस बैच में फुल कॉन्सेप्ट का अगला यूनिट कौन सा पढ़ना चाहते हो मुझे यह बता दो कि सर अगला यूनिट ये पढ़ेंगे अगला यूनिट बता दो इस बैच में आज से शुरू कर देंगे मैथ पढ़ा दिए ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये वाला बैच है ये वाला बैच ऑब्जेक्टिव के लिए ही है फुल कॉन्सेप्ट आपको उस बैच में मिलेगा रात को नौ बजे आप तो केवल ये बताओ क्या पढ़ाना है टॉपिक बता दो आप तो केवल टीचिंग अप टू हायर एजुकेशन मैथ कम्युनिकेशन चलो मैं अपने अनुसार रात को आज बना लूंगा डिसाइड कर लूंगा रात को मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ठीक है न्यू टॉपिक मैं आपको रात को पढ़ा दूंगा ओके गाइस थर्टी हाँ, फोर का आंसर दो आपको चीजें समझ लग रही है ना मैं जो ऑफलाइन जो जो बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है मैं उससे पूछना चाहता हूं क्या आपको चीजें समझ लग रही हैं क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं बताओ मुझे आप लोगों ने थर्टी फोर का सही आंसर मुझे दे दिया है और सही आंसर दिया है सी क्या दिया है मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल को एनालॉग संकेत में बदल देता है अब कितने लोग एनालॉग और डिजिटल का मतलब जानते हैं एनालॉग और डिजिटल का मतलब कितने लोग जानते हैं चलिए यह बताइए मुझे एनालॉग और डिजिटल का मतलब कितने लोग जानते हैं मेरे हाथ में ये जो घड़ी है जो आपको इस समय दिख रही है ये क्या एनालॉग घड़ी है जैसे आपने देखा होगा कि जो अपनी सुई वाली जो घड़ी घड़ी हो, होती है ना उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं और जो मीटर वाली जो होती है जिसमें टिक टिक आजकल स्मार्ट वॉच है वो क्या है डिजिटल वॉच है आपने पहला मीटर देखा होगा जो पुरानी बुलेट गाड़ी नहीं आती बुलेट गाड़ी उसमें मीटर रहता सुई वाला ऐसे उसको क्या कहते हैं एनालॉग मीटर कहते हैं और आजकल नहीं ऐसे रेस देते हैं मीटर में ऐसे ऊपर वो क्रमांक चढ़ जाते हैं जैसे और स्पोर्ट्स बाइक आती है उनमें वो क्या है डिजिटल मीटर है तो ये होता है एनालॉग और डिजिटल मैं आपको एनालॉग और डिजिटल का एक रूट होता है मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा एनालॉग और डिजिटल क्या वेव फॉर्म होती है इनमें इसमें क्या होता है वेव फॉर्म होती है एनालॉग में डिजिटल लॉग में जब मैं आपको फुल फॉर्म फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा आगे समझाऊंगा काफी ये पेचीदा मामला है बट आप इतना समझ लीजिए जब मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बैच जुना में तो मैं आपको चीजें समझा दूंगा सिम का मैंने आपको समझाई दिया है चलिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़कर करिए नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार मतलब कौन से एरिया से पूछे जाते हैं जैसे एक तो मेल के एरिया से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मेल वाले एरिया से एक ब्राउजर और सर्च इंजन से तो मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं ब्राउजर और सर्च इंजन का क्वेश्चन करवा रहा हूं एक क्वेश्चन फुल कौन से फुल फॉर्म का आता है जैसे सिम का फुल फॉर्म क्या है डब्ल्यू डॉट का फुल फॉर्म क्या है एक फुल फॉर्म में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूं आप चिंता ना करें वो मेरी जिम्मेदारी है क्या क्या पढ़ना है कुछ बच्चे कह रहे हैं नाइन और टेन यूनिट करा दीजिए मैं सारे यूनिट कराऊंगा दस के दस दस के दस कोई बदलाव नहीं कोई फेरबदल नहीं पूरे दस के दस यूनिट करवाऊंगा थर्टी नाइन ये साथियों इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा क्या है साथियों ब्राउजर है ये क्या है ये, ये ब्राउजर है ये क्या है साथियों ब्राउजर है सारे जिनमें हम किसी चीज को ब्राउज करते हैं वाह अरे वाह इस क्वेश्चन को फिर से करो देखें ये ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले कर लिया था इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़कर करिए मैं साइड में बैठ रहा हूं ध्यान से करिए सबके सब चल ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें सीसी और बीसीसी का आधार पर आपको क्वेश्चन करने हैं कर आंसर आ गया वेरी गुड सब लोगों का सही आंसर वेरी गुड क्या है इसका सही आंसर है बी कौन से निम्नलिखित ईमेल फील्ड में स्वामी को संदेश मिलने पर वे कौन से ईमेल पतों को देख पाएगा या जान पाएगा यानी स्वामी को अगर संदेश मिलता है तो कौन कौन से ईमेल है जिनको देख पाएगा सबसे पहले तो स्वामी कहा है हमारा स्वामी ये स्वामी क्या है बीसीसी के अंतर्गत है तो स्वामी रामा को नहीं देख पाएगा स्वामी रवि को देख पाएगा और स्वामी राज को देख पाएगा और स्वामी इसको देख पाएगा राम स्टेट को यानी स्वामी किस किस को देख पाएगा आइए इसका आंसर करते हैं राम स्टेट डॉट कॉम स्वामी किसको जान पाएगा बिल्कुल राम स्टेट डॉट कॉम को जान पाएगा राज स्टेट डॉट कॉम को जान पाएगा और रवि स्टेट डॉट कॉम को भी जान पाएगा यानी कि तीनों को देख पाएगा कौन स्वामी लेकिन रामा को नहीं देख पाएगा रामा क्योंकि इसके साथ बीसीसी के अंतर्गत है साथ ही बीसीसी वालों को ये नहीं देख पाएगा तैयार हो जाओ चलते तुम तैयार हो जाओ कोई बात ना उसको तुम तो तैयार हो जाओ चलेंगे चल बंदरना तब तक मामले चलता है परेशान हो रही है पता है खाका की कोचर तो सब अपन चल तो रहे ना सब का सभी रहे 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 रहे। उसको क्या फर्क पड़ता है उससे देखो कुछ लोग नए जुड़े हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं मैंने इससे पहले पहला क्वेश्चन करवा दिया था मेल आईडी का क्या होता है बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी के अंतर्गत एक तो हमारा स्वामी है और एक हमारा रामा है लेकिन स्वामी रामा को नहीं देख सकता और रामा स्वामी को नहीं देख सकता यानी बीसीसी वाले एक दूसरे बीसीसी को नहीं देख सकते जबकि ये बीसीसी वाले जो दोनों है ना टू वालों को भी देख सकते हैं और सीसी वालों को भी देख सकते हैं और ये जो टू और सीसी वाले हैं ना ये बीसीसी वालों को नहीं देख सकते ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले पहले ही पढ़ा दिया था पहले क्वेश्चन कर दिया था तो नए बच्चों को समझ नहीं लगा होगा आप समझ लीजिए आप मैं ये कहता हूं हर एग्जाम में, में मेल आईडी का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में इसलिए सीरियस होके इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना अच्छा मैं एक बात सोच रहा हूं कि मैं पेपर एनालाइज भी करवाने की आप लोगों की सोच रहा हूं कि जैसे ही अब मेरे तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे तुरंत फोन कर देंगे सर ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया पेपर एनालाइज भी मैं करवाने वाला हूं तो कितने बजे आप ये बताओ कितने बजे करवाऊं ये बताइए आप तो मुझे बताओ क्योंकि 12 से एक बजे तक तो हमारी यही क्लास है तो फिर कितने बजे हम पेपर एनालाइज करें टाइम बताइए जो पेपर लगकर आएगा ना जैसे कल जो पेपर लगेगा उसका मैं सोच रहा हूं कल मेरे पास तुरंत कॉल आ जाएंगे सर ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन आया उस तरीके से आप में से अधिकतर लोग कह रहे हैं आठ बजे पर दो पारी होती है ना एक तो प्रथम पारी होती है एक पारी होती है दो पारी होती है अब यार इसका तो टाइम बारह बजे ही कर रखा है हमने टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दूंगा कि कितने कितने बजे हमको पेपर एनालाइज करना है टेलीग्राम चैनल पर जानकारी मिल जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्टी वन इनको सजाना है नंबर वाइज हिसाब से बिट बाइट ये सबको ठीक है मैं आपको करवा दूंगा मैं आप लोगों को करवा दूंगा अपने अकॉर्डिंग चिंता ना करें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो वहां पर सूचना मिल जाएगी देखो सबसे पहले बिट आता है एक नंबर पर बिट आएगा फिर साथियों बाइट आएगा फिर किलो बाइट आएगा फिर मेगा बाइट आएगा फिर गीगा बाइट आएगा और फिर साथियों हो टेरा बाइट आएगा ये आंसर सही है सिक्स नंबर का ए टाइम क्या होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्लास के डिसाइड करके आपको बता दूंगा फोर्टी थ्री एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ध्यान रहे ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कहते हैं साथियों आपने देखा होगा कि टीवी रेडियो में एक नीचे रहता है उसको कहते हैं मदरबोर्ड उसके अंदर बहुत सारे चिपला नीला नीला रहता है ना उसको कहते हैं मदरबोर्ड क्या कहते हैं उसको साथियों उसको कहते हैं मदर बोर्ड मदरबोर्ड कहते हैं उसको हां सी डी रोम में पहले सी डी हुआ करती थी एक तो सी डी और एक हुआ करती थी डीवीडी इन दोनों को राइट करने के लिए कॉपी करने के लिए प्रक्रिया होती थी पहले उस प्रक्रिया का नाम बता दो और क्लास की छुट्टी करते हैं फिर बताओ प्रक्रिया का नाम प्रक्रिया का नाम है बर्निंग। पहले इसको बर्निंग बोला जाता था। इस को क्या बोला जाता था बर्निंग तो क्वेश्चन जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास में कंप्लीट किया है ओके गाय पहला क्वेश्चन आपके सामने सर मेरा नाम लीजिए अंशिका गुप्ता राहगीर कह रहे हैं कि क्लास को जारी रखिए बेटा मैं ऐसे मजाक कर रहा था क्लास तो मैं जारी रखूंगा ही रखूंगा क्योंकि आप लोगों को इतना प्रेम मिल रहा है इतनी बड़ी संख्या में आप लोग क्लास देखने आते हो तो मैं आपकी थोड़ी टांग खिंचाई कर रहा था क्लास तो मैं हर हालत तो में रखूंगा ही रखूंगा आप चिंता ना करें मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए वो तो मैं टांग खिंचाई कर रहा था जो लोग नहीं आते उनकी आराम कर रहे हैं उनकी क्लास तो हम रखेंगे रखेंगे नमस्कार जय भीम जय घनश्याम ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए को एक सेकंड क्वेश्चन बदल गया है ये वाला निम्नलिखित में से किस सम्मेलन मैं पढ़ रहा हूं खुद पढ़ रहा हूं किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसी एस डी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका साथियों सही आंसर है वो है साथियों रियो और ट्वेंटी जी ट्वेंटी सम्मेलन ये साथियों सही आंसर क्या है इसका डी आंसर है अच्छा मैंने ये कहा कि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन से बनते हैं आपको औज समताप मंडल आपको जितने भी वायुमंडल हैं उन सभी के बारे में डिटेल आनी चाहिए सबसे कह रहा है सतई का मतलब जो नीचे के हिस्से की बारे सतही ओजोन की निर्मित सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यानी कि साथियों एक ओजोन की लेयर बन जाती है सतही ओजोन वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वो लेयर बनती है आप उसका आंसर दीजिए चलिए सही आंसर है साथियों यहां पर सी नाइट्रोजन सूर्य का प्रकाश और साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड सी आंसर सही है अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है देखो यहां पर मैं आपको यह बता दूं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रदूषण से संबंधित होंगे कुछ जिन प्रदूषण में मृदा प्रदूषण भी हो सकता है ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है एयर प्र, एयर प्रदूषण भी हो सकता है सब तरीके प्रदूषण से क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन एक आता है डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं गरीबी अमीरी इस तरीके के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाते हैं अक्की कह रहे हैं कि पेड क्लास की जरूरत है क्या इन क्लास लेने के बाद में सेकंड ये तो मैं तो केवल पेपर वन पढ़ाता हूं बेटा यहां तो सेकंड पेपर के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो निम्नलिखित में से विकल्पों से, में से संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से प्राथमिक क्षेत्र हैं? कौन से साथियों प्राथमिक क्षेत्र हैं? आइए इसका आप आंसर दीजिए संपोषण पोषण की बात हो रही है यहां पर क्या हो रही है पोषण की बात हो रही है तो पोषण की बात हो रही है तो गरीबी से मुक्ति एक साथियों सातवें का सही आंसर आपको देना है देखो गरीबी से मुक्ति क्षुदा का मतलब होता भूख भूख सुन्नता और साथियों शांति न्याय और सुदृढ़ संताएं शहरीकरण में कमी करने की हमको आवश्यकता नहीं है सही आंसर हो गया डी क्या हो गया आंसर डी क्या हो गया आंसर साथियों यहां पर डी हो गया सही आंसर क्या हो गया डी हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन यहां पर हम एक बार कर लेते हैं निम्नलिखित निम्न शोभ क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है वांछनीय का मतलब होता है जरूरी यह क्वेश्चन अगर आप ये सोच रहे होंगे सर हमसे नहीं आते कोई बात नहीं आज पढ़कर ही याद कर लो इसी तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं निम्न छोप मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण्य वांछनीय के मतलब जरूरी है आपको इनका ध्यान रखना है सही आंसर क्या है उच्च सांद्रण होना यह जरूरी नहीं है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी तल की रक्षा करती है तब तो हर क्लास में हमने पढ़ा है ये सही है तो ए गलत है और आर यहां पर सही है डी आंसर आप लोगों का सही है सर क्लास कभी बंद मत करना आप कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि मैं क्लास को कभी बंद ना करूं ए भाई कितने लोग चाहते हैं आप में से ऐसा क्लास को कभी बंद मत करना कौन कौन चाहते हैं ऐसा बताइए सब चाहते हो तो रात नौ बजे वाली क्लास को हमेशा चलाए रखेंगे जो दिन में मैंने बारह बजे वाली क्लास शुरू की थी बैच द्रोणा वो आज कंप्लीट हो जाएगा बैच द्रोणा बैच द्रोणा की आज लास्ट क्लास है दिन के जो बारह बजे मैंने क्लास शुरू की थी वो एग्जाम को ध्यान में रखकर की थी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम में मैं आपका सब कुछ रिविजन करवाऊंगा कहा था ना कि मैं आपको पी करवाऊंगा एम करवाऊंगा इसलिए मैंने आपके लिए बैच द्रोणा लाया था नहीं तो मेरा बैच अर्जुना चल रहा था पहले रात को नौ बजे फिक्स बैच अर्जुना चल रहा था लेकिन आपको पता है कि अक्समात एग्जाम की डेट आ गई और अक्समात ही जो एग्जाम बाद में लगनी थी वो पहले लग गई तो फिर आनंद फानंद में बैच द्रोणा लाना पड़ा और बैच द्रोणा से आप लोगों का मैंने क्या किया जो पी वाई क्यूज है चाहे रिसर्च के एमसी जो हो चाहे कम्युनिकेशन के हो चाहे आईसीटीसी के हो ये सब मैंने आपको करवा दिया है आज लास्ट क्लास है बैच द्रोणा की मैंने हर यूनिट कंप्लीट करवा दी है मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप हा करते जाना हा करते जाना आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है गाइज आप हा करते जाना कि यार हा पढ़ा दिया है अगर नहीं पढ़ाया है तो नहीं करना यूनिट नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया है पढ़ा दिया है मैंने आपको रिसर्च पढ़ा दिया है पढ़ा दिया है ना मैंने आपको आईसीटी पढ़ा दिया है एमसीक्यू बैच द्रोणा में पढ़ाया है फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है पढ़ा दिया मैंने आप लोगों के लिए मैथ पढ़ा दिया है पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने आप लोगों के लिए डीआई अच्छी तरीके से पढ़ाया है फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया छह यूनिट हो गया सातवा यूनिट क्या बच गया सातवा यूनिट सातवा यूनिट मैंने अभी कल हायर एजुकेशन पढ़ा दिया आपको कल ही क्लास हुई थी पढ़ा दिया आठवें नंबर पर क्या बच गया और क्या बता रहा है बताइए आज पीपुल्स डेवलपमेंट ये मैंने पढ़ा दिया एनवायरमेंट वाला आज ही हो रहा है तो पीडीई ये आज मैंने पढ़ा दिया नवे नंबर का कौन सा बच गया आप बताइए और कौन सी यूनिट बच गई भाई संचार कम्युनिकेशन संचार मैंने पढ़ा दिया एक और यूनिट बच रही होगी लास्ट वाली बताइए लास्ट वाली यूनिट कौन सी बच रही है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च कम्युनिकेशन आईसीटी मैथ लॉजिकल रीजनिंग डीआई, हायर एजुकेशन संचार और कौन सी बच रही है भाई हाँ बोध कॉम्प्रीहेंशन ये भी मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में ही करवाया था रात दिन के बारह बजे तो आप मानते हो कि बैच द्रोणा में मैंने 10 के 10 दस कर, मैंने 10 के दस बैच द्रोणा और बैच अर्जुना मिलाकर मैंने दस के दस पेपर वन के यूनिट कंप्लीट करवा दिए हैं अब मैं जो दिन की जो क्लास है बैच द्रोणा की उस क्लास में थोड़ा बदलाव करूँगा उस क्लास में थोड़ा बदलाव करूँगा और बैच अर्जुना पेपर वन के लिए फिक्स कर देंगे थ्योरी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और जब थ्योरी पढ़ लेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे समझ समझकर गहराई से थ्योरी हम लोग वहां पर पढ़ेंगे और बताओ क्या कहना चाहते हो आप राजेश कहना है कि एवरी वन रि रेस्पेक्टेड सर क्योंकि यू कैन हेल्प मी सर क्या पीएचडी में कोई ऐसा स्कोप है जो जॉब जो के साथ पीएचडी करनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी है आप मुझे कुछ सॉल्यूशन बदल दीजिए पहले दो प्रकार से पीएचडी हुआ करती थी पार्ट टाइम और फुल टाइम जो जॉब वाले लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर लेते थे लेकिन आजकल पार्ट टाइम पीएचडी बंद कर दी है लेकिन जो लोग टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं वो साथ के साथ पीएचडी भी कर सकते हैं सर बैच ड्रॉप दी शुरू कीजिए जल्दी बैच ड्रॉप लल्लन टॉप लगाने के लिए मुझे क्वेश्चन समझाना पड़ेगा बैच द्रौपदी बिल्कुल जल्द हम लोग शुरू कर देंगे चिंता मत करो हाँ इनका फुल कॉन्सर्ट बैच अर्जुन में होएगा इन सभी यूनिट का जिन जिन यूनिटों का फुल कॉन्सर्ट बचा हुआ है उन सभी यूनिट का फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बैच अर्जुना में कराने वाला हूं रात्रि नौ बजे कब कराने वाला हूं बैच अर्जुना में रात्रि नौ बजे डेली क्लास हुआ करेगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा चाहे आप आओ या मत आओ क्लास होगी होगी क्योंकि मैं देख रहा हूं कि और दिनों की बात ही आज की क्लास में बच्चों की संख्या कम है उसका रीजन यह है कि दो दिन से आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के एग्जाम लग गई है अब उनको लगता है कि अब हम गंगा नालिये हैं अब हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर जब एग्जाम दोबारा से जब एग्जाम लगेगी तो एकदम खड़े होंगे वो लोग और फिर जल्दीबाजी करेंगे तो ये कारण है हम 12 बजे वाली क्लास को थोड़ा कैंसिल कर देंगे अभी के लिए हा कम्युनिकेशन वगैरह सब हो गया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको पूरा जिसमें मैंने पूरा वो करवा रखा है क्या कहते हैं वो दे रहे प्ले दे रखी है निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हाँ ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है उसका अगर हम कंपोस्ट तैयार कर दें तो इस विधि को सबसे मोस्ट माना जाता है यह क्या है विधि ये मोस्ट विधि है कंपोस्ट अगर उसका तैयार कर देते हैं तो सबसे बेस्ट मानी जाती है पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है अगर पानी में किस चीज का कैल्सियम नाइट्रेट या किस चीज की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है यह एक प्रकार की बीमारी है जो पॉल्यूशन की वजह से होती है यह होता है नाइट्रेट अगर पानी में ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है सब लोगों का सही जवाब नाइट्रेट अगर ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं यानी प्रदूषित जल के कारण होती हैं इस चीज को ध्यान रखना और क्वेश्चन नंबर अट्ठारह करो नीता के क्या पूछना है बेटा पूछिए हिस्ट्री की क्लास आपको अन अकेडमी पर मिलेंगी हिस्ट्री की क्लास आपको अन अकेडमी पर मिलेंगी मेरे यहां पर केवल पेपर वन पढ़ाता हूं सर आपको गर्मी नहीं लगता इतना ब्लैक ब्लैक बेटा जिस रूम में मैं इसी क्लास ले रहा हूं वहां पर ए चल रही है तो गर्मी नहीं लगती है। ओके ब्लैक ब्लैक इसलिए पहनते हैं जब भी ऐसे इंटर क्लास लेते हैं बोर्ड पर क्योंकि ब्लैक कपड़ों पर लाइट ना रिफ्लेक्ट नहीं करती है अगर मैं व्हाइट शर्ट पहनता तो लाइट ना रिफ्लेक्ट करती तो इससे क्या कि ब्लैक इसलिए पहना जाता है ताकि पीछे का अच्छा दिखे और राइट लाइट रिफ्लेक्ट ना करे इसलिए पहना जाता है सिंह मैसेज पढ़ने के लिए कह रही हैं पढ़ता हूं बेटा इसका सही आंसर हमको आज मैं आप लोगों के मैसेज भी पढ़ूंगा डी आंसर सही है क्या साथियों ग्यारियालिस और टाइफाइड और जो डेंगू जो होता है ना ये साफ पानी में होता है अगर आपके मन में ऐसा लग रहा हो ये साफ पानी में मादा एनी फ्लीज मलेरिया का है वो तो माफ करना ये डेंगू होता है साफ पानी में ही होता है इसलिए ये प्रदूषित जल की बात हो रही है तो इसलिए नहीं आएगा डी निम्नलिखित में से कौन सीओ टू गैस का सबसे बड़ा सिंक है यानी सबसे ज्यादा सीओ टू कहां से आपको मिलेगा चलिए हा रिमपी जी केम्स हो आपका फोन आया था मैं बात करूंगा आपसे कल बात करूंगा रिम्पी जी कैसे हो आप रिम्पी जी इस बार एग्जाम अच्छे से देखे आ रही है आपको ध्यान रहे सही आंसर है साथियों महासागर इसका सही आंसर है महासागर कितने लोगों का सही आंसर है आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा आह्वान जन्य प्रदूषक है चलिए चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा ये बीसवे का आपको सही आंसर देना है और बीसवे का सही आंसर है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए बैच अर्जुना फिर से स्टार्ट हो रहा है रात्रि नौ बजे से हम फिर से फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कितने लोग हैं जो क्लास में कल से बैच अर्जुना रात्रि नौ बजे आना शुरू कर देंगे जिसमें फुल कॉन्सेप्ट पेपर वन को हम पढ़ेंगे या कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देने के बाद में सोना चाहते हैं महीना दो महीना या मेरे साथ पढ़ना चाहते हो आप लोग बताओ जल्दी बताओ कितने लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं अभी बैच अर्जुना में रात नौ बजे से फुल कॉन्सेप्ट पेपर वन और इतने कैसे लोग हैं जो सोना चाहते हैं बताइए एकदम तैयार हो जाइए गाइज कल से फिर से लौट रहा है बैच अर्जुना अच्छा किया तुमने आकर जिंदगी में अब नया नया सा हो गया हूं तुम्हें पाकर जिंदगी में भेदूंगा सभी लक्ष्य ऐसा निशाना दिया है तुमने आकर जिंदगी अब नया धनुष नया बाण दिया है तुमने आकर जिंदगी में भेदूंगा सभी लक्ष्य ऐसा निशाना दिया है तुमने आकर जिंदगी में मैंने बहुत दिन पहले एक कविता लिखी थी कि अच्छा किया तुमने आकर जिंदगी में उसमें एक पंक्ति है उसमें एक पंक्ति है कि अच्छा किया तुमने आकर जिंदगी में अब नया नया सा हो गया हूं तुम्हें पाकर जिंदगी में उसमें एक पंक्ति है अब नया धनुष नया बाण दिया है तुमने आकर जिंदगी में भेदूंगा सभी लक्ष्य ऐसा निशाना दिया है तुमने आकर जिंदगी तो ये मैंने बहुत दिन पहले एक कविता लिखी थी आज से तीन चार साल पांच साल पहले तो उसकी एक पंक्ति है साथियों तो फिर से जुड़ेंगे और फिर से हम जो बैच अर्जुना है फुल कॉन्सेप्ट वाला उसको लेकर आएंगे तो यार फिर से वही धनुष वही बाण लेकर आएंगे अर्जुन का ताकि एकदम मछली की आंख को भेद सके हम लोग चले साथियों बीस का सही आंसर ए है मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि जब तक मैं फुल कॉन्सेप्ट नहीं समझा देता कैसे मैं आपको हर चीज समझा दूं इसलिए मैं सारी चीजें फुल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं डिटेल्ड में मैं आपको समझाने वाला हूं और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र रहा था स्कूल इस में इसलिए ये चैप्टर को मैं स्पेशल आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से विज्ञान वर्ग का छात्र आहूं मैं इसलिए मैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा जो आप कहीं नहीं पढ़ोगे वो यहां पढ़ाऊंगा कि यार किस किस तरीके से क्या क्या होता है एक एक चीज डिटेल पढ़ूंगा अभी तो हम एम क्यूज पढ़ रहे हैं तो अभी आप देख लीजिए देन हम फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से भारत देश में बहुत सारी क्रांति हुई थी मत्स्य पालन को लेकर क्रांति हुई थी हरित क्रांति हुई थी दुग्ध क्रांति हुई थी श्वेत क्रांति हुई थी बहुत सारी क्रांति हुई थी निम्नलिखित में से कौन सा भी कथन नील क्रांति के आदर्श को प्रस्तुत करता है अपना उत्तर यहां पर चुने नील क्रांति से संबंधित आपको आंसर देना है चलिए आपके मैसेज पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कब स्वीटी सिंह कह रही है सर मेरा एसएमएस पढ़िए बेटा स्वीटी अब आप मैसेज लिखो क्या है आपका मैसेज हाँ बेटा देख रहा हूं इसमें तो नहीं है नहीं है बेटा नहीं है ओके okay तो ट्वेंटी वन का आपको सही आंसर देना था और ट्वेंटी वन का सही आंसर है ए देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना ये साथियों नील नील क्रांति की बात है मछली उद्यान से संबंधित वहनीय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य को की आय में बढ़ोतरी करना और साथियों देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना जिस तरीके से हरित क्रांति हमारी खेती बाड़ी पर हुई थी उसी प्रकार से श्वेत क्रांति दुग्ध पर हुई थी उसी तरीके से नील क्रांति जो आई थी साथियों देश में वो मछली पालन के बढ़ावा देने के लिए आई थी आपको पता भी नहीं है आपको अंदाजा भी नहीं है आप इसके बारे में पढ़ना जरूर कि हम क्या थे और कहाँ पहुंचे हैं मैं सल्यूट करना चाहूंगा उस जमाने के हमारे नायकों को देश के नेताओं को अधिकारियों को जिन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से देश को यहाँ तक पहुँचाया है नहीं हम हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी जब अंग्रेज छोड़कर गए थे जब भूखे देश को आगे बढ़ाना सारी योजनाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी बॉडीज सारी संस्थाएं स्थापित करना उनको एप्लीकेबल बनाना ही अपने आप में बड़ी बात थी भाई साहब कमाल किया पहले चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ध्यान से पढ़ना वायु भूमि जल और ध्वनि को ध्यान में आपको रखना है इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है वायु भूमि जल और ध्वनि अर्जुन बैच का दस बजे समय नहीं हो सकता सिर्फ नौ बजे ही रहेगा हमेशा दस बजे से नहीं रहेगा नौ बजे ही रहेगा बाईस का आंसर दो सही आंसर है साथियों बी क्या है वायु प्रदूषण किससे होता है वायु प्रदूषण होता है उद्योग थर्मल विद्युत संयंत्र मोटर वाहनों के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण होता है भूमि प्रदूषण क्यों होता है भूमि प्रदूषण होता है रसायन उर्वकों से जल प्रदूषण क्यों होता है जो उद्योग वगैरह का जो कचरा निकलता है उससे ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है सड़क वायुयान इन सब से होता है तो इसका आंसर बी सही है बी आंसर सही है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओके डेली क्लास होती है नौ बजे आप चिंता ना करें बैच अर्जुना को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बैच अर्जुना में भी, भी फुल कॉन्सेप्ट में यूनिट बाकी हैं तो बैच अर्जुना को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आप बिल्कुल भी चिंता ना रखें हम बैच अर्जुना को लगातार चालू रखेंगे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है आंसर दीजिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है 23 योगा विथ अनीता कह रहे हैं कि सर हम जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका क्लियर ना हो जाए पेपर क्लियर ना हो जाए आप लोग पीछा छुड़ाना चाहोगे तब भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है आप तो नादान अबोध हो अभी आपको यह भी पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसलिए मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है आपको केवल नेट जे करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है नेट जर एफ के बाद में आपको पी एच डी कैसे और कहाँ से करनी चाहिए यह भी समझाऊंगा पीएचडी के बाद में आप प्रोफेसर कैसे बनोगे ये भी मैं आपके लिए सुनिश्चित करूंगा बिल्कुल चिंता ना करें ये मैंने आपसे एक दिन वादा किया था उस वादे का हाथ है कि ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर चलिए 23 का आपको सही आंसर है साथ एस सी वन्य जीवों पक्षियों और पौधों के संरक्षण तथा इससे जुड़े हुए मामले मैं यहां पर हिंदी साहित्य की क्लास भी लेने की सोच रहा हूं हिंदी साहित्य का एक बैच शुरू करने जा रहा हूं हिंदी साहित्य का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जिस बैच का नाम है द्रौपदी बैच का नाम है बैच द्रौपदी बैच ड्रॉप दी शुरू करने जा रहा हूं दिन के 12 बजे क्या ख्याल है आप लोगों का एक में पेपर वन रात को 9 बजे पेपर वन और एक सब्जेक्ट में शुरू करने जा रहा हूं धीरे धीरे और सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे अभी एक सब्जेक्ट से शुरू करते हैं आप क्या स्वागत करोगे इस चीज का देखो धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट से शुरू करेंगे आप लोग कहोगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स धीरे धीरे एक से करते हैं एक से शुरुआत तो करते हैं आप लोगों के रिस्पॉन्स तो देखते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स आया तो फिर देखेंगे दीपक कह रहे सर आज मैराथन चलने दो मैराथन तो चलने देंगे पर आज बच्चे कम है ना क्लास में सब लोग सो रहे हैं आराम से सही आंसर सातों सी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक पढ़िए और फिर आंसर दो देखो यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है सीएसआईआर नेट में नेगेटिव मार्किंग होता है यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है अभी तक आतिशी कह रही है कि रिंकी सोनी आतिशी कह रही है कि हिंदी वालों के लिए लॉटरी लग गई है हां यार मैंने यूट्यूब पर आज तक अभी हिंदी नहीं पढ़ाया पहली बार पढ़ाऊंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में और अलग अलग जगह तो बहुत पढ़ाया है लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं पढ़ा यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाएंगे तो मजा आ जाए गर्दा डा दूंगा गर्दा इतना भयंकर पढ़ाऊंगा कि एक बार तो मतलब देख कर लोग दीवाने हो जाए क्योंकि भाई मैं शुरुआत करूंगा तो तगड़ी करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा तुम इस बात को जानते हो या तो मैं शुरुआत करूंगा तो तगड़ी करूंगा या फिर नहीं करूंगा तो तगड़ी शुरुआत करेंगे ऐसा कंटेंट लाएंगे जो कहीं नहीं है बेहतर माइंड सेटअप से एकदम मस्त मौला अंदाज में पढ़ेंगे रोज मजा आ जाएगा पेपर वन में कितने नंबर चाहिए सत्तर नंबर के आसपास लिया ना बहुत है चलिए साथियों 26 का हम आपको सही आंसर देते हैं 26 का सही आंसर है साथियों बी 26 का सही आंसर है बी नीचे मदों के दो समूह दिए गए हैं समूह ए और समूह दो शुष्क अपशिष्ट यानी जो कूड़ा कचरा होता है सूखा वाला उसके लिए क्या होता है उसको पुनर्चक्रण के द्वारा सही किया जा सकता है गीला अपशिष्ट को खाद बनाया जा सकता है उर्वरक का मतलब होता है खाद बनाना जो विशेला जहरीला अपशिष्ट होता है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में से जो कुछ निकलता है उसको हम जमीन में गाड़ देंगे और जो मलिन यानी मलिन जो होता है उसको साथियों हम नगर पालिका के कूड़ादान में डाल देंगे ऐसे क्वेश्चन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं और बड़े सरल होते हैं साथियों क्वेश्चन अच्छा मैं एक बतला दूं आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें ही बतलाता जाऊंगा आज मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता जा रहा हूं सर जे के लिए कितने क्वेश्चन होने चाहिए राहगीर देखो बेटा मैं ये बात मानता हूं कितने क्वेश्चन होने चाहिए आप एक मानो पचास क्वेश्चन होते हैं पेपर वन में इनमें से तुम पैंतीस क्वेश्चन सही कर दो और सौ क्वेश्चन होते हैं पेपर टू में इनमें से तुम सत्तर के क्वेश्चन सही कर दो यानी कि लगभग आप सत्तर परसेंटेज बना लो इससे आपका नेट पास हो जाएगा अगर दोनों पेपरों में मिलाकर सत्तर बना लो आप यानी 210 के आसपास नंबर आ जाएंगे 210 के आसपास तो आपका बेड़ापार हो जाएगा इतना आप मानकर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी पढ़ो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको कंचन रावत कह रहे हैं एस वालों का कितने नंबर लेना पड़ता है सर जी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है अगर आप अड़सठ परसेंटेज के आसपास बनाओगे तो हो जाएगा दो चार दो चार परसेंटेज का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एस टी ओ एस सी ओ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अच्छा एक काम करो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि नेट में कितना कट ऑफ जाता है ऐसा वीडियो बना रखा है मेरा नाम लिख लेना डॉक्टर लोकेश बाली आ, आगे आपको मिल जाएगा है नहीं ड्रॉइंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते भाई नहीं नहीं देखो सारी क्लास आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास अनएकेडमी पर मिलेंगी अनकेडमी पर इस समय ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है आपको पता हो तो मैं बता दूँ अनकेडमी पर ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है अभी कोड लिख लो एल ओ के ई एस एच डबल वन लगातार है इस कोड से आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आज मैं आपसे अब मैं करूंगा बात अब मैं आपके सवालों के जवाब ये सिलेबस है हमारा यूनिट नंबर पांच का देखो एक तरीके एक री अब एक बात बतलाऊं आप लोगों को देखो अब तक की जितनी की एग्जाम लगी हैं, जितनी भी एग्जाम अब तक लगी हैं दीपक एवरीबडी 2021 के पेपर को सबसे तगड़ा माना जाता है कि 2021 का पेपर बहुत तगड़ा उखाड़ने वाला आया था हिला के रख दिया हम सबसे पहले 2021, 2022 इन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे लेकिन उससे पहले हम कॉड की थ्योरी को समझ लेते हैं कि कॉडिंग रिकॉर्डिंग क्या होती है फिर हम पीवाई क्यूज करेंगे देखो मेरा हमेशा एक तरीका है कि पहले हम थ्योरी समझेंगे और फिर हम पीवाई क्यूज और एमसी क्यूज करेंगे तो चलते हैं थ्योरी की तरफ कॉडिंग रिकॉर्डिंग की थ्योरी समझ लेते हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल बताओ बेटा ये लिख रखा मैंने टेलीग्राम चैनल पीडीएफ नोट्स के लिए माय टेलीग्राम चैनल डॉक्टर लोकेश वालियान अकेडमी ये बैच अर्जुना की वजह से थोड़ा दिक्कत कर दिया इसने दिखाई कम दे रहा होगा ना नीचे लिख रखा है ये रखा के लिए टेलीग्राम कल के नोट्स मिल गए आपको क्लास खत्म होते ही मैं नोट्स अपलोड कर देता हूं वहां पर तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है एक काम करो नोट्स के लिए आपको क्या करना है ये जो कमेंट्स है ना जो अभी जो फर्स्ट कमेंट है जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी फर्स्ट कमेंट में मैं नोट्स की लिंक पिन कर दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे मैं टेलीग्राम पर अपलोड करके उसके एक लिंक बनाकर मैं आपको फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा लिंक उस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप नोट्स पर पहुंच जाओगे तो आपको दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मैं आपके लिए सारा इंतजाम करके लाया हूं ओके सारा इंतजाम करके लाया हूं आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें इस क्वेश्चन को समझ लेंगे उससे पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं चलिए थ्योरी की तरफ हम लोग रुक करते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है क्या यार ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आराम से पढ़ पा रहे हो क्या ऊपर वाले क्वेश्चन को ऊपर वाला बयालीस नंबर वाले को पढ़ पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो बताओ नंबर क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ लोग लो कैसे बात बनेगी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पर जंप करेंगे देखो यहां पर लिख रखा है यदि नारंगी को मक्खन मक्खन को फलाना ढिकाना हमकाना ये वो ये फलाना देवरानी जेठानी कहा जाती है तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा तो एक ट्रिक पल्ले गांठ बांध लो लल्लन टॉप गुरु जी की मेरी एक ट्रिक क्या है अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिखाई दे इस प्रकार का कोई सवाल दिखाई दे तो आपको पूरे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको क्या करना है लास्ट वाली चीज पढ़नी है कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा हमने सिर्फ अंतिम लाइन को पढ़ना है कि कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा एक क्वेश्चन करा देते हैं फिर बड़ी स्लाइड पर चलते हैं तो फिर क्या करना है आपको कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा उल्टा चलो यहां से उल्टा चलो ए, नारंगी का नहीं मधु का नहीं मधु का नहीं 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 शाही का शाही का शाही का शाही का शाही साबुन का कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा साबुन का प्रयोग किया जाएगा तो ट्रिक यह है कि साबुन से जो अगला जो शब्द है वही हमारा आंसर आएगा और इसके आधार पर हमारा आंसर आ गया शाही हमारा आंसर आ गया है चलो अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है ना तो हम लोग फिर उन क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे पता है दिखने में आपको दिक्कत आ रही होगी चलो शुरू करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर एक से दिखने में दिक्कत आ रही होगी इसलिए यहीं से शुरू कर देते हैं आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें भाई अगर दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूं क्वेश्चन नंबर एक पहले आप ट्राई करो 2019 में हमसे पूछा गया है अरे मेरे पास ऐसी ऐसी जादुई ट्रिक है यार मैथ आसान है सीखना इसी क्लास में सिखा कर जाऊंगा चाहे एक घंटा की क्लास लगे चाहे दो घंटे की क्लास लगे इसी क्लास में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके जाऊंगा दूसरी क्लास की जरूरत ही नहीं है मेरी गारंटी है तुम बस क्लास में बने रहो चाहे एक घंटा दो घंटा ढाई घंटा तीन घंटा जितनी भी लग जाए पढ़ा कर जाऊंगा पूरी यूनिट को यही तो हूं मैं दिक्कत क्या है चलिए क्वेश्चन को कीजिए एक बार आप ट्राई कर लो फिर तो मैं कराऊंगा कराऊंगा आपको देखो कल भी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे हमारे सामने क्या दे रखा है सी एच ए आर सी ओ ए एल इसकी एक संख्या दे रखी है ये वाली कि भाई इस संख्या का उपनाम ये है तो इन्होंने क्या कर रखा है चार पांच एक छ चार नौ एक एक और तीन यानी कि इन्होंने क्या किया सी को तो चार बुला दिया एच का नंबर पांच रख दिया ए का नंबर एक रख दिया आर का नंबर छह रख दिया सी का नंबर चार रख दिया ओ का नंबर नौ रख दिया ए का नंबर एक रख दिया एल का नंबर तीन रख दिया तो अगली संख्या इस वाले का हमको नंबर बनाना है तो आ जाओ बेटा इसका हम नंबर बना लेते हैं तो क्या है सी ओ इधर देखिए सी ओ एल आई नीचे लिखता हूं सी ओ एल आई सी ए आर अब जैसे कि क्या है कि सी का अर्थ क्या है चार तो सी का मतलब हमने क्या लिख दिया चार लिख दिया एच का मतलब क्या है ओ का मतलब क्या है ओ का मतलब इन्होंने क्या लिखा है ओ का मतलब यहां पर नौ लिखा है ए का मतलब क्या लिखा है ए का मतलब एक लिखा है एल का मतलब क्या लिखा है एल का मतलब तीन लिखा है आई का मतलब क्या लिखा है आई यहां कहीं आई है क्या एल आई आई तो कहीं भी नहीं है यहां पर भी आर सी ये आई नहीं है। सी एल सी ए आर तो सी का नंबर क्या लिखा है चार लिखा है एक का नंबर एक लिखा है और आर का नंबर क्या लिखा है तो यार उनचास तेरह इकतालीस छह तेरह इकतालीस उनचास तेरह इकतालीस कहीं है क्या तेरह इकतालीस तो इसका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा ये 2021 का क्वेश्चन आया था देखो कितना सरल है अब आप लोग कह रहे हो सर कठिन था कठिन था कठिन था मुझे कहीं कठिन लगा क्या इसमें या आप देखो इसमें लिंक बनाना है आपको देखो मैंने कल की क्लास में नंबर वाली क्लास में भी आपको क्या समझाया था मैंने नंबर वाली क्लास में भी आपको यह समझाया था कि एक संख्या का दूसरी संख्या से हमको लिंक बनाना है समझ लग गई ना आपको बात समझ लग गई अगले क्वेश्चन से आप और भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे पैसेंस रखो पूरी कोडिंग डिकोडिंग समझा कर ही जाने वाला हूं अगला क्वेश्चन जो 2020 में आया है इसको ध्यान से पढ़ो क्या है इसको ध्यान से पढ़ो ढंग से यानी किसी कूट भाषा को ये भाषा को यह कहा जाता है उपनाम नहीं होते क्या कई बार जैसे मेरा जैसे मुझे क्या मेरा नाम क्या है मेरा ओरिजिनल नाम है मेरा ओरिजिनल नाम है डॉक्टर लॉकेस मेरा ओरिजिनल नाम क्या है डॉक्टर लॉकेस बाली ठीक है लेकिन मेरा डॉक्टर लॉकेस बाली की जगह मेरे जो कॉलेज वाले दोस्त थे मुझे अलग नाम से पुकारा करते थे और वो थे ये लकी इस नाम से पुकारा करते मेरा उपनाम था ये उसी प्रकार से क्या है कि यहां पर जो केमिस्ट्री है ना इसको इन्होंने इस वाले लेंग, इस वाले नाम से पुकारा है इन्होंने केमिस्ट्री को इस वाले नाम से पुकारा है तो उसी तरीके से इस वाले नाम का अर्थ क्या होगा सीधा सा फंडा है कि जो लिंक इधर देखिए ध्यान से समझते जाइए कॉपी में नोट करते जाइए कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध अगली लैंग्वेज में होना है अगले नाम में होना है जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इसमें और किसी अन्य में होगा अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और संबंध के बारे में सोचो कि क्या इसका संबंध है गाइस। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली मेरी थोरी की जो चीज है ना वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है यहां पर नहीं मैं थोरटिकल चीज में आपको पढ़ाता बाद में देखने की जरूरत क्या है इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं क्या नंदनी बेटा बाद में देखने की क्या जरूरत है अभी देखो ना काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में पल में परले होगी बहुरी करे वो कब आज ही कर जो भी कुछ करना है वो कल तक का वेट मत कर अब देखो यहां पर हम लिख देते हैं साथियों सी एच ई एम I S T R Y. इसके नीचे हम इस शब्द को लिख देते हैं ताकि हम इसका अर्थ समझ पाएं इसके नीचे ये शब्द जो मैंने लिखा है साथियों वो मैं यहां पर लिख रहा हूं D G F L J R U क्यू और जेड लिख दिया अब इनके बीच में हमको एक संबंध स्थापित करना है आइए उस संबंध के बारे में बात करते हैं अब संबंध क्या है अगर सी कितने नंबर पर आता है सी आता है तीन नंबर पर मैंने कल की क्लास में समझाई थी पूरी बी सी डी सी तीन नंबर पर आता है और डी कितने नंबर पर आता है डी चार नंबर पर आता है इसका मतलब यह हुआ क्या सी से अगला एक प्लस हो रहा है इसमें बात समझ लगी एक प्लस हो रहा है ना यहां पर गाइस एक प्लस हो रहा है गाइस एवरीबॉडी एक प्लस हो रहा है इतना समझ लग गया भाई यहां एक डी कैसे आया भाई सी से अगला डी है आ गया अब देखो जी कितने नंबर पर आता है सात नंबर पर और एच कितने नंबर पर आता है आठ नंबर पर इसका मतलब हुआ कि यहां पर माइनस एक का संबंध है फिर समझ लो देखो सी आता है तीन नंबर पर ए बी सी तीन नंबर पर आता है ए बी सी तीन नंबर पर आता है डी ए बी सी डी चार नंबर पर आता है तो तीन के बाद में चार यानी एक बढ़ गया यहां पर गाइज एक बढ़ गया यहां पर एक बढ़ गया बढ़ गया ना अब यहां पर क्या है एच और जी एच कितने नंबर पर आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी आठ नंबर पर एच आता है और G कितना नंबर पर आता है सात नंबर पर यानी कि H में से G को कम करेंगे तो माइनस एक आएगा ये सीरीज बन रही है श्रृंखला बन रही है ध्यान से समझो आप ये सीरीज और श्रृंखला बन रही है अब E E कितने नंबर पर आता है A B C D E E पांच नंबर पर आता है F आता है हमारा छह नंबर पर यानी प्लस का एक एम आता है हमारा तेरह नंबर पर एल आता है हमारा बारह नंबर पर माइनस का एक जे आता है आई आता है नौ नंबर पर जे आता है दस नंबर प्लस का एक एस आता है कितने नंबर पर एस कितने नंबर पर आता है बताओ एस आर अठारह पर आता है और आर आता है अठारह पर और आर आता है आर आता है अट्ठारह पर और एस आता है उन्नीस नंबर पर तो माइनस का एक आता है बीस नंबर पर यू आता है इक्कीस कल की ट्रिक याद करो यू इक्कीस यू इक्कीस तुम इक्कीस हो तुम इक्कीस हो यूम तुम तुम बेस्ट हो तुम बेस्ट हो यू यू यूस तो कल हमने सीखा था और प्लस एक हमेशा साथियों प्लस एक सीरीज बन गई है अब अगला जो नंबर है इसको भी हमको उसी तरीके से करना है अब बताओ जी से अगला क्या है जी के बाद में एक जोड़ दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इधर ध्यान से देखते जाइए सब लोग जी में प्लस एक जोड़ेंगे ये, 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 ये रिश्ता ये है वो अगर हम यहां पर जी आता है हमारा सात नंबर पर जी कितने नंबर पर सात नंबर पर आता है एफ कितने नंबर पर आता है छह नंबर पर आता है एफ कितना कितना बताओ जी आता है हमारा जी सात नंबर पर तो एक प्लस होगा एच आएगा एच एक हो जाएगा प्लस यानी कि यहां पर आ जाएगा एच प्लस एक हो जाएगा ई आता है पांच नंबर पर तो यहां पर छह नंबर आएगा छह नंबर क्या है बताइए साथियों हां तो यहां पर आ जाएगा साथियों डी आ जाएगा इसी प्रकार से अगर मिलान करेंगे तो ये आंसर आएगा मिला लो माइनस वन माइनस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अगर हम मिलान करेंगे तो डी आंसर आएगा इसका क्या आएगा आंसर डी आएगा क्या आपको समझ लग गया है क्या क्या आपको समझ लग गया है क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह समझना ज्यादा जरूरी है क्या आपको यह समझ लग गया है क्या आपको यह समझ लग गया है अरविंद अरविंद क्या समझ लग गया है तुझे अरविंद क्या समझ लग गया है कि ये कैसे आया देखो हमने एक सीरीज बनाई प्लस वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन और माइनस वन और प्लस वन इस सीरीज के अनुसार अगर हम इनमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो ये वाली संख्या आएगी क्या आप चाहते हो कि मैं समझाऊं इसको क्या आप चाहता हो कि मैं समझाऊं इसको या सही है आगे बढ़ू आगे बढ़ू वेरी गुड समझ आ गई गाइज देखो एक भी चेला छूटा जे आर एफ संकल्प टूटा मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको ये सवाल नहीं आए हर व्यक्ति को अगर मैंने इस चैनल पर पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है देखो यार बहुत सारे लोग नए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले इस चैनल को जब मैंने बनाया था तो कभी भी मैं इस पर क्लास नहीं लेता था मैंने हमेशा इसको गाइडेंस के लिए बनाया था कि आपको गाइड करूंगा मेरा जो पीएचडी का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव को शेयर करूंगा है ना बट फिर मुझे लग रहा था कि यार इस पर पेपर वन पढ़ाना चाहिए और मैं ये एक साल से सोच रहा था मैं सोच रहा था कि नया चैनल बना लेता हूं फिर मैंने कि यार इतने चैनल कहाँ संभलेंगे बहुत सारा काम होता है इसी पर पढ़ाते हैं और आप लोगों ने जो कमाल का रिस्पॉन्ड आप लोगों ने किया है सर मजा आ गया जी के के सब करा देंगे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ए में देखो बहुत से लोगों ने ए आंसर कर दिया होगा अगर आप देख रहे होंगे यहां तक और यहां तक ये यह सब कुछ सेम है लेकिन लास्ट में एक्स है और लास्ट में यहां पर जेड है आपको ये चीज कंफर्म करनी है साथियों और इसी के अनुसार हमारा यहां पर डी आएगा आंसर ए नहीं आएगा डी आंसर आएगा कर कर देख लो आप आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं एक क्वेश्चन करिए ये मोस्ट है साथियों ये ये मोस्ट क्वेश्चन है ये आ रहे हैं आपके एग्जाम में 2019 में आया ये ये 2019 में आया ये पेपर में बड़ा सरल है देखो क्या है मैथ रीजनिंग की जो हम लोग ना दसवीं के बाद में हम लोगों ने मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी इसलिए हमको मैथ से ना डर लगता है मैं आपको मैथ उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से एक स्टूडेंट मैथ को पढ़ता है आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हमारे सामने तीन शब्द है बी ए एट इन्होंने बी ए एट को तेबीस लिखा है और सी ए एट को चौबीस लिखा है बी ए एट को तेबिस और सी ए एट को चौबीस लिखा है तो उसी तरीके से बी ए डबल एल का नंबर क्या होगा अब आप में से सब लोग क्वेश्चन करिए उत्तर कीजिए इसका फिर मैं समझाऊंगा एक मिनट का समय देते हैं सर आपका सीधे म्यूजिक को सुनाई पड़ता है मुझे सर इंग्लिश की क्लास इंग्लिश का भी करवा देंगे इंग्लिश मीडियम में चाहिए क्या आपको ठीक है मैं इंग्लिश मीडियम की स्लाइड लगा दूंगा अच्छा म्यूजिक ज्यादा आ रहा है क्या जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो ज्यादा वो इसको उस, स्लो करूं थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा आ रहा है तो उसे स्लो करूं क्या ये बताओ ज्यादा आ रहा है तो स्लो करूं थोड़ा सा आप बताइए अगर बैकग्राउंड का जो म्यूजिक चल रहा है उसको स्लो करूं तो बोलो कर दो सर स्लो नो सर चलो कर देता हूं स्लो मामूली से स्लो कर देता हूं खुश कर दिया देखो क्या है मैंने आपको बार बार समझाया था बी कितने नंबर पर आता है बी आता है बेटा दो नंबर पर ए कितने नंबर पर आता है ए आया एक नंबर पर टी आया बीस नंबर पर अगर दो और एक तीन और बीस को जोड़ेंगे देखो इन्होंने क्या इसका योग है इस दोनों का योग क्या है तेबिस ध्यान से देखो इधर देखिए देखिए हमारे सामने एक संख्या है बी ए टी इसका योग आगे कर दिया तेबिस कैसे तेबिस आया है बी को जोड़ो बी आता है दो नंबर पर प्लस एक को जोड़ो एक आता है एक नंबर पर टी आता है बीस नंबर पर अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा तेबिस आ गया यहां पर आ गया उसी तरीके सी ए टी को जोड़ो सी आता है बेटा तीन नंबर पर ए आता है एक नंबर पर और टी आता है बीस नंबर पर तो अगर बी सर एक इक्कीस तीन कितने आता है चौबीस नंबर पर यानी कि यहां पर जो नंबर है ना उसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो बी ए डबल एल का मतलब क्या हो गया बी ए डबल एल का मतलब होगा बी कितने नंबर पर आता है दो नंबर पर आता है बी कितने नंबर पर दो आता है प्लस ए कितने नंबर पर आता है एक नंबर पर आता है और कितना आता है एल बारह और एल बारह कितना नंबर बारह दोनों चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस इसका सही आंसर है आंसर क्या है साथियों सत्ताईस है जिन लोगों ने सत्ताईस आंसर दिया है उन्होंने सबने सही दिया है इसका सही आंसर है सत्ताईस मजा आ रहा है क्लास में बहुत बड़ी संख्या में आप लोग लाइव देख रहे हो इस वीडियो को अगर तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार और सेकंड थिंक ये है कि अभी तक अब जो इस वीडियो को बाद में देख रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लोग भी लाइक करके जरूर जाना और कमेंट्स जरूर करना अपना सजेशन जरूर देना हाय रिम्पी जी हेलो 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 चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस पर जंप करते हैं देखो यार क्या है क्वेश्चन कीजिए फोर्टी फाइव दिखाई दे रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस प्रकार के मैं इसको इसको लिख देता हूं बोर्ड पर क्योंकि इसको समझाना जरूरी है आपको इसको समझाना जरूरी है मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं इसको ठीक है यहां पर क्या किसी सांकेतिक भाषा में दो को इस नाम से जाना जाता है तो क्या है साथियों सो को किस नाम से जाना जाता है एस पी आर ई ए डी आगे लिख लगा ए आर ई डी रेड और सी ए आर पी ई टी ये ये लिख दिया चार सौ सैतालीस के सामने दो सौ छप्पन का अर्थ ये है मैं लिख रहा हूं दो सौ छप्पन का अर्थ क्या है दो सौ छप्पन का अर्थ कितना है साथियों डस्ट डी यू एस टी डी यू एस टी डस्ट ओ हाँ ओ एन ई वन और सी ए आर पी ईटी ठीक अगला है साथियों दो सौ चौसठ का अर्थ क्या है दो सौ कल मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा आज छोटा छोटा थोड़ा काम चला लो एक क्वेश्चन कराऊंगा वन रेड कारपेट आज आज थोड़ा सा काम चला लो कल मैं बड़ा कर दूंगा वन रेड आरईडी और सी ए आर पी ईटी सी ए आर पी ई टी ये सवाल आपके सामने हैं और अब इसमें हमसे पूछा है कि डस्ट के लिए कौन सा अंक आएगा डस्ट के लिए कौन सा अंक आएगा अब हमसे सवाल पूछा गया है इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक याद करो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को आर करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है बताऊं ट्रिक इसकी क्या है सब लोग इसको नोट कर लो कॉपी में पहले इसको नोट कर लो कॉपी में एक बार सबके सब, सब नोट करो चलो तो कॉपी में नोट करो पहले इसको एक बार सबके सब के नोट करो नोट करो सबके सब एक बार इसको अब इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले समझो देखो पढ़ाई हर कोई करता है लेकिन पढ़ना सीखना चाहिए आप पहले पढ़ाई करना सीखो ताकि हम ज्यादा समय तक क्वेश्चन को याद रख सकें क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो हमेशा अभ्यास मांगती है लेकिन अगर हम चीजों को लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो फिर हमको अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहेगी अब मेरी बात समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे सबसे पहले जिस शब्द को पूछा गया है तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है मुझसे इन्होंने पूछा है डी का मतलब तो डीयूएसटी को ढूंढो डी देखो जिस पंक्ति में डी यू टी आता है इसका मतलब यह हुआ या तो आंसर दो आएगा या आंसर पांच आएगा या आंसर छह आएगा इन तीनों शब्दों के अलावा कोई आंसर नहीं है तो ये बाकी के सवालों को तो वैसे ही काट दो ये नहीं आएगा और साथियों ये नहीं आएगा अब या तो आंसर ये आएगा या फिर आंसर ये आएगा आइए ट्रिक से आगे बढ़ते हैं देखो जब भी हमने सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना सबसे पहले।, सब पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमसे पूछा गया क्या है जो शब्द हमसे पूछा गया है उसको यहां पर चिन्हित कर लेना है और फिर हमको क्वेश्चन को हल करने की शुरुआत इसी पंक्ति से करनी है इस पंक्ति से कैसे करेंगे मान लो इसमें से एक शब्द पकड़ लिया हमने ओ ओ ओ एन 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 ई ई ई शब्द शब्द पकड़ लिया हमने o -N -E. अब ये इस तीनों लाइनों में ढूंढो -E क्या आपको यहां पर ओ एन ई -E दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको यहां पर ओ एन ई दिखाई दे रहा है गुरु जी ये दिखाई दे रहा है यानी कि पंक्ति नंबर दो और पंक्ति नंबर तीन में समान शब्द है समान शब्द को ढूंढो समान शब्द इधर लुक एट मी इधर मेरी तरफ समान शब्द को ढूंढो कि हमने एक समान शब्द और एक समान शब्द इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं में इसमें से और इसमें से समान संख्या हमको निकालनी है क्या निकालनी है साथियों हमको समान संख्या यहां से हमको निकालनी है समान संख्या अब यहां पर समान संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर आपको लास्ट में टू सिक्स टू यार देखो यहां पर दो ये यहां पर एक तो संख्या दो है ये री और एक संख्या दो ये री। इसका मतलब वन का जो अर्थ है ना वो क्या है दो है का मतलब क्या है दो है तो दो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता अब अगला सवाल है कारपेट कारपेट है एक ये येरा इसको मिलाओ और एक कारपेट येरा और एक कारपेट रहा यानी लाइन नंबर वन टू थ्री वन टू थ्री तीनों लाइन में समान अंक है तीनों लाइन में क्या है समान अंक तो हम इन संख्या में इन इधर की इधर की साइड यहां पर यहां पर आपको तीनों लाइन में एक शब्द होना चाहिए ऐसा नहीं है कि दो लाइन में मिल गया और एक में नहीं मिला तीनों में कौन सा समान है देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर क्या दिखाई दे रहा है दो छह चार में से कोई मेह समान अंक तीनों में एक शब्द समान होगा साथियों हो। दिखाई दे रहा है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है हमको दो देखो पिछली संख्या का अर्थ दो नहीं होता मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी ऊपर ध्यान से देखा नहीं जो पिछली संख्या का अर्थ होता छे ये होता है पिछली जो संख्या थी ना उसमें छ कट जाता और दो बच जाता और इस वाली का हो जाता दो मैंने ऊपर देखा नहीं यहां पर आ जाता पिछली वाली का यानी कि वन का आ जाता छ और कॉर्पेट का आ जाता दो अब जो हमारे पास जो संख्या बची है ना साथियों कितनी संख्या बची है पांच अब हमारे पास जो, जो पांच बचा है ना वही हमारे इसका आंसर है देखो दो काम आ गया छह काम में आ गया दो और छह काम में आ गया तो पांच अब बचा तो आंसर यही है अब बताओ एक बार थोड़ा देख लो इसको अच्छी तरह समझ लो एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लो बहुत ज्यादा काटा फांसी हो गई है मैं अगली चीज में इसको ढंग से समझा दूंगा दोबारा समझा देंगे एक बार इसको देख लो आप अगले क्वेश्चन से समझा देंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन से फिर समझा देंगे चलिए एक बार देख लो आप इसको अच्छे से है ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसमें समझेंगे आराम से इसको कर लेते हैं 47 ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला मैं फिर से सेंटेंस लिख देता हूं नीचे आपको आसानी से होगी। जैसे 253 कारथी ने क्या बताया ये बताया है जैसे मैं लिख देता हूं 253 थोड़ा साफ-साफ लिखने की कोशिश करूंगा B O O K R ओल्ड अगला है 546 कारथी है मेन इज ओल्ड पाँच अब अलग 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 कलर से लिख देता हूं ना ताकि हमको आसानी हो जाएगी समझने में ठीक है तो पांच सौ यहां पर हो गया पांच सौ मैन ए एन मैन इज ओल्ड अब अगले कलर से लिख देता हूं ताकि थोड़ा साफ सुथरा रहे मामला तीन सौ सैंतीस सड़स तीन सो अठहत्तर तीन सो अठहत्तर को क्या, रही है? क्या रही है? बाई गुड बुक बी यू वाई बाई गुड बुक गुड बुक ओके दिख रहा है सबको एक बार देख लो इस तरीके संख्या जमा लो आप बाई गुड बुक दिख रहा है इस एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा मैं लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर हम लोग बड़े वाले क्वेश्चन पर चल जाएंगे चिंता ना करें आप तो लिख लिया वीडियो को लाइव कर दिया चलिए अब हमको क्या करना है सबसे पहले हमसे यह देखना क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है आर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है यहां पर पूछा गया आर के लिए कौन सा अंक आएगा हमसे पूछा गया है कि आर के लिए कौन सा थोड़ा थोड़ा पैसेंस रखो एक मिनट का पैसेंस रखो समझ आएगा ठीक आर के लिए हमको कौन सा अंक आएगा तो सबसे पहले हमको यह ढूंढना है आर कहां लिखा हुआ है तो सबसे पहले आर लिखा हुआ है ये ला, आर ये लिखा हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आंसर जब भी आएगा ना पंक्ति नंबर वन में से ही आएगा आंसर जब भी आएगा इसी पंक्ति में से आएगा इसका मतलब यह हो गया जिस पंक्ति में जिस पंक्ति का हमसे सवाल पूछा जाए आंसर उन्हीं तीन अक्षरों में से एक है इनमें से अब हम क्या करेंगे आइए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे यहां से एक संख्या उठाओ जैसे हमने ओल्ड उठा लिया यहां पर ओल्ड अब ढूंढो ओल्ड कहां कहां लिखा हुआ है एक पंक्ति में ओल्ड ये लिख रखा दूसरी पंक्ति में भी ओल्ड लिख रखा है यानी इन दोनों पंक्तियों में ओल्ड लिख रखा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है दोनों ऊपर की ये ये जो शब्द लिख रखे ना ये वाले ये वाले इन दोनों में समान अंक होना चाहिए अब आपको कोई दोनों में समान अंक दिखाई दे रहा है क्या मुझे दिखाई दे रहा है पांच मुझे कौन सा अंक दिखाई दे रहा है ये पांच वाला अंक मुझे दिखाई दे रहा है ओल्ड का ओल्ड का क्या हो गया पांच हो गया दोनों में मुझे समान दिखाई दे रहा है क्या इतना समझ गए आप गाइस क्या इतना समझ आ गया क्या क्या इतना समझ आ चुका है मुझे बताओ क्या इतना समझ आ गया है कि पांच कैसे पता लगा पांच का पांच का कैसे पता लगा ये पता लग गया आपको ये समझ आ गया वेरी गुड अब अगला शब्द आर को तो छोड़ दो अब बुक को पकड़ लो अगला शब्द क्या है हमारा बुक है अब हम अगले शब्द को पकड़ते हैं और अगला शब्द क्या है साथियों हमारा क्या है बुक है तो हमने बुक को पकड़ लिया अब ढूंढो बुक और कौन सी जगह लिख रखी है इस वाली बीच वाली लाइन में बुक नहीं लिख रखी इस वाली लाइन में यहां पर बुक लिख रखी है दोनों जगह बुक लिख रखी है पता लग गया हमको दोनों जगह बुक लिख रखी है अब हम क्या करेंगे पंक्ति नंबर एक और पंक्ति नंबर तीन में समान अंक ढूंढेंगे अब देखो पंक्ति नंबर एक और पंक्ति नंबर तीन में क्या है समान अंक मुझे यहां पर समान अंक दिखाई दे रहा है तीन क्या दिखाई दे रहा है तीन समान अंक दिखाई दे रहा है तो अब पांच काम में आ गया तीन काम आ गया बचा कौन दो तो जो दो बचाना वही हमारा आंसर है इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही आंसर दो एक नंबर है अब बताओ किसको समझ नहीं लगा Coding, अब बोलो कि किसको समझ नहीं लगा अब बताओ कि भाई मुझे समझ नहीं लगा सर अगर नहीं लगा तो मैं आपको अभी समझा दूंगा बोलो अरे देवी जी मैथ ही है ये मैथ कब कराएंगे मैथ ही चल रही है मैथ ही देवता मैथ ही चल रही है इसी को मैथ कहते हैं मैथ का सिलेबस है ये ऐसे ऐसे पूछो मत सबको आ गया एक भी ऐसा है क्या जिसको नहीं आता हो एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आता हो सबको समझ लग गया गाइज समझ गए सर वेरी गुड तो चलिए अब थोड़ा बड़े अक्षरों की तरफ चलते हैं क्योंकि ये थोड़े छोटे अक्षर में करवाने के लिए लाया था ये बहुत सारे क्वेश्चन थे मैं करवाने के लिए लाया था लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है हम थोड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अब ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे गाइस ये आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे आप लोग चिंता ना करें आपको साथियों क्वेश्चन नंबर पांच करना है पहले आप ट्राई करो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा यह क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का साल उन्नीस दो हजार अट्ठारह में आया है इसको करो मैं पानी ले आता हूं जब तक पानी पी लेता हूं यार इसको करो जब तक पानी पी लेता हूं मैं रोज रात्रि क्लास नौ बजे हुआ करेगी ये एक दिन में एक प्रश्नावली पहले मैथ और डीआई, उसके बाद में रिसर्च कम्युनिकेशन वगैरह पहले मैथ और डीआई। आई चलेगा इसको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 2018 में आया था ये का आंसर करो सिक्स का मत करो बेटा अभी पांच वाला क्वेश्चन करो आप पांच वाला करो अभी छह का बाद में कराएंगे देखो आपको क्या करना है पहले इन दोनों का लिंक समझना है कि इन दोनों में क्या लिंक है इन दोनों में क्या लिंक है अरविंद इस क्लास में है क्या अभी भी? भी? अरविंद इस क्लास में है क्या अगर है तो मुझे जल्दी सवाल का जवाब बता आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने डी आंसर दिया है लेकिन हमको सबसे पहले समझना है कि डी आंसर आया कैसे हमको समझना है कि डी आंसर कैसे आया पहले इस चीज को समझ लेते हैं देखो यार हमारे सामने संख्या है F, A, C और E। एक संख्या हमारे सामने ये है दूसरी संख्या जो हमको दे रखी वो है H, C, E और G। अब इन दोनों का इनका हमको संबंध अब पता लगाना है इसका संबंध हम कैसे पता लगाए आपने देखा होगा F कितने नंबर पर आता है छह नंबर पर आता है F। ए बी सी डी ई एफ छह नंबर पर आता है एफ एफ कितने नंबर पर आता है हमारा छह नंबर पर आता है एच कितने नंबर पर आता है आठ नंबर पर आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आठ नंबर पर आता है ठीक है तो यहां छह और ये आठ इसका मतलब क्या हुआ प्लस दो का अंतर है दोनों के बीच में कितने का अंतर है प्लस दो का अंतर है इस, इसका मतलब क्या हुआ प्लस दो का अंतर है राइट भाई इन दोनों का क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि प्लस दो का अंतर है इसके बीच में ए कितने नंबर पर आता है एक नंबर पर? पर सी कितने नंबर पर आता है तीन नंबर पर यहां पर भी प्लस दो का अंतर है इस बात को समझ गए यहां पर भी कितने का अंतर है प्लस दो का अंतर है सी कितने नंबर पर आता है तीन नंबर पर ई आता है पांच नंबर पर यहां पर भी प्लस दो का अंतर है ई आता है साथियों कितने नंबर पर ई पांच नंबर पर और जी आता है सात नंबर पर यानी कि हमने देखा है कि इस संख्या में हर संख्या में दो अंक अधिक है इस संख्या से यह संख्या दो अंक अधिक है। इसका यह संबंध है तो उसी प्रकार हमको एच आई जी एच का अंक निकालना है तो हमने क्या निकाला एच आई जी एच एच आई जी एस का तो एच आता है आठ नंबर पर दस नंबर पर क्या आता है जे आता है दस नंबर पर जे आता है दस नंबर पर आई आता है नौ नंबर पर के आता है ग्यारह नंबर पर लिख दिया ना दो जब जो, दो जोड़ते जा रहा हूं मैं जी आता है सात नंबर पर आई आता है नौ नंबर पर एच आता है आठ नंबर पर जे आता है दस नंबर पर जे के आई जी के आई जी सही आंसर है अब बताओ किसी को समझ नहीं लगा हो तो बोलो अब बताओ किसी को समझ नहीं लगा हो तो बोलो कि सर मुझे समझ नहीं लगा है थ्री टाइम जे आर एफ क्वालिफाइड हूं मैं देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है मैंने कई साल तक कई सालों का यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव है कई साल तक मतलब पिछले पाँच छह साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं इसका एक्सपीरियंस है दुनिया भर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं आप विश्वास करके इस क्लास में आओ मैं अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया तो फिर आप लोगों के छुड़ाने से भी नहीं छोड़ूंगा और घसीट कर जीआरएफ तक लेकर जाऊंगा और मेरा केवल उद्देश्य आपको जीआरएफ करवाना नहीं है जीआरएफ के साथ साथ आपको पीएचडी वगैरह करवाना भी मेरा उद्देश्य है विनीत नाम का एक लड़का है वो कह रहा है कि आउट ऑफ कंटेंट पढ़ा रहे हैं मैथ रीजनिंग के अलावा सब्जेक्ट पढ़ाइए सब मैथ रीजनिंग तुझे आउट ऑफ कंटेंट लगता है भाई छोरे मैथ रीजनिंग तुझे सिलेबस का हिस्सा नहीं लगता है क्या बे ये देख ये देख अपनी आंख खोल आँख खोल भाई आंख खोल ये देख, ये देख सिलेबस मैथ रीजनिंग का सिलेबस है और ये कोडिंग डिकोडिंग ये देख सिलेबस का हिस्सा है बेवकूफ फिर आप जैसे लोग फेल भी होते हैं जब सिलेबस तो आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो ये सिलेबस है ऑफिशियल ये ऑफिशियल सिलेबस है कई लोग कह रहे हैं कि सर ये सवाल ये स, वो नहीं है देख ये सिलेबस है ये इधर देख अपनी नजर दौड़ा के सिलेबस को जब तक नहीं पढ़ोगे पूरी तरीके से आजकल सवाल एग्जामिनर ऐसे ही पूछ रहा है आप लोगों से शाणे लोगों की मुझे इस क्लास में जरूरत भी नहीं है पढ़ने वाले छात्र चाहिए सिलेबस पढ़ो देखो ये देखो हिंदी में लिख रखा है कूट और अंग्रेजी में लिख रखा है कॉड अंग्रेजी में कहते हैं कॉडिंग डिकॉडिंग कॉड कहते हैं हिंदी में कूट कहते हैं देखो कूट लिख रखा है हिंदी में और अंग्रेजी में कौड लिख रखा है हिंदे को यह सिलेबस का हिस्सा है, है ना समझ लग गया लग गया समझ चलिए देखो जिनको पेपर वन और पेपर टू दोनों पढ़ना है ना अगर आपके पास ये सारा सब्जेक्ट है यानी पेपर वन भी आपके पास है और इन सारे सब्जेक्टों में कोई सब्जेक्ट आपके पास है या कॉमर्स इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी एजुकेशन ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर एनवायरमेंट होम साइंस इलेक्ट्रोन लेबर लॉ फलाना इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट सोशोलॉजी संस्कृत लॉ साइकोलॉजी पंजाबी तो यार आप एक काम करो अन अकेडमी पर क्लासेज ज्वाइन कर लेना पेपर वन और पेपर टू की दोनों की क्लास मिलती है मैं खुद पढ़ाता हूं वहां पर लॉकेस इलेवन कोड लगाना देखो आपके पास जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे मार्केटिंग टीम के लोगों का कॉल आएगा जो नहीं होते जो लोन ले लो रिचार्ज करवा लो टाइप लोग नहीं होते हाँ मार्केटिंग टीम के लोगों को कॉल आएगा तो उनसे बात कर लेना लेकिन जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो ये वाला कॉड जरूर लगाना तब आपको क्लासेज मिल जाएंगी आप नौ महीने के लिए तेरह हजार फीस है और तीन महीने के लिए छह हजार फीस है ये जो फीस है पेपर वन की और पेपर टू की दोनों की है दोनों की लाइव क्लास होती है रेफरल कार्ड लॉकेशन में लगा लेना और मुझे सर्च कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीना के नाम से अगर मेरी फ्री क्लास देखना चाहते हैं आप अन अकेडमी पर फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो रोज दोपहर बारह बजे होती हैं। दोपहर बारह बजे होती हैं, जरूर आया करो स्पेशल क्लास में इसी टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेज देता हूं अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं तब भी अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने देखो मैं YouTube पर पेपर सेकंड नहीं पढ़ाता हूं अन अकेडमी पर हम लोग पेपर सेकंड पढ़ाते हैं पेपर वन ही मैं केवल YouTube पर पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स सब लोग हम अनकेडमी पर पढ़ाया जाता है इस वाले क्वेश्चन को कीजिए आप इस वाले क्वेश्चन को कीजिए आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगी कल हम और प्रश्नावली पढ़ेंगे मैं एक काम करूंगा, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा सारे मैं आपको क्या करूंगा, जब भी हमारी क्लास समाप्त होगी क्लास जैसे ही एंड होगी वैसे मैं आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा और इस क्लास की फर्स्ट कमेंट में इस क्लास की फर्स्ट कमेंट में अर्जुना बैच का पूरा लिंक प्ले का और नोट्स मिल जाएंगे हर क्लास के नोट्स पहली कॉमेंट में मिल जाएंगे आपको चिंता ना करें जी के पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है पेपर वन में करिए चलिए गाय क्या कमेंट किया आपने बहुत बढ़िया सी आंसर आप लोगों ने दिया है अब देख लेते हैं इसका आंसर सी है या फिर इसका आंसर डी है ओके अगर इसका सी आंसर आया है तो कैसे आया है इस चीज को हम देख लेते हैं आइए समझ लेते हैं चीजों को अच्छी तरीके से क्या दे रखा है ये 2019 का पेपर है साथियों 2019 के एग्जाम में पूछा गया है सॉल्यूशन के लिए ये जो मीनिंग है ना ये वाली मीनिंग इसके लिए इन्होंने एक मिनिंग ये रख दी इन्होंने कहा कि हम ये जो शब्द है ना इसको इस नाम से ना बुलाकर इस शब्द को हम इस नाम से बुलाएंगे मैंने ठीक है भाई बुला लो हम मना थोड़ी ना कर रहे हम तो उसके भाई बहन का नाम भी वैसे दे रहे हैं जैसे मान लो किसी के एक भाई का नाम चौथा है तो तुम उसके उससे उसके बड़े भाई का नाम पहचा नहीं रख दोगे सोचो मान लो गांव में किसी एक लड़के का नाम चौथा है उससे अगले वाले भाई का नाम पैचा नहीं रख दोगे आप आम। क्योंकि हमारे गांव में चौथा पांचा है इसलिए कह रहा <laughs> तो भाई इसको इसको इस नाम से बुलाएंगे तो फिर हम तो अगले शब्द इसको हम अलग नाम से बुला लेंगे सीधी बात है ना चलो सबसे पहले तो लिंक निकाल लेते हैं कि इन दोनों का क्या लिंक है इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है आइए इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है तो सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, एस ओ थोड़ा छोटा लिख देता हूं एस ओ एल यू टी एस ओ एल ओ यू टी आई ओ एन ये शब्द हमारा एक हो गया अगला जो शब्द है ये रहा आर फाइव के टी एस एच फाइव एम अब हमको इसका लिंक निकालना है आइए निकाल लेते हैं सब भाई मिलकर चिंता क्या करते हो लिंक में निकल जाएंगे एस कितने नंबर पर आता है s 19 नंबर पर आता है r कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पर आता है मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल की क्लास में मैंने आपको पूरे अल्फाबेट याद करवाए थे a कितने नंबर पर आता है b कितने नंबर पर आता है c कितने नंबर पर आता है d कितने नंबर पर आता है सब पढ़ाए थे तो अगर s 19 नंबर पर आता है r 18 नंबर पर आता है इसका मतलब -1 हुआ ना भाई अगली संख्या घटती हुई आ रही है भाई जैसे शुरुआत का शब्द में और इसके शुरुआत के शब्द में माइनस एक का अंतर है चलिए ओ यहां पर इन्होंने पांच नंबर दे रखा है इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देते हैं एज इट इज एल कितने नंबर पर आता है एल एल आता है बारह नंबर पर के आता है ग्यारह नंबर पर यानी कि माइनस एक का अंतर यू में यू आता है उन्नीस नंबर पर आता आता है यू आता है माफ 21 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर माइनस एक का अंतर हर संख्या में माइनस एक का अंतर हर, हर, हर संख्या में अगर माइनस एक का अंतर आ रहा है तो हम इस संख्या में भी हर एक में माइनस एक का अंतर लगवाएंगे कैसे लगवाएंगे ध्यान से देखो इधर को कैसे लगेगा माइनस एक का अंतर इधर देखिए भाई बी सी आता है तीन नंबर पर सी आता है तीन नंबर पर बी आता है दो नंबर पर आता है दो नंबर पर आर कितने नंबर पर आता है आर बताओ मुझे आर कितने नंबर पर आता है आर रिदम बनाओगे तो याद रहेगा बताओ आर कितने नंबर पर आता है आर आता है अट्ठारह नंबर पर और क्यू आता है सत्रह नंबर पर कल ट्रिक सिखाई थी क्यू सत्रह क्यू सत्रह क्यू सत्रह क्यू सत्रह आता है पंद्रह नंबर पर एन आता है चौदह नंबर पर एम आता है तेरह नंबर पर एल आता है बारह नंबर पर ई e आता है तीन नंबर पर डी आता है E आता है पांच नंबर पर डी आता है चार नंबर पर तो बी क्यू एन एल डी बी क्यू पांच बी क्यू पांच एल डी माफ करना ये उसमें पांच पांच है ना पांच सेम की सेम लिखा जाएगा ये सी आंसर आ जाएगा इस तरीके से माइनस एक 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 अब बताओ कोई समस्या है किसी को किसी को कोई समस्या है कितना सरल तरीके से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब हम डी को पढ़ लेंगे ये पूरा सिलेबस है ना नंबर से, नंबर सीरीज हो गई आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग होगी कल मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको भाई भतीजा की जोड़ी रिलेशन पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और टाइप ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन हम कराएंगे दूरी अनुपात समानुपात प्रतिशतता, लाभ वगैरह सब आपको पढ़ाई जाएगी आप लोग चिंता ना करें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग पेपर वन के ऑल यूनिट कवर करवाऊंगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ देर में आपसे बात करना चाहूंगा फिर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे अब बताओ गाइड समझ लग रहा है यहां तक जितनी भी बात मैंने समझा दी क्या आपको सब कुछ समझ लग गई आशीष भाई क्या हाल है हाय सानवी प्रेमिला नीतू एवरीबडी बताइए सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा क्लियर तो दिख रहा होगा थोड़ी इंटरनेट की स्पीड से ही करो आप सर पेपर वन में जीके आता है क्या जीके नहीं आता बेटा पेपर वन में करंट का जीके नहीं आता वो आता है पर्यावरण का पार्ट आता है और हायर एजुकेशन का पार्ट आता है पर जीके नहीं आता बिल्कुल दीपक जरूर हो जाएगा और बताओ सर समझ में आ गया बस प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करने के लिए मैं नोट्स दूंगा इस क्लास के खत्म होने के बाद पहली कमेंट्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दो वीडियो को बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दो ओके अब जो को कुछ कमेंट पूछना हो कमेंट कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं आपको बहुत जल्दी फॉरम आने वाले हैं अरे चेला विनय क्या हाल है भाई क्या हाल है चेले विनय ओके देखो डीआई एक ऐसा चैप्टर है डीआई को पढ़ने के लिए हमको तीन चीजों की आवश्यकता है देखो ये डीआई का फाउंडेशन चल रहा है डीआई पढ़ने के लिए जब भी हम डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई पढ़ेंगे ना देखो आपको कुछ सीख के आने की जरूरत नहीं है सौ तक गिनती सीख कर आ जाना इसमें बहुत सारे लोग विनय वगैरह बहुत सारे मेरे अन के स्टूडेंट देख रहे हैं इनसे ये बता देंगे आपको आपको सौ तक की गिनती आनी चाहिए DI समझाने की जिम्मेदारी मेरी डी सीखने के लिए हमको तीन प्रश्नावली सीखनी पड़ती है एक तो औसत निकालना यह मैं आपको सिखा दूंगा एक प्रतिशत निकालना आना चाहिए एक औसत निकालना एक प्रतिशत निकालना आना चाहिए और एक आना चाहिए रेशियो निकालना अनुपात समानुपात तीन प्रश्नावली अगर आपसे आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन डी का गलत नहीं करोगे और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं हर चीज को सिखाने की अगर मैंने बीड़ा उठाया है तो कुछ सोच समझ कर ही ये बीड़ा आया होगा ओके डीआई को कितने डीआई को आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताओ आप लोग सभी कि डीआई पढ़ने में कितनी समस्या आती है आप लोगों को कितने लोगों को डीआई नहीं आता कितने लोगों को डीआई नहीं आता डीआई मैं पढ़ाऊंगा कितने लोगों को नहीं आता सब लोग कमेंट्स करिए अंजलि बार बार कह रही है मैम को मिस कर रही हूं मैम अभी आएंगी थोड़ी अभी वो बिजी हैं। सर बिना चार्ज का क्लास ले सकते हैं हाँ बिल्कुल ले सकते हो यार भाई कोई पैसा इस यूट्यूब चैनल पर तो आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा यार कोई चार्ज नहीं लग रहा देखो ये क्लास रोज होती है नौ बजे रोज नौ बजे क्लास होती है संडे का भी ऑफ नहीं है संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे, इस क्लास में आपको डेली आना पड़ेगा संडे मंडे ट्यूजडे कोई भी दिन हर दिन आपको रात को नौ बजे आना पड़ेगा मैं आपसे वादा करता हूं डीआई का एक नंबर नहीं कटेगा आप और इतना भयंकर तरीके से डीआई को समझेंगे ना हम लोग आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगोगे ना तो वहां के स्टूडेंटों को भी डीआई सिखाओगे आप वादा है मेरा वादा है हंड्रेड परसेंट आप और लोगों को डीआई सिखाओगे खुद की तो बात ही छोड़ दो उस तरीके से हम लोग डीआई पढ़ेंगे थैंक यू भाई आशीष अगले क्वेश्चन की तरह दिस इज माई फर्स्ट क्लास कितने लोगों की फर्स्ट क्लास है ये आज दो क्लास हुई है देखो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको पहली क्लास का लिंक भी मिल जाएगा यानी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अर्जुना बैच जो हमारा चल रहा है ये बैच अर्जुना जो चल रहा है हमारा इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा पहली कमेंट में तो पुरानी क्लास को भी आप जरूर से देख लेना उसमें मैंने नंबर सीरीज को समझा दिया था मैं एक चीज को लेकर चल रहा हूं गाइड इधर देखिए मैं एक चीज को लेकर चल रहा हूं मैं क्या सोच रहा हूं कि हर दिन एक प्रश्नावली पढ़ानी है मुझे हर दिन चाहे वो क्लास एक घंटे की हो चाहे वो क्लास दो घंटे की हो चाहे वो क्लास तीन घंटे की हो मैं एक दिन में एक प्रश्नावली हम लोग पढ़ कर जाएंगे ताकि फिर अगले दिन अगली प्रश्नावली को पढ़ सकें है ना टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे हम लोग ऐसा कर रहे हैं हम थैंक यू गाइज जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दो तो यार अब तक ये प्रश्नावली अब तक हमने नंबर सीरीज पढ़ ली हमने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पढ़ ली कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली अब हमारा रिलेशन बचा है कल हमारी क्लास रिलेशन की हो सकती है नॉट श्योर sure किसकी होगी मैं आपको बता दूंगा अभी मुझे श्योर नहीं है किसकी क्लास होगी बट ये तीन चीज तो हमने पढ़ा दी है अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है अब तक मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ा दी लेटर सीरीज पढ़ा दी कल की क्लास में और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दी आज की क्लास में अब हमारा जो बाकी के टॉपिक बचे हैं उनको अब हम पढ़ाएंगे अब आगे बढ़ते हैं एक काम करो यार है ना एक काम और कर सकते हो आप एक काम और कर सकते हो अन अकेडमी पर भी फ्री क्लास होती है लेता हूं मैं आप लोगों के लिए देखो यार इस YouTube चैनल पर ज्यादा पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है तो मैं अन अकेडमी पर भी फ्री क्लास लेता हूं फ्री कोई शुल्क नहीं लगता कोई शुल्क नहीं लगता यकीन मानो मेरा बिल्कुल फ्री क्लास कटाता हूं मैं आप जैसे गांव देहात के उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते एक पैसा नहीं लगेगा मेरा वादा है बताऊं कैसे आपको अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और मुझे वहां पर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करके फॉलो कर लेना कर लिया फॉलो अनअकेडमी ऐप डाउनलोड करना मोबाइल नंबर डालना उस पर आईडी बनाकर फॉलो कर लेना फिर यहां पर रोज दोपहर मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी डाल दूंगा बारह बजे रोज बारह बजे मेरी फ्री क्लास होती है कोई शुल्क नहीं लगता रोज बारह बजे क्लास होती है उसमें भी तुम जरूर आया करो कोई शुल्क नहीं लगता रोज बारह बजे होती है हां एक कॉड पूछेंगे आपसे ये कॉड लगा देना क्लास में लॉग करते समय बस रोज बारह बजे क्लास होगी इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी मैं डाल दूंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आप लोगों से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं दिल ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के कॉपीराइट ना आ जाए कोई पता नहीं गाना गाने से भी कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब वालों की तो लीला ही अपरंपार है हाँ गाइस चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स करिए चलिए देखो यार यार कॉलेज में आपके लोग दीवाने हो जाएंगे देखो मैं एक काम मैं एक बात बताता हूं कि जो भी कुछ करो ना लाइफ में जल्दी करो मजाइल एक समय पर काम करने पर आता है नौकरी लगो तो जल्दी लगो ऐसा नहीं कि सर के बाल उड़ गए फिर तुम नौकरी लग रहे हो पीएचडी करने जा रहे हो तो सर के बाल उड़े रहे हैं ऐसे जाके जुल्फी में ऐसे ऐसे जाओ एकदम जुल्फी में हाथ देते हुए आपने पहले नहीं देखा आज एक कौन चलता करता है ऐसे त ऐसे ऐसे गर्दन टेढ़ी करके ऐसे करके तो थोड़ा स्टाइल में मतलब बनती है ना भाई एक समय पर जाओगे तो थोड़ा मजा भी आएगा लाइफ ऐसे नहीं कि यार मतलब कॉन्फिडेंस लो हो गया सर के बाल उठ गए मतलब जीवन में कुछ नहीं बचा सामाजिक जिम्मेदारी डिप्रेशन में चल रहा अरे यार जल्दी करो ये नेट की एग्जाम बहुत छोटी एग्जाम है जल्दी पास करो हम लोगों ने पास कर ली तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हम में कौन से सीम उग रहे हैं यार आप जैसा ही मैं हूं आपका हमउमर का हूं मैं तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने क्विक क्विक तरीके से पास कर लिया नेट जी की एग्जाम पास कर ली पीएचडी एच बहुत जल्दी हो गई सिलेक्शन बहुत जल्दी हो गया बहुत सारी चीजें थी, थी वो समय पर हो गई चीजें ओके okay. कमेंट में आंसर दीजिए गाइस आप लोगों ने से जितने भी लोगों ने डी आंसर किया है ना उन लोगों ने सही किया है कितने लोगों ने डी आंसर दिया ईमानदारी से अगर आप लोगों ने डी आंसर दिया है तो आप आप कोडिंग-डिकोडिंग सीख चुके हो बधाई हो आप कोडिंग-डिकोडिंग सीख चुके हो बधाई हो आप अगर आपने डी आंसर दिया है तो आप कोडिंग डिकोडिंग सीख चुके हो गाइस सीख गए हो आप कोडिंग डिकोडिंग थैंक यू आप कोडिंग डिकोडिंग सीख चुके हो क्या बात है समर बहुत बढ़िया डी गलत है अच्छा चलो डी गलत है या सही है उसको हम लोग देख लेंगे अरे मैंने पर लगा दिया भाई आंसर आएगा डी सॉरी मैं मुंह से डी बोल रहा हूं और ऑप्शन में सी लगा दिया मैं मुंह से तो डी बोल रहा था और ऑप्शन में मैंने सी लगा दिया हाँ विनय सही कह रहे हैं आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमारे सामने एक नंबर ये लिख रखा है और अगला नंबर हमारे सामने ये लिख रखा है यानी कि इन दोनों संख्याओं में संबंध ढूंढना है कि इनके बीच में संबंध क्या है इनके बीच में क्या है संबंध का हमको पता लगाना है इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध का पता लगाना है फिर जाकर हम इसका संबंध निकाल सकते हैं तो हम तो संबंध निकालने वाले तगड़े हैं आपने गांव के बिचोला सुने का बिचोलिया गांव में बिचोला नहीं होते अरे आज के जमाने में तो इतनी ज्यादा कोई शादी डॉट कॉम खुल गई है कोई क्या खुल गई है कोई क्या खुल गई है आज के जमाने में तो पहले बिचोला ब्याह किया करते थे और गांव में ब्याह काटने का काम ही अलग तरीके से होता था तो भाई हमको संबंध ढूंढना है अभी पहले क्या था जैसे गांव कोई गांव का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे ये कोई गांव बस रहा है इस तरीके का इधर देखो ये कोई मान लो इस तरीके का गांव बस रहा है और गांव के बीच में ये सड़क है ये जारी सड़क अब आपने देखो ये सड़क का यहां पर क्या है कि स्टैंड होता है अब स्टैंड पर क्या होता है गांव में बहुत सारी थड़ियां रहते हैं चाय की मां लोग अखबार पढ़ते रहते हैं चाय वाय पीते रहते हैं और ऐसे ताश खेलते रहते हैं है ना ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो निठल्ले लोग है ना वो यहीं बैठे रहते हैं इसी जगह पर उस पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तो वो यहीं बैठे रहते हैं पूरे गांव में क्या हो रहा है उन सबको पता है और एक बात बताऊं खुद मतलब घर वालों को पता नहीं लगता कि ये किसकी घरवाली है वहां पर बैठे हुए सब लोग है ना पीछे से ही दूर से पैरों की चाल पैरों की चाल से पहचान जाते हैं कि फलाने की घर जा रही है उनको इतना नॉलेज हर चीज का ये फलाने की घर वाली जा रही है पीछे से पचान जाते हैं चाल से अब मान लो कोई गांव में क्या गया गांव में बिचोले गयो ब्याह करवा अब यहां पर मान लो कोई आदमी अब जो रिश्तेदार होते हैं जो रिश्ता करने वाले लोग होते हैं जो शादी करने वाले दूर से ही दिख जाते हैं वो वो दूर से ही दिख जाते हैं पता लग जाता है कि हाँ भाई ये कोई ना कोई, कोई के घर जा रहा है अब गांव में जैसे ही उतरेंगे जैसे ही उतरेंगे यार कहीं ना कहीं से पूछेंगे भाई फलाना पटेल के फलाने आदमी के घर जाना है तो यहां पर उतरेंगे भाई कौन सा छोरा को ब्याह कर रहे अजी साहब हा, 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 हा। अजी साहब छोरो ओहो हो, 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 हो। छोरो ढूंढने से नाम लोग महाराज छोरो बहुत ही खूबसूरत नाक एकदम सूड़ी सट और बिल्कुल गोरो भूरो छोरो और सुनो महाराज आंख खूब मोटी मोटी लेकिन उनखे ना आए तो हम क्या करा छोरा की तारीफ भी कर दी और बात ही बात में ये कह दी कि छोरा की आंख तो खूब मोटी मोटी है पर दीख है ना महाराज अब शादी करने वाले लोगों को बस इतना ही है उठ गई कटती बहुत जल्दी है शादी बस कट गई ऐसे कितने लोग बिना शादी के गांव में घूमते हैं ऐसे गांव में 200 सौ दो लोगों का टोला होता है और खासकर हरियाणा में तो हद्दी कर रखी है तो हम लोग क्या संबंध करवाने वाले लोग हैं संबंध ढूंढ लेंगे इन दोनों संख्याओं के बीच का आइए इन दोनों संख्याओं के बीच का संबंध ढूंढते हैं चाहो तो संबंध को तुम ऐसे ही ढूंढ लो प्लस एक का अंतर है इन दोनों के बीच में प्लस दो का अंतर है पर हम इसको ऊपर नीचे करके नाक ढूंढेंगे हम इसको यहां लिख लेते हैं इस संख्या को देखो v यह संख्या को हम यहां लिख लेते हैं इधर देखिए कॉपी पेन निकालो v वी अरे अरे वी ए आर ए वी ए आर ए एन ए वी ए आर ए एन ए वी ए आर ए एन ए एस आई इस संख्या का संबंध इससे निकालना है संख्या है डब्ल्यू सी U, E, S, G, जेड और Q. अब इनके बीच में संबंध क्या है ये ढूंढना है हमको ये बताना है देखो इन दोनों के बीच में U के बाद में W आता है प्लस एक का अंतर है A आता है एक नंबर पर C आता है तीन नंबर पर प्लस दो का अंतर है आर आता है उन कितने नंबर पर सत्रह नंबर पर यू आता है इक्कीस नंबर प्लस तीन का अंतर है ए आता है एक नंबर पर ई आता है नंबर पर प्लस चार का अंतर है एन आता है बीस नंबर पर एस आता है पच्चीस नंबर पर प्लस पांच का अंतर है जी आता है सात नंबर पर एक आता है एक नंबर प्लस छह का अंतर है इसमें प्लस सात का अंतर है और इसमें प्लस आठ का अंतर यानी हम देख पा रहे होंगे कि एक संख्या से अगली संख्या में जैसे इस संख्या से इस संख्या में जाएंगे तो प्लस एक का अंतर इस संख्या से इस संख्या में जाएंगे तो प्लस दो का अंतर इस संख्या से इस संख्या को देखेंगे तो प्लस तीन का अंतर यानी हर संख्या में एक एक संख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है उसी तरीके से हम साथियों अपना जो ये शब्द है इसको लिखेंगे जैसे के ग्यारह एल बारह एल आ गया ओ पंद्रह ओ पंद्रह क्यू सत्रह एल बारह एल बारह में तीन जोड़ दो ओ पंद्रह तो इस तरीके से साथ ही हमारा ये आ जाएगा डी आंसर क्या आ जाएगा यहां पर डी आंसर आ जाएगा एक एक अगर जोड़ते चले जाएंगे तो इस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग का सारे प्रश्नावली कर लिए हैं सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 2021, 2022, 2020 के सारे क्वेश्चंस कर लिए अब बताओ किसी को कोई समस्या है क्या ये क्वेश्चन 2021 का था जो हमने किया है ये सब ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है बताओ कुछ पूछना है किसी को की तरह जैसा कि मैं कहता हूं रूपो मत थको मत डटो मत हटो मत नमस्कार जय हिंद जय भारत थैंक यू गाइस लव यू ऑल ख्याल